नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं TDS, TCS, एडवांस टैक्स और रिफंड। इस चैप्टर का रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 10 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज होता है। इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है TDS का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार TCS एडवांस टैक्स भी पूछ लेते हैं, लेकिन मेनली TDS पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले अपने देखे थे TDS के बेसिक। TDS पेयर काटता है पेई का, जो अमाउंट पे कर रहा है वो TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करवाता है। किसका TDS काटता है? पेई का TDS काटता है, मतलब जिसको अमाउंट रिसीव हो रही है, जिसको इनकम रिसीव हो रही है उसका TDS काटता है। कब करता है? अगर वो इनकम उस पेई के एंड्स में टैक्सेबल है, तो जो अमाउंट रिसीव हो रही है अगर पेई के एंड्स में टैक्सेबल है तो ही TDS करता है। अगर इनकम एग्जम्प्ट है पेई के एंड्स में तो TDS नहीं करता। TDS कब काटना पड़ता है पेयर को? पेमेंट और क्रेडिट विच एवरी जल्दी है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवरी जल्दी है। लेकिन कुछ केस बता रखे हैं जहाँ TDS पेमेंट के टाइम पे करता है, क्रेडिट के टाइम पे नहीं करता, पेमेंट के टाइम पे करता है। कौन कौन सा? सैलरी सेक्शन 192, EPF सेक्शन 192A, कैजुअल इनकम सेक्शन 194B एंड डबल बी, मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी सेक्शन 194DA, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन 194LA, कैश विड्रॉल सेक्शन 194N, और एक बेनिफिट और प्रोक्यूसिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नया सेक्शन है 194R। इन सेक्शन में TDS पेमेंट के टाइम पे करता है। आगे बता रखा है TDS जो करता है सेक्शन के अंदर जो फ्लैट रेट दे रखी है, फिक्स रेट दे रखी है, उसी रेट से करता है। लेकिन तीन केस में आपको उस रेट के साथ साथ सरचार्ज और सेस भी जोड़ना पड़ता है। सरचार्ज लगता है अगर इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है तो सरचार्ज भी लगाना पड़ता है और सेस तो लगाना ही पड़ता है। कौन कौन से केस? सैलरी का केस, दूसरा पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, और तीसरा इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन सेक्शन 194P वाला केस। इन तीन केस में आपको सरचार्ज और सेस भी कंसीडर करना पड़ता है। आगे बता रखा है TDS चाहे आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करो चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए पेमेंट करो, आपको TDS काटना पड़ता है। लेकिन 194C और 194J इन दो सेक्शन में अगर आप इंडिविजुअल HUF हो, अगर आप इंडिविजुअल HUF और पेमेंट कर रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए, अगर इंडिविजुअल HUF पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा है तो TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे बता रखा है अगर पेयर जो पेमेंट कर देता है बिना TDS काटे पेमेंट कर देता है तो पेई की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद से गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा दे। लेकिन मान लो पेयर TDS काट लेता है और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता, तो अब पेई की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद से टैक्स जमा करवाए। ऐसे केस में गवर्नमेंट को जो टैक्स रिकवर करना पड़ेगा किससे करना पड़ेगा? पेयर से रिकवर करना पड़ेगा। आगे बता रखा है अगर जो पेई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, RBI है, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल फंड है, ये बड़े लोग हैं, तो इन बड़े लोगों का TDS नहीं कटता। आगे बता रखा है कि अगर बिल में GST लगा हुआ है, देखो काफ़ी सर्विस के केस में, गुड्स के केस में GST लगता है, तो बिल बना हुआ है उसमें बिल में GST लगा हुआ है किसी सर्विस के ऊपर या किसी गुड्स वगैरह के ऊपर, तो GST की वैल्यू पे भी TDS कटेगा क्या? तो GST की वैल्यू पे TDS नहीं काटना अगर GST बिल में सेपरेटली दिखा रखा है। तो जैसे मान लो 10 लाख का रेंट है, उस पर 1,80,000 GST लगा, तो 10 लाख जो रेंट है, रेंट की जो वैल्यू है उस पर TDS कटेगा, GST वाले कंपोनेंट पर TDS नहीं काटना। अगर GST सेपरेटली दिखा रखा है तो पेयर को GST वाले कंपोनेंट पर TDS नहीं काटना। ये थे TDS के बेसिक। अब अपन स्टार्ट करेंगे TDS के सेक्शन। ये मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल में टोटल चीज़ें, सेक्शन में जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें कवर हैं। नेचर ऑफ पेमेंट, पेयर कौन है, पेई कौन है, क्या रेट से TDS कटेगा, कुछ एग्जम्पशन लिमिट है क्या TDS के रिगार्डिंग, इसके अलावा एडिशनल पॉइंट भी सारे कवर्ड। एडिशनल पॉइंट में सेक्शन के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं वो भी कवर्ड है, कोई सर्कुलर आ रखा है वो सर्कुलर भी कवर्ड है, कोई नोटिफिकेशन है तो कोई नोटिफिकेशन वो भी कवर्ड है। इसके अलावा जितने भी केस लो हैं सारे के सारे केस लो के पॉइंट भी कवर्ड है। मतलब अगर आपने ये टेबल पढ़ ली ना, TDS का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। TDS के जो भी क्वेश्चन होंगे इसी टेबल से आएंगे, इसी टेबल के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक नंबर का भी या एक पॉइंट भी इस टेबल के बाहर नहीं आएगा। ये टेबल आपको अच्छे से देखनी है, एक एक करके देखते हैं। वैसे इस टेबल में जो सबसे ज़्यादा काम का है, एक तो रेट काम की है और एक एग्जम्पशन लिमिट, ये सबसे ज़्यादा काम की है। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट भी काम के हैं जो मैंने रेड कर रखे हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट भी इसमें काम के हैं, उनके बेस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन केस लो या उन सर्कुलर के बेस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 192, सैलरी। सैलरी का कोई पेमेंट करता है, कौन पेमेंट करता है? कोई भी एम्प्लॉयर सैलरी का पेमेंट करता है किसी भी एम्प्लॉय को, करे चाहे वो एम्प्लॉय रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। तो कोई नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर उसको पेमेंट कर रहा है तो उसका TDS ही काम करता है 192 में। तो कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करता है वो TDS काटेगा। किस रेट से? स्लैब रेट से। इस स्लैब रेट को अपन एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी बोलते हैं, बाकी स्लैब रेट से। अभी स्लैब रेट होती क्या है? एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉय से उसकी अदर इनकम की डिटेल लेगा। एम्प्लॉय जो भी अदर इनकम करेगा, इंटरेस्ट की इनकम या अदर सोर्स की इनकम, जो भी इनकम अर्न करेगा या हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की इनकम, उनकी डिटेल लेगा। एम्प्लॉय कोई खर्चा वगैरह करता है उनकी डिटेल भी लेगा। एम्प्लॉय कोई डिडक्शन क्लेम करेगा चैप्टर 6 वाले, उनकी डिटेल भी लेगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सभी डिटेल ले लेगा एम्प्लॉय से। एम्प्लॉयर क्या करेगा उसके बाद? उस एम्प्लॉय की टोटल इनकम निकालेगा, टोटल इनकम पे टोटल टैक्स निकालेगा, स्लैब लगा के टोटल टैक्स निकाल लेगा। और उसी टोटल टैक्स को एम्प्लॉयर को सैलरी से काटना है, उसी टोटल टैक्स को जो उस एम्प्लॉय का निकला उसी को काटना। कैसे काटेगा? जो टोटल टैक्स आया एम्प्लॉय का उस टोटल टैक्स को या तो 12 से डिवाइड करेगा, 12 से डिवाइड करके जो फिगर आएगी पर मंथ की सैलरी से उतना उतना अमाउंट काटता जाएगा। जब पर मंथ सैलरी पे करेगा उस अमाउंट से उतना उतना अमाउंट काटता जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? जो टोटल टैक्स आया एम्प्लॉय का उस टोटल टैक्स को एम्प्लॉय की टोटल सैलरी से डिवाइड करेगा, टोटल सैलरी से डिवाइड करेगा और एक रेट निकाल देगा। और पर मंथ की सैलरी
से उस रेट को इंटू करके उतना अमाउंट टीडीएस का काट लेगा। इन दोनों तरीकों से कोई भी तरीके से वो टीडीएस काट लेगा। तो एक तरीके से एम्प्लॉय का जितना भी टोटल टैक्स बनेगा, एम्प्लॉय का जितना भी टोटल टैक्स बनेगा वो एम्प्लॉयर काट लेगा। इसे ही बोलते हैं स्लैब रेट, इसे ही बोलते हैं स्लैब रेट। अब इसमें एग्जम्पशन लिमिट है क्या कुछ, तो इसमें बता रखा है अगर एम्प्लॉय की टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आ रही है, अगर एम्प्लॉय की टोटल इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की आती है ना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उस लिमिट तक आ रही है तो बताओ एम्प्लॉय का टैक्स क्या बनेगा, जीरो बनेगा। टैक्स जीरो बनेगा तो काटना ही नहीं है, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा अगर एम्प्लॉय की टोटल इनकम कितनी आ रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आ रही है। आगे बता रखा है एम्प्लॉयर जो डिटेल लेगा एम्प्लॉय से, इनकम की डिटेल लेगा एंड डिडक्शन वगैरह की डिटेल लेगा, जो एम्प्लॉय क्लेम करेगा उन डिडक्शन की डिटेल लेगा। अगर एम्प्लॉय कोई लॉस बताता है कि उसका अदर सोर्स में लॉस हो रहा है, कैपिटल हेड में लॉस हो रहा है, तो वो लॉस कंसीडर नहीं करेगा, खाली हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस अगर एम्प्लॉय बताता है तो खाली हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस कंसीडर करेगा एम्प्लॉयर इनकम निकालते वक्त एम्प्लॉय की। इसके बाद बता रखा है अगर एम्प्लॉय इस चार एग्जम्पशन क्लेम करता है, चार एग्जम्पशन कौन कौन सी, HRA हाउस रेंट अलाउंस वाली, एक लीव ट्रैवल कंसेशन वाली, एक हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट वाली और एक चैप्टर 6 के डिडक्शंस, कौन कौन से एग्जम्पशन क्लेम करता है, HRA वाली, लीव ट्रैवल कंसेशन वाली, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट वाली और चैप्टर 6 के डिडक्शन क्लेम करता है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय से इन चार खर्चों के रिगार्डिंग एविडेंस और प्रूफ लेने, क्या लेने, एविडेंस और प्रूफ लेने और उसी के बाद उस एम्प्लॉय की इनकम निकालते वक्त इन चार खर्चों की डिडक्शन देनी है। एविडेंस और प्रूफ दे देता है एम्प्लॉय तो ही देनी है। ये फालतू पॉइंट था। आगे बता रखा है अगर एम्प्लॉय को जो है एरियर ऑफ सैलरी मिल रहा है, एरियर ऑफ सैलरी मिल रहा है तो उस एरियर ऑफ सैलरी पे भी टीडीएस कटेगा, लेकिन एरियर ऑफ सैलरी के केस में अगर आपने सैलरी पढ़ रखा हो आपको पता होगा एक सेक्शन 89 की रिलीफ मिलती है, तो 89 की रिलीफ मिलने के बाद जो टैक्स बनता है उतना टैक्स कटेगा। आगे बता रखा है एक केस लो का पॉइंट है, होटल या रेस्टोरेंट में क्या हुआ, कस्टमर गए और उन्होंने वेटर्स को टिप दी, वेटर्स को जो टिप दी उसको सैलरी नहीं माना जाएगा, या मान लो कस्टमर्स ने क्या किया होटल या रेस्टोरेंट के मालिक को टिप दे दी और वो उस मालिक ने क्या किया उस टिप को अपने वेटर्स को बांट दिया, तो उसको सैलरी नहीं माना जाएगा और उसको टीडीएस नहीं कटेगा, उसको सैलरी नहीं माना जाएगा, उस टिप को सैलरी नहीं माना जाएगा, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है अगर एम्प्लॉई 115 बीएससी वाला ऑप्शनल स्लैब फॉलो करता है, 115 बीएससी वाला ऑप्शनल स्लैब फॉलो करता है तो उसको इसके बारे में एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, क्योंकि फिर एम्प्लॉयर को बताएगा उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करेगा 115 बीएससी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की टोटल इनकम निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग टोटल टैक्स निकालेगा और उसका टैक्स काट लेगा अगर एम्प्लॉय 115 बीएससी फॉलो करता है। तो ये था सैलरी का 192 सैलरी का सेक्शन था। एम्प्लॉय टीडीएस काटता है, कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट टीडीएस करता है स्लैब रेट से टीडीएस करता है। अगर एम्प्लॉय की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आ रही है तो यहां टीडीएस नहीं करता। ये था सेक्शन 192। अगला सेक्शन आ जाओ 192A, बैलेंस ऑफ आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बैलेंस अगर एम्प्लॉय विड्रॉ करता है पीएफ डिपार्टमेंट वाले उसका टीडीएस काटते हैं 10% की रेट से टीडीएस काटते हैं, और अगर एग्रीगेट पेमेंट जो विड्रॉ कर रहा है वो पूरे साल का 50,000 से कम है, 50,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं करता, 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, 50,000 या 50,000 से ज्यादा है तो फिर फुल अमाउंट पे क्या हो जाता है टीडीएस कट जाता है। टीडीएस में एक बात ध्यान रखना, सभी सेक्शन में जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है, जो लिमिट दे रखी है जैसे ही क्रॉस होती है फिर फुल अमाउंट पे टीडीएस कटता है, दो सेक्शन को छोड़ के। आगे दो सेक्शन आएंगे, एक 194N कैश विड्रॉ वाला, एक 194Q आएगा आपका परचेज ऑफ गुड्स वाला। उन दो सेक्शन में लिमिट के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है उस पर टीडीएस कटता है, लेकिन बाकी सेक्शन में जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई फिर पूरी अमाउंट पे टीडीएस कट जाता है। तो इसमें बता रखा अगर 50,000 से कम अमाउंट विड्रॉ करता है पूरे साल में तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा करता है तो फिर फुल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। आगे बता रखा है टीडीएस तभी कटेगा अगर एम्प्लॉई जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पीएफ से वो उसके एंड में टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल कब होती है इसके लिए बता रखा है अगर एम्प्लॉई 5 साल से कम पीरियड के लिए जॉब करता है, 5 ईयर से कम पीरियड के लिए जॉब करता है और उसके बाद वो आरपीएफ का बैलेंस विड्रॉ करता है तो अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। 5 साल या 5 साल से ज्यादा जॉब करता है तो टैक्सेबल नहीं होती, टैक्सेबल नहीं होती तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आगे बता रखा है अगर एम्प्लॉय पैन फर्निश नहीं करता, देखो एक सेक्शन आएगा अपना सेक्शन 206AA, वो बोलता है अगर पेई अपना पैन पेयर को फर्निश नहीं करता तो पेयर जो टीडीएस काटेगा ना किस रेट से काटेगा, रेट गिवन इन सेक्शन और 20% विच एवरेज हायर। लेकिन 192A में स्पेशल है, अगर एम्प्लॉय अपना पैन एम्प्लॉयर को फर्निश एम्प्लॉय अपना पेन पीएफ डिपार्टमेंट वालों को फर्निश नहीं करता, मतलब पे ही अपना पेन पेयर को फर्निश नहीं करता तो टीडीएस की रेट क्या हो जाएगी, एमएमआर। टीडीएस 20 से नहीं कटेगा, फिर सीधा एमएमआर की रेट से कटेगा, एमएमआर की रेट से मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कटेगा 42.744% से। ये था 192। फिर अपने देखा 193 फालतू सेक्शन था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन सिक्योरिटीज पे बोन्स वगैरह पे डिवेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट का पेमेंट करता है टीडीएस कटेगा 10% की रेट से। लेकिन यहाँ पे 2-3 केस बता रखे हैं जहाँ टीडीएस नहीं कटेगा, अगर इंटरेस्ट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जा रहा है कोई टीडीएस नहीं कटेगा, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा, तीसरा डीमैट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। ये था 193। फिर देखा अपने 194 डिविडेंड,
कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, कौन है यहाँ पे देखो ध्यान देना, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करती है 10% की रेट से टीडीएस काटेगी। यहाँ भी दो केस में टीडीएस नहीं कटेगा, अगर डोमेस्टिक कंपनी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रही है डिविडेंड का, टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी पेमेंट किसको कर रही है, किसी इंडिविजुअल को कर रही है और अदर देन कैश कर रही है, और अमाउंट कितनी है पूरे साल की, 5000 तक की है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 5000 से ज़्यादा की है फिर टीडीएस कट जाएगा। इसके बाद सेक्शन 194A देखा था अपन ने, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। देखो सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट पे 193 लग जाता है, अदर इंटरेस्ट जो होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट ऑन लोन, उन पर क्या लगता है 194A। तो यहाँ कोई भी पर्सन जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है 10% की रेट से टीडीएस काटेगा। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन को हटाया गया है इसमें से, कोई ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ था और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट अप टू ₹50 लाख थी। क्या बोला मैंने, कोई ऐसा पर्सन है जिसका लास्ट, कोई ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ था और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट अप टू ₹50 लाख थी, उस बंदे को, उस पेयर को टीडीएस नहीं काटना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एक पर्सन है मोहन लाल, इसका लास्ट ईयर में बिजनेस टर्नओवर था मान लो 98 लाख का। तो मोहनलाल एक पर्सन है जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस का टर्नओवर था 98 लाख का। तो इस मोहनलाल देखो इंडिविजुअल है, इस मोहनलाल को टीडीएस नहीं काटना, इस मोहनलाल को 194A के अंदर टीडीएस नहीं काटना। या मान लो इस मोहनलाल का लास्ट ईयर में बिजनेस था ही नहीं, या मान लो मोहनलाल जॉब करता था, या मान लो मोहनलाल को पेंशन वगैरह मिलती थी, इसका बिजनेस वगैरह था ही नहीं, या मान लो मोहनलाल घर पे बैठा था, बेरोजगार था, नल्ला था मान लो, तो इसको टीडीएस नहीं काटना। तो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ था, या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट अप टू ₹50 लाख थी, या लास्ट ईयर में उसका बिजनेस था ही नहीं, या लास्ट ईयर में मान लो जॉब वगैरह करता था, या लास्ट ईयर में मान लो वो नल्ला था, ऐसे बंदे को, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को यहाँ टीडीएस नहीं काटना, ऐसे पेयर को यहाँ टीडीएस नहीं काटना। तो लिख सकते हो आप, और नो बिजनेस और जॉब वगैरह करता था, ऐसा कोई भी केस है तो उस बंदे को टीडीएस नहीं काटना। तो अगर वो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं 10% की रेट से टीडीएस काटना है। यहाँ भी एग्जेम्पशन लिमिट दे रखी है, एग्जेम्पशन लिमिट क्या दे रखी है, अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो 40,000 की लिमिट है, 40,000 तक कोई इंटरेस्ट, कोई टीडीएस नहीं काटना, 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट है टीडीएस काटना है। लेकिन अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन मतलब 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा वाले एज वाले पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, तो 50,000 की लिमिट है, 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं काटना, 50,000 से ज़्यादा पे फिर पूरे अमाउंट पे, अगर 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट है तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना है। आगे बता रहा है, कोई और पर्सन इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, जैसे मान लो कंपनी राम लिमिटेड, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, लिमिट 5,000 की लिमिट है, 5,000 तक कोई टीडीएस नहीं काटना, 5,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट है फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। आगे इसमें एडिशनल पॉइंट में बता रखा है, अगर बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन फॉलो करता है, तो जो लिमिट अपन चेक करेंगे ना बैंक के केस में, वो पर ब्रांच नहीं देखेंगे, पर बैंक देखेंगे। कैसे, जैसे मान लो एक पर्सन है अमन, उसको उसका HDFC बैंक की तीन ब्रांच में अकाउंट है, तीनों ब्रांच से उसको 20,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अपन लिमिट एग्रीगेट करके देखेंगे, तीनों ब्रांच का एग्रीगेट करके आया उसका 60,000, लिमिट क्रॉस हो गया, टीडीएस कट जाएगा। ऐसा नहीं कि पर ब्रांच देखेंगे, तो उसका 20,000 है, टीडीएस नहीं कटना चाहिए, पर ब्रांच नहीं देखेंगे। तो जो बैंक पे कर रहा है, बैंक के केस में अगर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा है वो, तो अपन लिमिट जो देखेंगे पर बैंक देखेंगे, पर ब्रांच नहीं देखेंगे। आगे बता रखा है, कुछ केस में सेक्शन 194A में टीडीएस नहीं कटेगा, अगर सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना भी मिले टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, कोई फर्म अपने रेजिडेंट पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर रही है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। नॉन रेजिडेंट को करती है तो सेक्शन 195 में चला जाएगा वो। आगे बता रखा है, इनकम टैक्स के रिफंड पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है टीडीएस नहीं कटेगा। आगे, इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है किसी बैंक को, पे किया जा रहा है या किसी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी UTI को, इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है किसी बैंक को, मतलब मान लो एक कंपनी राम लिमिटेड, उसने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक को इंटरेस्ट पे कर रही है, कोई टीडीएस नहीं काटना। बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को या UTI वगैरह को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, अगला पॉइंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को या दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, मोटर एक्सीडेंट के कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला तो टीडीएस 50,000 तक अगर इंटरेस्ट मिला तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज़्यादा मिला तो ही कटेगा, और वो भी कैसे कटेगा, पेड बेसिस पे। वैसे तो पेमेंट और क्रेडिट होता है इसमें 194A में, लेकिन मोटर एक्सीडेंट के कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो लिमिट होती है 50,000 की, 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज़्यादा मिला पेड बेसिस पे कटेगा। आगे बात रखें, अगर कोई FD बनी हुई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, FD बनी हुई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, अगर बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट करता है
किसी प्रोविजनिंग अकाउंट में डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मैक्रो मॉनिटरिंग करने के लिए, मैक्रो मॉनिटरिंग करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, मैक्रो मॉनिटरिंग करने के लिए इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। कितना भी करे, चाहे 50 लाख का करे, चाहे 5 करोड़ का करे, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे तो पेमेंट और क्रेडिट विचरी जल्दी टीडीएस काट लेते हैं, लेकिन इसे क्रेडिट नहीं माना जाएगा। अगर बैंक मैक्रो मॉनिटरिंग करने के लिए क्रेडिट करता है, मैक्रो मॉनिटरिंग करने के लिए क्रेडिट करता है, उससे क्रेडिट नहीं मानेंगे और टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। ये था सेक्शन 194। एक बार फिर से देख लो, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस कटता है। कोई भी पेयर है, मोहन लाल को छोड़ के कोई भी पेयर है, वो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा 10% की रेट से टीडीएस काटना है। अगर बैंक, कॉपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस करते हैं 40,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 40,000 से ज्यादा करते हैं तो टीडीएस कटेगा। सीनियर सिटीजन की लिमिट कितनी है 50,000 की। कोई और परसेंट टीडीएस का इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो 5,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 5,000 से ज्यादा करता है तो टीडीएस कट जाएगा। ये था सेक्शन 194A। इसके बाद अपने देखे थे 194B एंड डबल बी। 194B कैजुअल इनकम अदर देन हॉर्स रेस को छोड़ के बाकी जो भी कैजुअल इनकम है, लॉटरी या कोई भी है, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह, वो 194B में कवर है। और जो हॉर्स रेस है उसके लिए अलग से सेक्शन है 194BB। कोई भी पर्सन कैजुअल इनकम का पेमेंट करता है, किसी भी पर्सन को, चाहे रेजिडेंट को करे चाहे नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट का भी यहीं कवर हो जाएगा। जैसे सैलरी का कवर हो गया था ना 192 में, ऐसे ही कैजुअल इनकम का यहीं हो जाएगा नॉन रेजिडेंट का। तो कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को कैजुअल इनकम का पेमेंट करता है, 30% से टीडीएस काटेगा। 10,000 तक पेमेंट है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ज्यादा का पूरे साल का, तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। अब मान लो जो विनिंग है काइंड में, तो लॉटरी वाला टीडीएस काटेगा। तो कैसे काटेगा, जैसे मान लो एक बंदे ने कार जीती लॉटरी में 10 लाख की। अब लॉटरी वाला 10 लाख की कार दे रहा है विनिंग में, तो कार को ऐसा थोड़ी करेगा कि 30% काट के 70% कार दे देगा, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो ऐसे केस में उस लॉटरी वाले को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस कार पे जितना टीडीएस बनता है, 10 लाख की कार है तो 30% का अकॉर्डिंग 3 लाख का टीडीएस बनता है, तो उस कार पे जितना टीडीएस बनता है वो पे ही नहीं, खुद से गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ये इंश्योर करना पड़ेगा, और उसके बाद कार देनी पड़ेगी, तो अगर विनिंग काइंड में है तो लॉटरी वाले को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस विनिंग पे जितना टीडीएस बनता है उतना उस पेई ने खुद से जमा करवा दिया, और उसके बाद उसको क्या करनी पड़ेगी, कार हैंड ओवर करनी पड़ेगी। ये है 194B। 194B हॉर्स रेस। कोई भी पर्सन अगर हॉर्स रेसिंग का पेमेंट करता है, देखो यहाँ पेमेंट जो करेगा वो होगा बुक मेकर, मतलब जो हॉर्स रेस ऑर्गेनाइज करवाता है उसे बोलते हैं बुक मेकर। किसको करेगा पेमेंट, पंटर को। पंटर मतलब जो हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाता है, तो बुक मेकर पेमेंट करेगा पंटर को। 30% की टीडीएस काटेगा अगर हॉर्स रेसिंग में पैसा जीतता है पंटर, तो 10,000 की लिमिट है, 10,000 तक पेमेंट करता है कोई टीडीएस नहीं, 10,000 से ज़्यादा करता है फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। आगे बता रखा है यहाँ आपको लॉस वगैरह कोई सेटअप नहीं करने। 194B और 194BB दोनों में मान लो दो लॉटरी में पैसे लगाए, आपने दो हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाए, एक में जीत गए एक में हार गए, एक में 50,000 जीत गए एक में 20,000 हार गए, तो नेट करोगे क्या, नेट मत करना, क्योंकि जो कैजुअल इनकम का लॉस है या हॉर्स रेसिंग वगैरह का जो लॉस होता है वो डेड लॉस होता है, वो आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, खुद की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो लॉस को बिना सेट ऑफ करे जो विनिंग है उस विनिंग पे टीडीएस काटना है 194B में भी और 194BB में भी। आगे बता रखा है 194C कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही टीडीएस काटेगा। लेकिन यहाँ भी एक बंदे को छोड़ना है आपको, मोहनलाल को छोड़ना है। मोहनलाल जो अगर पेयर है, पेयर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट ही कौन है, मोहनलाल है, तो उसको टीडीएस नहीं काटना। मोहनलाल मतलब जिस बंदे का लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू 1 करोड़ था और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस प्रॉफिट अप टू 50 लाख थी, या लास्ट ईयर में बिजनेस वगैरह था ही नहीं या वो जॉब वगैरह करता था। तो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू 1 करोड़ था, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस प्रॉफिट अप टू 50 लाख थी, मतलब मोहनलाल था, मोहनलाल को छोड़ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो पेमेंट करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को तो टीडीएस काटना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब जो पे ही है जिसको इनकम रिसीव हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो 1% की रेट से टीडीएस कटेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई और पर्सन है, तो टीडीएस किस रेट से कटेगा, 2%, मतलब फॉर्म वगैरह कंपनी वगैरह तो 2% की रेट लगेगी। अब यहाँ एग्जेम्पशन लिमिट, दो लिमिट दे रखी है, सिंगल पेमेंट के लिए दे रखी है 30,000 और एग्रीगेट पूरे साल के लिए दे रखी है 1 लाख की लिमिट। सिंगल पेमेंट के लिए 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख लिमिट, कोई सी भी एक लिमिट क्रॉस हो गई फिर टीडीएस कट जाएगा। जैसे मान लो सिंगल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है 28,000 का, 27,000 का, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे उसे मान लो 32,000 का पेमेंट कर दिया कि पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। ऐसे ही पूरे साल की एग्रीगेट लिमिट है 1 लाख की, 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख से मान लो जैसे ही 1 रुपये भी ज्यादा हो गया फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। दोनों में से कोई सी भी एक लिमिट क्रॉस हो गई ना फिर टीडीएस काटना है आपको। तो आगे बता रखे अभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लोगे, देखो कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ लेबर वगैरह, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब तो आ ही जाएंगे। इसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आएंगे, कौन कौन से वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें बता रखा है, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हो, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट वगैरह करवाते हो, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएंगे, टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप हलवाई से कैटरिंग की सर्विस लेते हो, कैटरिंग, इसे भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। आगे बता रखा है अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पेमेंट करते हो, चाहे वो गुड्स का भाड़ा हो चाहे पैसेंजर का भाड़ा हो, भाड़े का पेमेंट करते हो अदर देन रेलवे, रेलवे को छोड़ के किसी भी ट्रांसपोर्टर को अगर आप भाड़े का पेमेंट करते हो 194C में टीडीएस काटना है। आगे बता रखा है कोई पेयर है या कोई कस्टमर है, वो क्या करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर से अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग माल बनवाता है।
कोई पेयर है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, माल बनवाता है और मटेरियल भी खुद सप्लाई करता है। पेयर मटेरियल जो कस्टमर है, कस्टमर मटेरियल भी खुद सप्लाई कर रहा है और अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग माल बनवा रहा है, तो ये बन जाएगा जॉब वर्क और उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या बोला? पेयर या कस्टमर अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग माल बनवा रहा है और मटेरियल भी खुद सप्लाई कर रहा है, मटेरियल भी खुद का दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, मटेरियल भी खुद का दे रहा है, ये बन जाएगा जॉब वर्क और उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा केस, जो पेयर है कस्टमर है अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग माल बनवा रहा है लेकिन जो मटेरियल है वो पेयर का कोई रिलेटिव, उस कस्टमर का कोई रिलेटिव सप्लाई कर रहा है, उस कस्टमर का जो भी रिलेटिव है एज पर सेक्शन 48(2) बिजनेस का एक सेक्शन था ना 48(2) रिलेटिव वाला, एज पर सेक्शन 48(2) कोई भी उसका रिलेटिव उस पेई को या उस कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल सप्लाई कर रहा है, मतलब पेयर अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग माल बनवा रहा है और जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो उस पेयर का या उस कस्टमर का कोई रिलेटिव सप्लाई कर रहा है, तो ये भी बन जाएगा जॉब वर्क और पेयर को टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक केस, पेयर जो है कस्टमर जो है अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग माल तो बनवा रहा है लेकिन जो मटेरियल है कॉन्ट्रैक्टर या तो खुद का यूज़ कर रहा है या किसी थर्ड पार्टी से खरीद के यूज़ कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? जो मटेरियल है वो खुद का यूज़ कर रहा है या तो या किसी थर्ड पार्टी से खरीद के यूज़ कर रहा है, तो ये जॉब वर्क नहीं बनेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। मतलब क्या बोला मैंने, कस्टमर माल तो अपने अकॉर्डिंग बनवा रहा है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो पेई है या कॉन्ट्रैक्टर है, वो मटेरियल खुद का यूज़ कर रहा है या तो या किसी थर्ड पर्सन से परचेज करके यूज़ कर रहा है, तो वो जॉब वर्क नहीं बनेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब जॉब वर्क के केस में एक चीज़ और है, जॉब वर्क के केस में अगर बिल में मटेरियल वैल्यू और सर्विस वैल्यू सेपरेटली मेंशन है तो खाली सर्विस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा, मटेरियल वैल्यू पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर बिल में मटेरियल वैल्यू और सर्विस वैल्यू सेपरेटली मेंशन नहीं है तो फिर फुल इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा, अगर वो जॉब वर्क बनता है तो। जॉब वर्क का बनता है जब पेयर स्पेसिफिकेशन भी खुद का बता रहा है और माल भी खुद सप्लाई कर रहा है या उसका रिलेटिव सप्लाई कर रहा है, तो बनता है जॉब वर्क। अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद का माल यूज़ करता है या कॉन्ट्रैक्टर किसी थर्ड पार्टी से माल खरीद के यूज़ करता है, तो वो जॉब वर्क नहीं बनता, वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। आगे बता रखा है, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पर्सनल पर्पज के लिए पेमेंट करते हैं, मान लो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने के लिए, रेजिडेंशियल हाउस बनाने की पेमेंट करते हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पज के लिए पेमेंट करते हैं तो 194C और 194J में टीडीएस नहीं कटना, ये आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। आगे बता रखा है, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पेमेंट कर रहे हो और उस ट्रांसपोर्टर के पास प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं थे, मतलब गरीब ट्रांसपोर्टर था, 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं थे, और वो ट्रांसपोर्टर क्या कर देता है, आपको अपना पैन नंबर फर्निश कर देता है और एक डिक्लेरेशन फर्निश कर देता है, डिक्लेरेशन और पैन नंबर फर्निश कर देता है, तो उस ट्रांसपोर्टर का आपको टीडीएस नहीं काटना, अगर ट्रांसपोर्टर के पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं थे और वो ट्रांसपोर्टर आपको पैन नंबर और डिक्लेरेशन फर्निश कर देता है, तो उस ट्रांसपोर्टर का आपको टीडीएस नहीं काटना। वैसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है लेकिन उसका टीडीएस नहीं काटना, अगर 10 से ज़्यादा व्हीकल उसके पास नहीं थे तो। आगे बता रखा है, अगर कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी पेमेंट करता है, एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किसको कर रहा है, डायरेक्टली न्यूज़पेपर को, टेलीविजन चैनल को या रेडियो को नहीं कर रहा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कर रहा है, तो अभी टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन मान लो एडवर्टाइजिंग एजेंसी उस पेमेंट को आगे फॉरवर्ड करती है टीवी चैनल वालों को, न्यूज़पेपर वालों को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी उस पेमेंट को आगे फॉरवर्ड करती है टीवी चैनल वालों को, न्यूज़पेपर वालों को, तो उन एडवर्टाइजिंग एजेंसी को टीडीएस नहीं काटना है, यहाँ पे उन एडवर्टाइजिंग एजेंसी को टीडीएस 194C में नहीं काटना। आगे बता रखा है, अगर मान लो कोई टीवी चैनल वाले हैं, वो प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, टीवी चैनल वाले प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, और वो प्रोग्राम अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनवाते हैं, जैसे मान लो स्टार प्लस है, स्टार प्लस एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करता है एक प्रोग्राम बनाने के लिए, और स्टार प्लस अपना स्पेसिफिकेशन बताता है कि मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें ड्रामा भी हो, रोमांस भी हो, लड़ाई भी हो, इमोशंस भी हो, तो ऐसा सब चीज़ें वो बता देता है, और अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टार प्लस प्रोग्राम बनाता है, एक प्रोग्राम बनवाता है एकता कपूर से। तो अब स्टार प्लस जब पेमेंट करेगा प्रोडक्शन हाउस को, एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करेगा, तो स्टार प्लस वालों को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन मान लो एकता कपूर ने पहले से एक प्रोग्राम बना के रख रखा था या एक पिक्चर बना के रख रखी थी और स्टार प्लस उसके पास गया और वो बना बनाया प्रोग्राम खरीद के लेके आ गया, बनाई बनाई पिक्चर या बना बनाया प्रोग्राम खरीद के लेके आ गया, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो एज पर स्पेसिफिकेशन अगर टीवी चैनल वाले कोई प्रोग्राम वगैरह बनवाते हैं तो उनको टीडीएस काटना है, लेकिन बना बनाया खरीद के लेके आते हैं तो टीडीएस नहीं काटना। आगे बता रखा है, अगर मान लो जो भाड़े का पेमेंट है, परचेजर जो है भाड़े का पेमेंट सेलर को कर रहा है, ट्रांसपोर्टर को नहीं कर रहा, कोई मान लो परचेजर है, उसने नेचुरल गैस खरीदी, ये केस लो का पॉइंट था, तो इसमें नेचुरल गैस का केस लो, वैसे कोई भी केस हो, तो कोई परचेजर है वो भाड़े का पेमेंट सेलर को कर रहा है, ट्रांसपोर्टर को नहीं कर रहा, सेलर को कर रहा है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस कब कटता है ट्रांसपोर्ट के केस में, अगर आप भाड़े का पेमेंट ट्रांसपोर्टर को करते हो, भाड़े का पेमेंट किसको करते हो, ट्रांसपोर्टर को करते हो, तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो ही बनता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ही वो 194C में कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है। अगर भाड़े का पेमेंट मान लो परचेजर सेलर को कर रहा है या सेलर परचेजर को कर रहा है,
एज पर एग्रीमेंट जो भी उनका एग्रीमेंट बना हुआ है, तो परचेजर सेलर को कर रहा है, सेलर परचेजर को कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएगा नहीं, टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है इवेंट मैनेजर की जो भी सर्विस होंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़ के इवेंट मैनेजर की जो भी सर्विस होंगी उस पर टीडीएस 194C में कटेगा। हाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला जो इवेंट मैनेजर है वो 194J में जाएगा, बाकी इवेंट मैनेजर की जो भी सर्विस लेता है उसको टीडीएस काटना पड़ता है 194C में, उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। आगे बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट में अपन सब कॉन्ट्रैक्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे। ये था 194C, एक बार देख लो फिर से। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पर्सन है मोहनलाल को छोड़ के वो पेमेंट करता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% से टीडीएस कटेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई अदर पर्सन है तो उस कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस 2% से कटेगा। एग्जेम्पशन लिमिट बता रखिए सिंगल पेमेंट 30,000 और एग्रीगेट ₹1,00,000। कॉन्ट्रैक्ट में आप एडवर्टाइजमेंट, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब इंक्लूड कर लोगे, जॉब वर्क वगैरह सब इंक्लूड हो जाएंगे। आगे बता रखा है अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो भाड़े का और उस ट्रांसपोर्टर के पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है तो उसका टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें ये था आगे कि अगर टीवी चैनल वाले एज पर स्पेसिफिकेशन कोई प्रोग्राम बनवाते हैं और फिर पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटना है, बना बनाया प्रोग्राम खरीद के लाते हैं तो कोई टीडीएस नहीं काटना। इवेंट मैनेजर की सारी सर्विस अदर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटी 194C में आ जाएंगी, 194C में टीडीएस कट जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में अपन सब कॉन्ट्रैक्ट को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे। ये था 194C। इसके बाद 194D इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को, अपने किसी रेजिडेंट एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट करती है 5% की रेट से, टीडीएस काटेगी। 15,000 की लिमिट है, 15,000 से पेमेंट करती है कोई टीडीएस नहीं, 50,000 से ज्यादा करती है, 15,000 से ज्यादा करती है तो फिर फुल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। और टीडीएस देखना, ये भी देखना, आप लगभग सभी सेक्शन में आपको पता चलेगा ईयर की लिमिट है, एक दो सेक्शन को छोड़ के लगभग सभी सेक्शन में क्या है पूरे साल की लिमिट है, एक दो सेक्शन इसका एक्सेप्शन है, बाकी सब में पूरे साल की लिमिट है। आगे दे रखा है 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। अगर आपको मैच्योरिटी पे लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है मैच्योरिटी केस में तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर रही है वो टीडीएस काटेगी किसी भी रेजिडेंट पर्सन का 5% की रेट से टीडीएस काटेगी। इसका काटेगी 5% मैच्योरिटी अमाउंट माइनस टोटल प्रीमियम, इनकम कंपोनेंट का कटेगा। मैच्योरिटी पे मान लो 10 लाख रुपीज़ आपको मिल रहे हैं और टोटल प्रीमियम आपने उस टाइम तक 7 लाख का पे कर दिया था तो 10 लाख माइनस 7 लाख 3 लाख पे कटेगा, 3 लाख पे कटेगा। मैच्योरिटी जो अमाउंट मिली उस मैच्योरिटी अमाउंट में नहीं कटेगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस टोटल प्रीमियम जो आपको इनकम हुई उसका कटेगा 5%। अब आपको आप बोलोगे मैच्योरिटी अमाउंट तो एग्जेम्प्ट होती है 10-10D में, देखो एग्जेम्प्ट भी होती है लेकिन कुछ केस में टैक्सेबल हो जाती है, तो अगर मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटेगा। मैच्योरिटी अमाउंट अगर एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब आप बोलोगे मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल कब होती है, मैंने आपको वहाँ प्रीमियम की लिमिट लिखवाई थी सेक्शन 80C में भी लिखवाई थी और 10-10D में भी बताई थी जब मैंने आपको यूलिप पढ़ाया था कि प्रीमियम की कुछ लिमिट है, पॉलिसी कब ले रखी है आपने उस अकॉर्डिंग लिमिट है 10% वाली, 15% वाली, 20% वाली। अगर आप प्रीमियम लिमिट तक पे करते हो तो मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होती है, लिमिट से ज्यादा कर देते हो तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटेगा, चाहे मैच्योरिटी अमाउंट कितनी भी हो 50 लाख हो 1 करोड़ हो, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटेगा। लेकिन इसमें भी एक एग्जेम्प्शन लिमिट है, मान लो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है लेकिन 1 लाख से कम की हो रही है, पूरे साल में आपको जो रिसीव हो रही है मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है 1 लाख से कम की है, 1 लाख से कम की है, 1 लाख से कम की है तो टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्सेबल होने के बाद भी टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 1 लाख से कम की रिसीव हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपका टीडीएस नहीं काटेंगे 194DA में। फिर देखा अपने 194E, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या एंटरटेनर को, ये नॉन रेजिडेंट का सेक्शन है 194E, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को अगर आप पेमेंट करते हो जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, जैसे मान लो आप ब्रैडली को पेमेंट कर रहे हो जो नॉन रेजिडेंट है और इंडिया का सिटीजन नहीं है तो आपको टीडीएस काटना है किस रेट से 20%। अब देखो आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ सरचार्ज और सेस भी लगाना है, सरचार्ज अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो लगाना है, इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है तो सेस तो लगाना ही है, तो सेस लगाओगे तो रेट हो जाएगी 20.8% से टीडीएस कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, सरचार्ज भी इंक्लूड करना पड़ता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को तो सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो टीडीएस कटेगा कौन सी इनकम पे कटेगा, एक सेक्शन आएगा अपना एनआर टैक्सेशन में 115BBA, 115BBA में जो इनकम बता रखी है उस इनकम पे कटेगा। कौन कौन सी इनकम बता रखी है वहाँ पे, वो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन जो है स्पोर्ट्समैन वगैरह वो इंडिया में कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में कोई न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल लिखते हैं या इंडिया में आके वो नाचते गाते हैं, मान लो कोई एंटरटेनर इंडिया में आके परफॉर्मेंस देता है नाचता गाता है तो उनकी इनकम पे उस इनकम पे टीडीएस कटेगा यहाँ पे। अब यहाँ बता रखा है जो एम्पायर और मैच रेफरी है उनको अपन स्पोर्ट्समैन नहीं मानेंगे तो उनका टीडीएस यहाँ नहीं कटेगा, उनका 195 में कटेगा, उनको 195 में जाता है एम्पायर और मैच रेफरी। तो 194E ये सेक्शन था नॉन रेजिडेंट के लिए। देखो नॉन रेजिडेंट के कुछ इनकम तो जो ऊपर सेक्शन बता रखे ना 192 में कवर हो गया था एक सैलरी वाली इनकम पे, एक 194BBB में कैजुअल इनकम पे कवर हो गया था, एक 194E स्पेसिफिकली स्पोर्ट्समैन कवर कर दिया और बाकी जो इनकम बच जाती है इनकी सब एक जनरल सेक्शन आएगा इनका 195 वहाँ चली जाती है, वो 195 में चली जाती है, वो अपन देखेंगे तब पता चल जाएगा। ये 194E था। 194G एक और कमीशन का सेक्शन है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो कोई लॉटरी वाला है अपने एजेंट को लॉटरी टिकट के सेल पे कमीशन देता है, अपने एजेंट को कमीशन देता है 5% की जैसे टीडीएस काटेगा, 15,000 की लिमिट है, 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 15,000 से ज्यादा हो गया फिर अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा 194G में। इसके बाद 194H अदर कमीशन और ब्रोकरेज। देखो 194D देखा था एक तो अपने कमीशन का इंश्योरेंस कमीशन, फिर 194G देखा लॉटरी टिकट का कमीशन, इनको छोड़ के कोई और कमीशन और ब्रोकरेज है, और कोई कमीशन और ब्रोकरेज है 194H में आएगा। यहाँ टीडीएस काटना किसी भी पर्सन को
मोहनलाल को छोड़ के, अगर कोई भी पर्सन मोहनलाल को छोड़ के कोई भी पेयर है वो पेमेंट करता है कमीशन और ब्रोकरेज का 5% की रेट से टीडीएस काटेगा। यहाँ भी क्या है 15,000 की एक्टिवेशन लिमिट है, 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं, 15,000 से ज़्यादा हो गया तो फिर फुल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। अब यहाँ मतलब कुछ केस में टीडीएस नहीं कटेगा अगर जो कमीशन या ब्रोकरेज है सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग है, सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर्स के रिगार्डिंग है, बॉन्ड्स शेयर्स वगैरह के रिगार्डिंग है, जैसे कमीशन टू अंडरराइटर, ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू, कमीशन टू अंडरराइटर, ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू, इन पर टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा बता रखा है अगर स्टाम्प वेंडर को स्टाम्प पेपर्स की परचेज पे, स्टाम्प वेंडर को स्टाम्प पेपर की परचेज पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट को कमीशन नहीं मानेंगे, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को होलसेलर्स को अगर इंसेंटिव देता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को होलसेलर्स को अगर इंसेंटिव दिया जा रहा है तो उस इंसेंटिव को भी अपन कमीशन नहीं मानेंगे और टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है कंसाइनर कंसाइनर को पेमेंट करता है तो टीडीएस कट जाएगा, कमीशन मान लिया जाएगा, मान दिया जाएगा। आगे बता रखा है एयरलाइन कंपनी एजेंट को पेमेंट कर रही है, एयरलाइन कंपनी जैसे इंडिगो वगैरह है ये अपने एजेंट को पेमेंट कर रही है तो टीडीएस तो कटेगा, कमीशन माना जाएगा, 194H में आ जाएगा, लेकिन टीडीएस कौन से अमाउंट पर कटेगा इसमें मतलब है जो कमीशन बनेगा मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस पे, मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस पे जो कमीशन बनेगा। देखो एयरलाइन कंपनी के केस में दो केस होते हैं इसमें, एक तो मिनिमम प्राइस होती है टिकट की, मिनिमम प्राइस होती है, एक मैक्सिमम प्राइस होती है जब एजेंट के हाथ ये डील करते हैं तो एक मिनिमम प्राइस होती है एक मैक्सिमम की, एजेंट मिनिमम इतने पे टिकट बेच सकता है और मैक्सिमम इतने पे बेच सकता है, तो एजेंट तो अलग अलग रेट पे टिकट सेल करते हैं तो कमीशन जो दिया जाएगा मिनिमम प्राइस पे, कमीशन जो दिया जाएगा मिनिमम प्राइस पे उस कमीशन पे टीडीएस कटेगा, उस कमीशन पे टीडीएस कटेगा। ऐसा एक सर्कुलर था, एक केस लो भी था। तो टीडीएस किस पे काटना है, मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस से जो कमीशन दिया जा रहा है उस पे टीडीएस काटना है। अब मान लो एजेंट ने मैक्सिमम पे भी सेल करी है टिकट, मैक्सिमम प्राइस पे भी सेल करी है तो जो डिफरेंस अमाउंट है मिनिमम और मैक्सिमम का उस पे जो कमीशन बनता है, मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस अमाउंट है उस डिफरेंस अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना, उस पे जो कमीशन बनता है उस पे टीडीएस नहीं काटना। टीडीएस किस पे काटना, ओनली जो मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस पे जो कमीशन बन रहा है उस पे टीडीएस काटना है। इसका मैंने एग्जांपल से आपको क्लास में समझाया भी था, विद एग्जांपल समझाया भी था ये पॉइंट, बाकी ये पॉइंट का कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आएगा, थियरी वाला पार्ट आएगा जो आपको मैंने दिखाया भी था, एक क्वेश्चन किया भी था अपन ने। ये था 194H। तो देखो कमीशन के तीन सेक्शन है, डी, जी और एच, तीनों में 5% का रेट है और तीनों में जो एग्जम्पशन लिमिट भी है वो भी कितनी है 15,000 की है। 194D और जी तो बिल्कुल फालतू है, एच थोड़ा सा काम का है। अब आ जाओ 194I, रेंट, कोई भी पर्सन है पेयर, कौन है, कोई भी पर्सन मोहनलाल को छोड़ के, मोहनलाल को छोड़ के कोई भी पेयर है अगर वो रेजिडेंट पर्सन को रेंट का पेमेंट करता है, रेंट का पेमेंट करता है तो टीडीएस कटेगा 194I में। अगर प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है, प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है 2% की रेट लगेगी, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट है तो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। लिमिट यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट एग्रीगेट 240,000 पूरे साल की लिमिट कितनी है 240,000 और ये 240,000 सभी असेट की मिला के है, ये 240 लैंड की अलग, बिल्डिंग की अलग, मशीनरी की अलग, ऐसा नहीं है। मान लो एक कंपनी राम लिमिटेड वो 1,00,000 का लैंड मशीनरी का रेंट पे कर रही है, 1,00,000 का लैंड का कर रही है और 1,00,000 का बिल्डिंग का कर रही है, अपन एग्रीगेट करेंगे। मोहन को तीन असेट का पेमेंट कर रही है, मोहन को तीन असेट का रेंट का पेमेंट कर रही है तो तीनों का एग्रीगेट हो गया 3,00,000, टीडीएस कट जाएगा, सभी असेट का एग्रीगेट मिला के लिमिट है। अब आगे बता रखा है मान लो एक बिल्डिंग है राम लिमिटेड ने किराए पे ले रखी है 4,00,000 रुपये में और उसके दो ओनर है मिस्टर ए मिस्टर बी और राम लिमिटेड दोनों को 2,00,000 का रेंट पे कर रही है तो एग्रीगेट करोगे क्या, एग्रीगेट नहीं करना, दोनों का सेपरेट देखेंगे। तो जो भी कोनर है कोनर का ईच कोनर के लिए लिमिट लगेगी। वैसे भी टीडीएस में क्या होता है जो लिमिट होती है ना पर पे ही वाइज देखी जाती है, जो पे ही है ना पर पे ही होता है। जैसे मान लो बैंक 10 जनों को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो सभी का एग्रीगेट नहीं करता, पर पे ही चेक करते हैं, वो पर पे ही चेक करते हैं लिमिट, पैसे भी पर पे ही चेक करते हैं तो पॉइंट भी पर पे के अकॉर्डिंग लगेगा। आगे बता रखा है कुछ तीन केस बता रखे हैं जहाँ पे टीडीएस 194C में कटेगा 194I में नहीं कटेगा। तीन केस को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, रेंट नहीं माना जाएगा। अगर एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी को लैंडिंग और पार्किंग चार्ज पे करती है तो इसको लैंड का रेंट नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, 194C में टीडीएस कटेगा। दूसरा, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को ट्रक्स वगैरह हायर करने के लिए, कार वगैरह हायर करने के लिए पेमेंट करते हो तो कार ट्रक्स वैसे तो मशीनरी होते हैं तो इसको मशीनरी का रेंट नहीं माना जाएगा, इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और 194C में टीडीएस कटेगा। आगे बता रखा है अगर आप कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को कूलिंग चार्ज पे करते हो, कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को कूलिंग चार्ज पे करते हो 194C में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और 194C में टीडीएस कटेगा, 194I में टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है अगर आप वन टाइम लीज प्रीमियम या अपफ्रंट लीज चार्ज पे करते हो जो रिफंडेबल होता है, लॉन्ग टर्म लीज लेने के लिए आप वन टाइम लीज प्रीमियम या अपफ्रंट लीज चार्ज पे करते हो तो इस पे टीडीएस नहीं करता। हाँ, लीज रेंट पे करता है लेकिन वन टाइम लीज प्रीमियम पे टीडीएस नहीं करता। आगे बता रखा है अगर आप मोबाइल टावर के यूज़ के लिए पेमेंट करते हो, मोबाइल टावर के यूज़ के लिए पेमेंट करते हो, इसको मशीनरी का रेंट माना जाएगा, मशीनरी का रेंट माना जाएगा और टीडीएस कटेगा 194I में 2% की रेट से। मशीनरी का रेंट माना जाएगा, 194I में 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। ये था 194I, रेंट पे टीडीएस करता है, मोहनलाल को छोड़ के कोई भी पर्सन पेमेंट करता है टीडीएस काटना पड़ता है। प्लानर मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है 2%, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट है तो 10%, एग्रीगेट लिमिट है 240,000 का अगर रेंट है तो कोई टीडीएस नहीं, 240 से ज़्यादा हो गया तो फिर फुल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। आगे था अगला सेक्शन 194I है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194I है,
कोई भी पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होता, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल ही नहीं होता, तो उसको तो भूल जाओ। जब इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस कटता ही नहीं है। तो कोई भी पर्सन रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है तो बायर को क्या करना है, टीडीएस काटना है सेलर का। बायर को टीडीएस काटना है सेलर का किस रेट से, 1% की रेट से। अब 1% किसका करोगे यहाँ पे, उस लैंड उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी कंसिडरेशन है वो लेंगे और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी हायर आएगी उसका टीडीएस काटना है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई भी वायर परचेज करता है, लैंड और बिल्डिंग परचेज करता है कोई भी वायर, तो उसको वो टीडीएस काटेगा सेलर का 1% की रेट से टीडीएस काटेगा। और 1% किसका करेंगे, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवरेज हायर। जैसे मान लो कंसिडरेशन तो है, सेल प्राइस तो है मान लो 60 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख, तो 60 और 80 हायर क्या आया, 80 लाख पे टीडीएस कटेगा। विच एवरेज हायर जो भी हायर है उसका टीडीएस कटेगा। कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवरेज हायर जो भी आएगा उसका टीडीएस कटेगा। अब इसमें एग्जम्पशन लिमिट बता रखी है, ये भी ध्यान से देखना। अगर उस प्रॉपर्टी का, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों की दोनों चीज़ें, दोनों की दोनों चीज़ें 50 लाख से कम है, दोनों की दोनों चीज़ें 50 लाख से कम है, उस प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों की दोनों चीज़ें 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। दोनों में से कोई सी भी एक 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा हो गई तो टीडीएस कट जाएगा। जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है, उसका कंसिडरेशन तो था 48 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 40 लाख, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। मान लो उस प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन तो था 48 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 55 लाख, अब हाँ अब कट जाएगा। एक भी चीज़ लिमिट क्रॉस हो गई तो टीडीएस कट जाएगा। मान लो एक प्रॉपर्टी है, कंसिडरेशन था 55 लाख, कंसिडरेशन था मान लो 60 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख, कटेगा कि हाँ कट जाएगा। दोनों में से कोई से भी एक, चाहे तो कंसिडरेशन चाहे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, कोई सा भी एक लिमिट को क्रॉस हो गया तो टीडीएस कट जाएगा। लिमिट क्या है, 50 लाख, 50 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं, 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब जो कंसिडरेशन आप लोगे ना, सेल अमाउंट या परचेज अमाउंट जो लोगे, उस कंसिडरेशन में आपको सारे चार्ज इंक्लूड करने, मेंटेनेंस फीस के नाम पे, कार पार्किंग फीस के नाम पे, क्लब मेंबरशिप फीस के नाम के, या इलेक्ट्रिसिटी वाटर फीस के नाम के, ये चार्ज मान लो अलग अलग दिखा रखे हैं। जैसे मान लो एक बिल्डर ने प्रॉपर्टी सेल करी है, बिल्डर ने बायर को प्रॉपर्टी सेल करी है, फ्लैट सेल करा, तो फ्लैट का कंसिडरेशन तो 40 लाख है, 5 लाख है मेंटेनेंस फीस, 5 लाख कार पार्किंग फीस, 5 लाख क्लब मेंबरशिप फीस और 5 लाख इलेक्ट्रिसिटी वाटर फीस, तो टोटल क्या हो गया, 5 लाख के चार फीस है और 40 लाख का कंसिडरेशन, टोटल कितना लोगे, 60 लाख। अब 60 लाख को चेक करोगे, कंसिडरेशन में अपन को सारे चार्ज इंक्लूड करने हैं, मेंटेनेंस फीस, कार पार्किंग फीस, ये सभी को इंक्लूड करके चेक करना है कि कंसिडरेशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले क्या होता था इस सेक्शन में, खाली कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन अमाउंट उस पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी हायर आएगा उस हायर अमाउंट पर टीडीएस कटता है 194IA में। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 1% की रेट से टीडीएस कटता है। अब अपन अगला सेक्शन देखेंगे 194IB, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो रेंट अपन ने पहले भी पढ़ा था 194I में, रेंट। अब यहाँ पे 194I में अपन ने मोहनलाल को छोड़ दिया था, अगर पेयर कौन है, मोहनलाल, बाकी पर्सन को कवर किया था कि बाकी पर्सन पे करते हैं तो टीडीएस काटना पड़ता है, लेकिन मान लो मोहनलाल पे करता है तो वो कवर हो जाएगा 194IB में। मोहनलाल को कहाँ पकड़ा अपन ने, 194IB में। तो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है जो 194I में कवर नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है जो 194I में कवर नहीं है, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू रुपीज़ 1 करोड़ था, प्रोफेशन के केस में ग्रोस रिसीट अप टू रुपीज़ 50 लाख थी, या लास्ट ईयर में उसका बिजनेस ही नहीं था, या लास्ट ईयर में वो नल्ला था, या लास्ट ईयर में वो जॉब करता था, ऐसा केस है, मोहनलाल है। अब मोहनलाल रेंट का पेमेंट कर रहा है किसी भी रेजिडेंट पर्सन को, तो टीडीएस कहाँ कटेगा, 194IB में कटेगा। और यहाँ क्या रेट लगेगी, यहाँ 5%। और यहाँ रेंट किसका कवर्ड है, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी का कवर्ड है। 194IB में तो लैंड एंड मशीनरी इक्विपमेंट भी कवर्ड थे, यहाँ खाली क्या कवर्ड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड और बिल्डिंग, खाली लैंड और बिल्डिंग कवर्ड है। तो मोहनलाल अगर लैंड और बिल्डिंग का रेंट पे करता है, 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा उसको। और यहाँ एग्जम्पशन लिमिट है 50,000 पर मंथ। देखो अभी तक जितने सेक्शन देखे सभी में पर ईयर की लिमिट थी, लेकिन यहाँ पे पर मंथ की लिमिट है। ये एक ऐसा सेक्शन है, इकलौता सेक्शन है जहाँ पे लिमिट क्या है, पर मंथ की लिमिट है, पर मंथ की 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ तक का रेंट पे कर रहा है, कोई टीडीएस नहीं, 50,000 से ज़्यादा कर रहा है तो फिर फुल अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा, 50,000 से ज़्यादा का कर रहा है। मान लो 55,000 पर मंथ का रेंट पे कर रहा है, टीडीएस काटना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे टीडीएस कैसे काटना है, पेमेंट और क्रेडिट विच वाले जल्दी है, लेकिन इस सेक्शन में स्पेशल है। यहाँ पे टीडीएस आपको हर मंथ नहीं काटना, मोहनलाल को टीडीएस हर मंथ नहीं काटना, लास्ट मंथ के रेंट से काटना है, लास्ट मंथ के रेंट से, मतलब मार्च के मंथ के रेंट से काटना है। लेकिन मान लो मोहनलाल पूरे साल प्रॉपर्टी में नहीं टिकता, मोहनलाल पूरे साल प्रॉपर्टी में नहीं टिकता, बीच में प्रॉपर्टी खाली करके चला जाता है, दिसंबर में प्रॉपर्टी खाली करके चला जाता है, तो उसको दिसंबर के मंथ के रेंट से, मतलब वैकेंसी मंथ के रेंट से काटना है। तो अगर मोहनलाल पूरे साल प्रॉपर्टी में टिकता है तो लास्ट मंथ के रेंट से टीडीएस काटेगा, पूरे साल प्रॉपर्टी में नहीं टिकता, बीच में प्रॉपर्टी खाली कर जाता है तो जिस मंथ में खाली करी प्रॉपर्टी, वैकेंसी मंथ के रेंट से टीडीएस काटेगा। इस अकॉर्डिंग टीडीएस काटना है, एक साथ ऐसा नहीं करना इसमें हर मंथ महीने टीडीएस काटना, ऐसा नहीं करना, लास्ट मंथ के रेंट से काटना है या तो, या वैकेंसी मंथ के रेंट से टीडीएस काटना है। आगे बता रखा है, अगर मान लो पे अपना पेन फर्निश नहीं करता पेयर को,
पे अपना पेन पेयर को फिनिश नहीं करता तो जो मोहनलाल टीडीएस काटेगा किस रेट से काटेगा 5% और 20% विच एवर इज हायर 206W लग जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, 20% रेट तो लग जाएगी लेकिन मैक्सिमम टीडीएस कितना काट पाएगा मोहनलाल, या तो लास्ट मंथ करेंट या वैकेंसी मंथ करेंट, कितना काट पाएगा लास्ट मंथ करेंट या वैकेंसी मंथ करेंट। जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने मोहनलाल मान लो 1 लाख पर मंथ का रेंट पे कर रहा है सोहन को, तो पूरे साल का रेंट होगा 12 लाख, मार्च के मंथ के रेंट से टीडीएस काटेगा 12 लाख। मान लो सोहन ने अपना पेन फर्निश नहीं किया मोहनलाल को, पेई ने अपना पेन पेयर को फर्निश नहीं किया, तो 12 लाख पे 20% रेट लगेगी, तो टीडीएस कितना बना 240 बना, 240,000। लेकिन बताओ कितना टीडीएस काट पाएगा मोहनलाल, लास्ट मंथ का रेंट कितना है 1 लाख पर मंथ का रेंट है, तो मार्च का रेंट भी कितना हुआ 1 लाख, तो मैक्सिमम टीडीएस कितना काट पाएगा 1 लाख ही काट पाएगा। लिमिट 20% लग जाएगी रेट, लेकिन मैक्सिमम टीडीएस कितना होगा लास्ट मंथ रेंट जितना, लास्ट मंथ रेंट जितना, या तो अगर लास्ट मंथ वाला केस है तो, और वैकेंसी वाला केस है तो वैकेंसी मंथ रेंट जितना टीडीएस काट पाएगा 20% की रेट लगने के बाद भी। ये था 194IB। इसके बाद देखा अपने 194IC, पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अपने कैपिटल गेन में पढ़ा था सेक्शन 45(5A में, याद हो क्या था, बिल्डर लोग इंडिविजुअल एचओएफ को पागल बनाते हैं। इंडिविजुअल एचओएफ क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का पजेशन बिल्डर के हवाले कर देते हैं, पजेशन दे देते हैं उनको, खाली पजेशन देते हैं। बिल्डर लोग पागल कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट दे देते हैं उनको, मनी दे देते हैं, और वो बोलते हैं बिल्डर लोग कि हम आपके लैंड बिल्डिंग को प्लेन करके यहाँ पे एक शानदार प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसमें से कुछ शेयर आपको दे देंगे, कुछ फ्लैट्स आपको दे देंगे, बाकी हम रख के बेच देंगे। इंडिविजुअल एचओएफ बेचारे पागल बन जाते हैं, वो बिल्डर को अपनी प्रॉपर्टी का पजेशन दे देते हैं। बिल्डर क्या करता है, स्टार्टिंग में उनको खुश करने के लिए इंडिविजुअल एचओएफ को कुछ अमाउंट मनी के रूप में भी दे देता है, 5 लाख 10 लाख मनी के रूप में भी दे देता है। एक शेयर तो देता है ये प्रॉपर्टी में, मनी के रूप में भी दे देता है। इसको अपन ने देखा था ट्रांसफर मानते हैं, कैपिटल गेन लगता है, ये तो अपन ने देख लिया था। तो यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, बिल्डर लोग टीडीएस काटेंगे, बिल्डर लोग टीडीएस काटेंगे जो पेमेंट कर रहे हैं, 10% की रेट से टीडीएस काटेंगे, और टीडीएस किस पे काटेंगे, काटेंगे खाली मनी कंसेशन पे, जो उन्होंने स्टार्टिंग में मनी दी थी ना, अमाउंट दी थी, उस अमाउंट पे टीडीएस काटेंगे। जो उन्होंने प्रोजेक्ट में शेयर दिया था, 5 फ्लैट दिए थे 10 फ्लैट दिए थे, जो प्रोजेक्ट में शेयर दिया था उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जो काइंड वाला कंसेशन है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जो उन्होंने मनी दी थी स्टार्टिंग में 5 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी मनी दी, उस मनी कंसेशन पे टीडीएस कटेगा 10% की रेट से, जितनी भी है मनी उस पर टीडीएस कट जाएगा 10% की रेट से, कोई भी एग्जम्पशन लिमिट यहाँ नहीं है 194IC। अगला सेक्शन आ जाओ 194J, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194J भी। 194J क्या क्या कवर है यहाँ पे, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्ट रेमुनरेशन, 5 चीज़ें कवर है, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस और डायरेक्ट रेमुनरेशन। कोई भी पर्सन है मोहनलाल को छोड़कर, कोई भी पर्सन अगर इन नेचर का पेमेंट कर रहा है, टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस की रेट क्या होगी, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और पेमेंट टू कॉल सेंटर। टेक्निकल फीस, रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और पेमेंट टू कॉल सेंटर, इन तीन चीज में तो लगेगी 2% की रेट, और बाकी जो भी है जैसे प्रोफेशनल फीस हो गई, रॉयल्टी हो गई, अदर रॉयल्टी हो गई, इसके अलावा नॉन कम्पीट फीस हो गई और डायरेक्टर रिमुनरेशन हो गया, इन पर रेट लग जाएगी 10% की रेट। टेक्निकल फीस को ध्यान देना, यहाँ पे FTS भी बोलते हैं, FTS मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब एग्जम्पशन लिमिट क्या है, प्रोफेशनल फीस की 30,000, टेक्निकल फीस की 30,000, रॉयल्टी की 30,000, नॉन कम्पीट फीस की भी 30,000 और डायरेक्टर रिमुनरेशन की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर डायरेक्टर रिमुनरेशन एक कंपनी अपने डायरेक्टर को 1 रुपये का भी पे करती है, टीडीएस कटेगा यहाँ पे, तो ये लिमिट है। अब ये लिमिट सेपरेट है, सेपरेट कैसे, प्रोफेशनल फीस की 30 अलग है, टेक्निकल की 30 अलग है, रॉयल्टी की 30 अलग है, नॉन कम्पीट फीस की 30 अलग है। जैसे मान लो एक कंपनी राम लिमिटेड सोहन को पेमेंट कर रही है 28,000 की प्रोफेशनल फीस और 27,000 की रॉयल्टी, एग्रीगेट करके देखोगे क्या, नहीं सेपरेट चेक करेंगे, देखो दोनों लिमिट में आ रहे हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये सेपरेट लिमिट है, प्रोफेशनल फीस की अलग है, टेक्निकल की अलग है, रॉयल्टी की अलग है, नॉन कम्पीट फीस की अलग है, और डायरेक्टर रिमुनरेशन पे कोई लिमिट नहीं है। अब डायरेक्टर रिमुनरेशन में एक चीज़ और देना, ध्यान देना, देखो डायरेक्टर रिमुनरेशन पे टीडीएस हमेशा 194J में करता है। आप डायरेक्टर को रिमुनरेशन पे करते हो किसी भी नाम से, करो कमीशन के नाम से करते हो, कमीशन के नाम से भी करते हो ना, तो 194H उसमें नहीं जाता, ब्रोकरेज कमीशन नहीं माना जाता, 194J में आता है। लेकिन मान लो अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है, डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉई है, तो 192 सैलरी में चला जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्टर क्या है, कंपनी का एम्प्लॉई है, तो 192 में जाता है। वैसे डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉई नहीं माने जाते, जनरली नहीं माने जाते, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो कभी कभी एम्प्लॉई मान लिया जाता है, उसका तो 192 में चला जाता है, लेकिन बाकी सभी डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉई वगैरह नहीं माने जाते, तो 194J लगता है। अगर कंपनी का एम्प्लॉई है डायरेक्टर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर क्या है, कंपनी का एम्प्लॉई, तो 192 सैलरी में जाएगा टीडीएस, नहीं तो 194J में आएगा। अगर डायरेक्टर को आप कमीशन वगैरह कुछ भी पे करते हो, सबको क्या मानते हैं, डायरेक्टर रेमुनरेशन मानते हैं, और 194J में टीडीएस करता है। आगे बात रखा है, अगर इंडिविजुअल एचओएफ पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं 194J में टीडीएस नहीं करता, ये बात आपको मैंने पहले भी बता दी थी। आगे बात रखा है, कोई भी इंडिविजुअल एचओएफ है वो रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट कर रहे हैं, कितना भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल करे, वो किसका कर रहे हैं, रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस का, कोई टीडीएस नहीं काटना, कोई टीडीएस नहीं काटना। मान लो एक इंडिविजुअल है सोहन का लास्ट ईयर का टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर रहा था, मोहनलाल नहीं था, सोहन लास्ट ईयर का टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर रहा था, और वो रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, मान लो सोहन 5 लाख का, टीडीएस नहीं काटना, बिजनेस के लिए कर रहा है, रॉयल्टी का पेमेंट नहीं काटना। तो रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट करते हैं अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे कितना भी पेमेंट है,
टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं काटना। आगे बता रखा प्रोफेशनल सर्विस में क्या क्या सर्विस लोगे, तो प्रोफेशनल सर्विस में जो सर्विस 44W में बता रखी, 44W अपने एक सेक्शन पढ़ा था, मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशन, 44W में कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन बता रखे हैं, याद करो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, फिल्म आर्टिस्ट, CA CS, ये सब बता रखे हैं। ये सब कहाँ कवर होंगे, प्रोफेशनल सर्विस में कवर होंगे, इनका टीडीएस 194J में कटेगा। आगे बता रखा है अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रिगार्डिंग सर्विस लेते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रिगार्डिंग पेमेंट करते हो, और किसने दिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाली सर्विस, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने दिए है तो, या किसी एम्पायर ने दिए, किसी रेफरी ने दिए, किसी कोच ने दिए, कोच किसी ट्रेनर ने दिए, किसी टीम फिजिशियन ने दिए, किसी भी इवेंट मैनेजर ने दिए, कौन से स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले। देखो इवेंट मैनेजर वैसे तो कहाँ कवर होते हैं 194C, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इवेंट मैनेजर कहाँ कवर आता है, कहाँ होता है कवर, 194J में। किसी कमेंटेटर ने दिए, किसी एंकर ने दिए, या किसी स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट ने दिए, इन लोगों ने अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रिगार्डिंग सर्विस दी है उसे क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल सर्विस, टीडीएस 194J में कट जाएगा। आगे बता रखा है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में क्या लोगे, कोई भी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, कोई भी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, वो बन जाएगी FTS या टेक्निकल फीस या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। आगे बता रखा है कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहे हैं, ये बनेगा प्रोफेशनल फीस और 194J में टीडीएस कटेगा, केस लो है। आगे बता रखा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स स्टॉक एक्सचेंज को ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेने के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज पे करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स, ये भी केस लो है, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स स्टॉक एक्सचेंज को ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेने के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज पे करते हैं, इसे अपन टेक्निकल फीस नहीं मानेंगे और कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा 194J में। ये केस लो के पॉइंट थे, ये मैंने बता दिया था 194J को क्या क्या चीज़ें कवर थी, फिर से देख लो, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंप्लीट फीस, डायरेक्टर रिमुनरेशन, मोहनलाल को छोड़ के कोई भी पर्सन पेमेंट करता है टीडीएस काटना है, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स और पेमेंट टू कॉल सेंटर 2% रेट, अदर केस में 10% रेट। लिमिट है प्रोफेशनल फीस की 30,000 अलग है, टेक्निकल फीस की 30,000 अलग है, रॉयल्टी की 30,000 अलग है, नॉन कंप्लीट फीस की भी 30,000 अलग लिमिट है, डायरेक्टर रिमुनरेशन की यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। अब आ जाओ 194K, UTI म्यूचुअल फंड से अगर किसी यूनिट होल्डर को इनकम होती है, अदर सोर्स के अदर सोर्स की इनकम आती है, अदर सोर्स की टैक्सेबल हो जाती है, पहले इनकम 1035 में गेम होती है, अब गेम वगैरह नहीं होती है, टैक्सेबल होती है, तो UTI म्यूचुअल फंड वाले उस बंदे का टीडीएस काटेंगे 10% की रेट से, टीडीएस काटेंगे 5000 की लिमिट है, 5000 तक पेमेंट करते हैं, कोई टीडीएस नहीं, 5000 से ज़्यादा करते हैं पेमेंट UTI म्यूचुअल फंड वाले तो टीडीएस काट लेंगे। अगला 194LA, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लैंड बिल्डिंग का गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपलसरी एक्विजिशन किया, तो जो कंपनसेशन मिलता है कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल हो जाता है, कैपिटल गेन निकलता है। अब गवर्नमेंट कंपनसेशन का पेमेंट कर रही है, टीडीएस भी काटेंगे गवर्नमेंट, किस रेट से काटेगी टीडीएस, 10% की रेट से, लेकिन अगर कंपनसेशन जो मिल रहा है 2.5 लाख तक का है, पूरे साल का कितना, 2.5 लाख तक का है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा, कैपिटल गेन पे नहीं कटेगा टीडीएस, कंपनसेशन अमाउंट पे, कंपनसेशन अमाउंट पे, तो 2.5 लाख तक कंपनसेशन है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 10% की रेट से यहाँ टीडीएस कट जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट, अगर जो कंपनसेशन है वो किस पे मिल रहा है, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, कोई भी, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, गवर्नमेंट ने किसी भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड का या किसी भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, अब गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है, मान लो 50 लाख का, टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा, लिमिट क्रॉस होने पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड का कंपनसेशन है तो, किसी भी एग्रीकल्चर लैंड का, चाहे वो रूरल है चाहे अर्बन। 194LA हो गया, 194LA के बाद LB LC LD, ये तीन सेक्शन है, स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंट के सेक्शन है, ये रेजिडेंट कवर ही नहीं है इनमें, LB LC LD। वैसे तीन सेक्शन जब अपन NR टैक्सेशन पढ़ेंगे ना तब भी आएंगे, तब भी देखेंगे अपन, एक बार यहाँ भी देख लो 194LB LC LD, एक बार थोड़ा थोड़ा अपन यहाँ भी देख लेते हैं। 194LB क्या है, अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से किसी भी नॉन रेजिडेंट या फॉरन कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाले टीडीएस काटेंगे 5% की रेट से। अब नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को पेमेंट हो रहा है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस भी लगाएंगे, सरचार्ज लगता है तो लगाएंगे, नहीं तो सेस तो लगा नहीं, 5% की रेट से टीडीएस काटेगा। और ये जो इनकम होती है ना इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी के हैंड से एक सेक्शन आएगा आपका NR टैक्सेशन में 115A में, स्पेशल रेट से टैक्स टैक्सेबल होती है, 5% का टैक्स लगता है, तो 5% से टीडीएस कट जाता है। और वैसे भी जो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी होते हैं ना, इनका जितना भी टैक्स बनता है पूरा का पूरा काट लिया जाता है, इनका जितना टैक्स बनता है सभी सेक्शन में ऐसा ही है, जैसे सैलरी में तो अपन जितना टैक्स बनता है उतना ही काटते हैं, एम्प्लॉयर ऐसे ही तो करता है, सैलरी में भी तो कवर है नॉन रेजिडेंट 192 में, तो एम्प्लॉयर जितना टैक्स बनता है उतना काट लेता है। 194B और BB कैजुअल इनकम में भी नॉन रेजिडेंट कवर है, और वहाँ टैक्स टीडीएस की रेट देखो क्या है 30%, और नॉन रेजिडेंट के केस में अपन सरचार्ज और सेस भी ऐड कर देंगे, और कैजुअल इनकम पे रेट भी क्या लगती है 115B में, 115BB में ये रेट लगती है, तो उस वहाँ भी पूरा टैक्स कट जाता है नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी का। इसके बाद नॉन रेजिडेंट यहाँ कवर है, बस वहीं थे, एक तो वो था और वो था 194B BB, एक और था 194E स्पोर्ट्समैन वाला, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन वाला, वहाँ भी 20% टीडीएस कट जाता है, और वो इनकम भी 20% से टैक्सेबल होती है 115BBA में, 115BBA में, तो BBA आएगा तब पता पड़ जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी के केस में जितना टैक्स बनता है ना इनका
उतना पूरा का पूरा काट लिया जाता है, जितना टैक्स बनता है उतना पूरा का पूरा काट लिया जाता है इनका, इनका एक रुपया भी नहीं छोड़ा जाता। जितना टैक्स बनता है जो भी इनको पे कर रहा है पेयर, पूरा टैक्स काट लेता है, टैक्स तो काटता है टैक्स की रेट, तो साथ में सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड करता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली जो इनकम है 5% से टैक्सेबल होती है, इस कारण टी डी एस की रेट क्या है इसमें 5%, 115 ए में टैक्सेबल होती है। एल भी देखा, इसके बाद अपने तीन सेक्शन और देखे थे जो यहाँ मैंने लिखे नहीं है, वो अपने वेरियस एंटिटी वाले चैप्टर में कवर कर लिए थे। एल बी ए 194, एल बी ए 194, एल बी बी 194, एल बी सी याद करो आप। 194 एल बी ए क्या था, अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट होल्डर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है, 194 एल बी ए में टी डी एस काटता है। 194 एल बी बी कोई इन्वेस्टमेंट फंड अपने यूनिट होल्डर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है, 194 एल बी बी में टी डी एस काटता है। फिर अपने देखा था 194 एल बी सी कोई भी सेक्यूटाइजेशन ट्रस्ट है अपने इन्वेस्टर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है, 194 एल बी सी में टी डी एस काटता है। वहाँ पर रेट वगैरह देख लेती हूँ तीनों की, 194 एल बी ए एल बी बी एल बी सी ऑलरेडी अपन देख चुके वेरियस एंटिटी वाले में। इसके बाद 194 एल बी देखा, 194 एल सी कोई इंडियन कंपनी या कोई बिजनेस ट्रस्ट है, कोई इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट है, उन्होंने क्या किया किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी से लोन लिया, और लोन भी कैसे लिया फॉरेन करेंसी में लोन लिया। इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी से लोन लिया, लोन भी फॉरेन करेंसी में लिया, अब उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस नॉन रेजिडेंट को। टी डी एस काटेंगे 5% की रेट से, सरचार्ज और सेस लगाएंगे, और ये इनकम भी 194 एल सी वाली इनकम 194 एल सी में जिसमें टी डी एस कट रही है भी टैक्सेबल होती है। 115 ए में 5% से टैक्सेबल होती है, तो जितना टैक्स बना उतना काट लिया। 115 ए जब अपन पढ़ेंगे ना एनआर टैक्सेशन में, तब ये सेक्शन फिर से आएंगे, तब आपको फिर से क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था एक सेक्शन होता है पेन वाला 206AA, अगर पे ही अपना पेन पेयर को फर्निश नहीं करता तो टी डी एस की रेट क्या होती है, रेट गिवन और 20% विच ऑफ हायर, लेकिन वो सेक्शन 194 एल सी के केस में नहीं लगेगा। अगर पे ही 206AA में मान लो कोई नॉन रेजिडेंट पे ही है, वो अपना पेन फर्निश भी नहीं करता तो भी उसका टी डी एस 5% से ही कटेगा, 5 और 20 विच ऑफ हायर नहीं करेंगे। 206AA अप्लाई नहीं होगा 194 एल सी के केस में अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद 194 एल डी किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, कोई भी पर्सन पेमेंट करता है, ये FII QFII कौन होती है, ये भी नॉन रेजिडेंट होते हैं जो इंडिया के शेयर मार्केट में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है 5% की रेट से। टीडीएस काटेगा, सरचार्ज और सेस लगेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट है तो वो भी लगेगा। अब इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट, यहाँ तीन इंटरेस्ट कवर है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, और इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, और इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी। इन तीन इंटरेस्ट इनकम पे FII QFII का टी डी एस कटेगा 194 एल डी में, और ये इनकम भी कहाँ टैक्सेबल होती है 115 ए में 5% की रेट से टैक्सेबल होती है, 5% की रेट से ये तीन इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होते हैं 115 ए में। तो जितना टैक्स बना उतना काट दिया। एल बी एल सी एल डी ये नॉन रेजिडेंट की कुछ स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट वाली इनकम है, जो कंपलसरी स्पेशल रेट वाली इनकम है नॉन रेजिडेंट की, तो इनका टी डी एस एल बी एल सी एल डी में अपने काट लिया। इसके बाद सेक्शन 194 एम कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज और प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस। आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट तो अपने 194 सी में पढ़ लिया था, कमीशन ब्रोकरेज 194 एच में देख लिया था, प्रोफेशनल फीस 194 जे में देख ली थी, लेकिन अपने देखो वहाँ कुछ लोगों को छोड़ दिया था, तीनों सेक्शन में 194 सी एच और जे तीनों सेक्शन में अपन ने मोहनलाल को छोड़ दिया था। मोहनलाल मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू रुपीज़ 50 लाख, बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू रुपीज़ 1 करोड़ था, प्रोफेशनल के केस में ग्रोथ सीट अप टू रुपीज़ 50 लाख उसको छोड़ दिया था। 194 सी और जे में अपन ने उन इंडिविजुअल एचयूएफ को भी छोड़ दिया था जो पर्सनल नेचर का पेमेंट करते हैं, चाहे टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर रहा था लेकिन पर्सनल नेचर का पेमेंट करते हैं, उनको भी छोड़ दिया था। उन सभी को कहाँ पकड़ा अपन ने 194 आई में। आप बोलोगे 194 आई में भी छोड़ा था अपने रेड वाले में, देखो रेड वाले में छोड़ा था तो अपने पकड़ लिया था उनको, कहा 194 आई बी अलग से बना दिया था उनके लिए सेक्शन अपने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस के लिए 194 एम बनाया। अब ध्यान देना इसमें 194 जे जो है ना, 194 जे का यहाँ पे ओनली एक पेमेंट ले रखा है, कौन सा प्रोफेशनल फीस का, ओनली एक पॉइंट कवर है प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस टेक्निकल फीस वगैरह वगैरह वो कुछ काम की नहीं है, वो यहाँ कवर नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है जो 194 सी एच और जे, सी एच और जे में कवर नहीं है, मतलब मोहनलाल है या तो, या जो पर्सनल नेचर का पेमेंट कर रहा है वो है, तो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है जो सी एच और जे में कवर नहीं है वो टीडीएस काटेगा। यहाँ पे किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस का 5% की रेट से टीडीएस काटेगा, 5% की रेट लगेगी, और लिमिट कितनी है यहाँ पे एग्रीगेट 50 लाख, एग्रीगेट 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख तक पेमेंट कोई टीडीएस नहीं, 50 लाख से जैसे ही ज्यादा हुआ पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। अभी एग्रीगेट लिमिट है, ऐसा नहीं कि 50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग है, कमीशन के लिए 50 लाख अलग है, प्रोफेशनल फीस के लिए अलग, ऐसा नहीं है। मान लो मोहनलाल पेमेंट कर रहा है मिस्टर ए को 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट के, 20 लाख कमीशन और 20 लाख प्रोफेशनल फीस, तीनों का एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट कितना हुआ 60 लाख, टीडीएस काटना पड़ेगा उसको। तो ये लिमिट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस इन सभी की एग्रीगेट मिला के 50 लाख। कभी भी किसी सेक्शन में एक से ज़्यादा पेमेंट होते हैं तो उन सब की एग्रीगेट लिमिट होती है 194 जे को छोड़ के, 194 जे में वो सेपरेट लिमिट है 30,000 की, बाकी सभी सेक्शन में जनरली अगर एक से ज़्यादा नेचर के पेमेंट होते हैं और आप एक ही पर्सन को एक ही पे को करते हो तो पर पे ही होती है लिमिट, तो वैसे पर पे ही होती है लेकिन
पेमेंट का जो नेचर अलग अलग है, मान लो किसी सेक्शन में, तो सभी का एग्रीगेट होता है। 194J को छोड़ देना, ये शॉर्टकट तरीका है इसको याद रखने का। अब आ जाओ 194N, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कैश विड्रॉल। कोई भी पर्सन अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करता है, तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस वाले उसका TDS काटेंगे। किस रेट से काटेंगे? 2% की रेट से TDS काटेंगे, 2% की रेट लगेगी, लेकिन इसमें लिमिट है। अगर कैश विड्रॉ करता है वो पर्सन 1 करोड़ तक करता है पूरे साल में, कोई TDS नहीं कटेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा करता है तो ये पहला सेक्शन है अभी तक जिसमें TDS ओनली एक्सेस अमाउंट पर कटेगा, पूरे अमाउंट पर नहीं कटेगा। जैसे मान लो मोहन है, बैंक से पूरे साल में 1.50 करोड़ विड्रॉ करता है, तो 1 करोड़ से ऊपर जो 50 लाख है, एक्सेस अमाउंट 50 लाख, 50 लाख पे 2% रेट लगेगी। 1.50 करोड़ पूरे अमाउंट में नहीं लगेगा, एक्सेस अमाउंट लगेगा। ये एक पहला सेक्शन है 194N। एक तो 194N, एक और सेक्शन आएगा आगे 194Q। ये दो ही सेक्शन है जहाँ पे TDS अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर ओनली एक्सेस अमाउंट पे, एक्सेस वाले पार्ट पे कटता है। तो अगर कोई भी पर्सन विड्रॉ करता है कैश अप टू 1 करोड़ करता है, कोई TDS नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा करता है, तो जो एक्सेस अमाउंट है, 1 करोड़ से जो एक्सेस अमाउंट है, उस पर 2% की रेट लग जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, अभी जो पे है, मतलब जो पर्सन विड्रॉ कर रहा है कैश, उसने लास्ट 3 ईयर्स से रिटर्न फाइल नहीं करके, लास्ट पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करके, और उन 3 साल में से मान लो रिटर्न फाइल करने का लास्ट ईयर का टाइम भी एक्सपायर नहीं हुआ, तो किसी पे ने लास्ट 3 ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करके, और रिटर्न फाइल करने का टाइम भी अभी एक्सपायर हो गया, क्या बोला मैंने, कोई पे है जिसने लास्ट 3 ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी और उन सालों का रिटर्न फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया, मतलब एक तरीके से निकम्मा पे है, लास्ट 3 साल से उसने अपनी ROI फाइल नहीं करी और ROI फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया, और अब वो विड्रॉ करता है। तो अगर ऐसा कोई पे विड्रॉ करता है, ऐसा निकम्मा पे विड्रॉ करता है, तो 20 लाख से जैसे ही ज़्यादा कर देता है, 20 लाख तक कोई TDS नहीं, 20 लाख से जैसे ही ज़्यादा कर देता है तो TDS काटना पड़ जाएगा, बैंक वाले TDS काट देंगे। 20 लाख से जैसे ज़्यादा करता है अप टू 1 करोड़ करता है, 20 लाख से जैसे ज़्यादा करता है अप टू 1 करोड़ करता है तो 2% की रेट, और 1 करोड़ से जितना ज़्यादा करता है, 1 करोड़ से जितना ज़्यादा करता है उस पर लगेगी 5% की रेट। तो कोई पे जैसे लास्ट 3 साल से अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रखी और रिटर्न फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया, अब ऐसे पे का TDS बैंक वाले कैसे काटेंगे? 20 लाख तक कोई TDS नहीं काटेंगे, 20 लाख से जैसे ज़्यादा करता है और अप टू 1 करोड़ करता है तो एक्सेस 20 लाख, इन एक्सेस ऑफ 20 लाख जो अमाउंट उसने विड्रॉ करी 2%, और 1 करोड़ से जितना ज़्यादा करता है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, उस अमाउंट पर लग जाएगा 5% की रेट। अब आगे बता रहा है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता अगर जो पे ही है, मतलब जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो गवर्नमेंट है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ATM ऑपरेटर है, या कोई पर्सन जिसको RBI ने नोटिफाई किया। पे ही कौन है? गवर्नमेंट है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ATM ऑपरेटर है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको RBI ने नोटिफाई किया। अगर ये लोग कैश विड्रॉ करते हैं कितना भी करें, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, कोई TDS नहीं कटेगा। ये था 194N। फिर देखा अपने 194O, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194N के अकॉर्डिंग। 194O भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194O क्या है? कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कर रहा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कर रहा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को TDS काटना है। अब आप बोलोगे ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जैसे ये अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अर्बन क्लैप हो गए, ये सब होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जिनकी वेबसाइट पे या जिनके ऐप पे बाकी लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स सेल करते हैं या तो अपनी सर्विस देते हैं, वो होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? जो लोग किसी दूसरे की वेबसाइट या ऐप पे अपना सामान सेल करते हैं या अपनी सर्विस देते हैं, वो होते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जैसे पतंजलि है, पतंजलि अमेजन के थ्रू अपने गुड्स सेल करता है, तो पतंजलि कौन हो गया? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर TDS काटेगा यहाँ पे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। जैसे मान लो पतंजलि ने 20 लाख के गुड्स सेल करे अमेजन के थ्रू, तो अमेजन वाले उसका TDS काटेंगे, अमेजन वाले TDS काटेंगे कितना? 1% की रेट से, 1% की रेट से TDS काटेंगे। जो भी पतंजलि ने उस वेबसाइट से, उस ऐप से जितने भी सेल करी है ग्रोस अमाउंट, उस ग्रोस अमाउंट का 1% TDS काटेगा। तो मान लो पतंजलि ने अमेजन के थ्रू 50 लाख की सेल करी, तो 50 लाख का 1% TDS काटना पड़ेगा अमेजन को, तो ग्रोस अमाउंट वो सेल लेंगे। अब जैसे मान लो पतंजलि वाला अमेजन को कमीशन देगा, 50 लाख की सेल करी अमेजन वालों ने पतंजलि की, अमेजन ने क्या किया, 50 लाख की सेल करी, 10 लाख का कमीशन रख लिया खुद का और 40 लाख पतंजलि को दे दिए, तो TDS 1% बताओ किसका कटेगा? 50 का कटेगा, 40 का कटेगा? 50 का कटेगा। कमीशन वगैरह कुछ लेस नहीं करना, ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल लेनी है। जो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का कमीशन है वो इसमें से लेस नहीं करना, सेल अमाउंट में से वो लेस नहीं करना, ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल का TDS कटेगा। दूसरा, पतंजलि ने क्या किया, अमेजन के थ्रू पतंजलि अपने गुड सेल कर रहा है, कुछ पैसा तो अमेजन के अकाउंट में आ रहा है, पतंजलि ने क्या किया, अमेजन को अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दिया और अपना अकाउंट लिंक करवा दिया, अमेजन के ऐप पे अपना अकाउंट लिंक करवा दिया, तो कुछ पैसा पतंजलि के पास डायरेक्ट आ गया, सेल अमेजन के थ्रू ही लेकिन पैसा डायरेक्ट पतंजलि के पास आ गया। जैसे 50 लाख की सेल में क्या हुआ, 40 लाख तो अमेजन के अकाउंट में आ गया और 10 लाख पतंजलि के अकाउंट में डायरेक्ट आ गया, तो TDS बताओ किस पे कटेगा? पूरे 50 लाख पे कटेगा। ऐसा नहीं कि जो अमाउंट पतंजलि के अकाउंट में डायरेक्ट आ गया उसको छोड़ देंगे, सेल तो अमेजन के थ्रू हुई ना, तो जितना भी सेल अमेजन ने करी है, जितनी भी सेल करी है उस बंदे की, उस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट की, तो पूरे सेल को लेंगे, पर ग्रोस सेल को लेंगे। क्या लेंगे? ग्रोस। ये ध्यान देना, 1% की रेट से TDS कटेगा। आगे बता रखा है यहाँ कोई एग्जिबिशन लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल HUF है,
जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो क्या कर रहा है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सेल कर रहा है पूरे साल में 5 लाख तक की कर रहा है, कितने कर रहा है 5 लाख तक की कर रहा है, तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मान लो एक पर्सन है अमन, अमन पेन बना के बेचता है, तो अमन ने क्या किया पतंजलि पे अपने पेन सेल करे, क्या बोलते हैं अमन ने अमेजन के थ्रू अपने पेन सेल करे, तो पूरे साल में 5 लाख तक के करे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 5 लाख से ज़्यादा करे तो टीडीएस कटेगा उसका। तो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसकी सेल कितनी हो रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पूरे साल की 5 लाख तक की हो रही है ग्रोथ सेल, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। आगे बता रखा है यहाँ देखो सर्विस भी कवर्ड है, और सर्विस में कौन कौन सी सर्विस कवर्ड है, प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस। तो मान लो एक बंदा है वो अर्बन क्लैब के थ्रू अपनी सर्विस देता है, प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस, तो अर्बन क्लैब वाले उसका टीडीएस काट लेंगे 1% की रेट से, सेम 1% की रेट से टीडीएस काट लेंगे। आगे बता रखा अगर पे ही अपना पेन पेयर को फर्निश नहीं करता, मतलब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पेन ई कॉमर्स ऑपरेटर को फर्निश नहीं करता, तो टीडीएस की रेट 20% नहीं होगी, कितनी होगी यहाँ पे 5%। इस सेक्शन में छूट दे रखी है, यहाँ कितनी दे रखी है 5%, क्योंकि ये देखो सेक्शन है ना गुड्स पे भी अप्लाई होता है, अमेजन पतंजलि के गुड्स सेल कर रहा है, गुड्स पे भी अप्लाई हो रहा है, सर्विस पे भी अप्लाई हो रहा है, अब गुड्स पे मार्जिन इतना होता नहीं है, तो टीडीएस इन्होंने कंप्लीट कर दी 5% कर दी। और ये अभी तक पहला ऐसा सेक्शन है जो गुड्स पे अप्लाई हो रहा है, अभी तक जितने भी सेक्शन देखे थे अपन ने सैलरी था, हाउस प्रॉपर्टी था, रेंट था, आपके अदर सोर्स की इनकम थी, सर्विस थे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे, सब ऐसे सेक्शन थे, गुड्स वाला कोई भी सेक्शन नहीं था, मतलब एक तरीके से गुड्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ें थी, लेकिन 194O में गुड्स भी कवर्ड है, 194O में गुड्स भी कवर्ड है, सर्विस तो ही गुड्स भी कवर्ड है। तो अगर पे ही अपना पेन पेयर को फर्निश नहीं करता टीडीएस की रेट क्या होगी, 20 नहीं होगी 5 होगी, 1 की जगह कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, 5% 194O में। अब आ जाओ अपना अगला सेक्शन 194P, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अगर किसी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को इनकम हो रही है तो स्पेसिफाइड बैंक, मतलब जो शेड्यूल्ड बैंक है स्पेसिफाइड बैंक, वो उसका टीडीएस काट लेगा। रेट इन फोर्स मतलब जितनी उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का टैक्स बन रहा है, जितना टैक्स बन रहा है पूरा का पूरा काट लेगा, पूरा का पूरा काट लेगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज है सब लगा के जितना टैक्स बन रहा है पूरा का पूरा काट लेगा। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होता है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल, कौन है रेजिडेंट इंडिविजुअल, और जिसकी एज कितनी है 75 ईयर्स है उससे ज़्यादा, कितनी है 75 ईयर्स। यहाँ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन बनेगा, 60 साल वाला नहीं बनेगा, जिसकी एज 75 ईयर्स है उससे ज़्यादा है, जिसको खाली पेंशन की इनकम हो रही है, किसकी इनकम हो रही है पेंशन की, उसको गवर्नमेंट से या तो या अपने एम्प्लॉयर से पेंशन मिल रही है, पेंशन की इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, तो उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को पेंशन की इनकम हो रही है और उसकी और कोई इनकम नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम, तो उसको एक तो पेंशन की इनकम हो रही है और कोई भी इनकम नहीं है, बस एक इंटरेस्ट की इनकम और हो सकती है उसकी, इंटरेस्ट ऑन एफडी या इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसको पेंशन की इनकम हो रही है और इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम भी उस सेम बैंक में हो रही है जिस बैंक में उसको पेंशन की इनकम रिसीव हो रही है, जिस बैंक में उसको पेंशन की इनकम रिसीव हो रही है उसी बैंक में उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, उसी बैंक में उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। क्या बोला मैंने, कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 75 ईयर है उससे ज़्यादा है और उसको पेंशन की इनकम मिल रही है, मान लो HDFC बैंक में, उसी HDFC बैंक में उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन FD या इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की, तो बन जाता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ऐसे केस में HDFC बैंक वाला क्या करेगा, उस सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम निकालेगा, टोटल टैक्स निकालेगा, जितना टैक्स बना पूरा का पूरा काट लेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। ये बोला था 194B में, ये बूढ़े लोगों को राहत देने के लिए सेक्शन आया था कि जो बूढ़े लोग हैं 75 ईयर्स है उससे ज़्यादा के हैं, जिनको खाली पेंशन मिलती है घर बैठे बैठे, जिनको पेंशन मिलती है और जो जिनको इंटरेस्ट की इनकम होती है और एक ही बैंक में हो रही है, तो बैंक वाले उनका टीडीएस काट के खुद ही जमा करवा दें। ऐसे केस में इन बूढ़े लोगों को चाहे कितनी भी इनकम हो, मान लो पेंशन इनकम इनको 50 लाख की मिल रही है, कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी, रिटर्न फाइलिंग से राहत देने के लिए इनको ये सेक्शन आया गया 194B। लेकिन मान लो एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, उसको क्या हुआ, मान लो एक सीनियर सिटीजन है 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है, उसको पेंशन इनकम तो HDFC बैंक में मिल रही है, पेंशन इनकम तो कहाँ मिल रही है HDFC बैंक में, और जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो रही है, बताओ 194P में कवर होगा क्या, वो 194P में कवर होगा क्या, वो 194P में कवर होगा क्या, नहीं होगा कवर। 194P बोलता है सेम बैंक में होनी चाहिए, सेम बैंक में पेंशन और इंटरेस्ट इनकम और कोई इनकम भी नहीं होनी चाहिए। मान लो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को लॉटरी वगैरह की इनकम हो रही है, जब वो लॉटरी वगैरह खेल सकता है तो वो रिटर्न भी फाइल कर सकता है, तो वो कवर ही नहीं होगा, खाली पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, कोई तीसरी इनकम नहीं होनी चाहिए 194P, और सेम बैंक में रिसीव होनी चाहिए, जिस बैंक में उनको पेंशन की इनकम रिसीव हुई है उसी बैंक में इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होनी चाहिए। ये था 194P। आ जाओ 194Q, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है काफ़ी। 194Q देखो, एक तो 194N, एम एम से लेकर के सारे इंपॉर्टेंट है, एम एन ओ पी भी थोड़ा सा काम का है और क्यू एम से लेकर के तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके तो क्वेश्चन आते रहते हैं, ऊपर वाले में भी कुछ काम के मैं सब मैं बता दूंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम के वो देख रहे हैं। 194Q, अब 194Q परचेज ऑफ गुड्स, ये गुड्स का सेक्शन है, गुड्स का एक सेक्शन तो अपने देख लिया ऑलरेडी 194O में भी गुड्स कवर थे, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स सेल करता है तो। अब 194Q परचेज ऑफ गुड्स, कोई भी बायर गुड्स परचेज कर रहा है, कोई भी बायर गुड्स परचेज कर रहा है किसी भी रेजिडेंट सेलर से, तो बायर को टीडीएस काटना है, और बायर कौन सा कवर है यहाँ पे,
उस बायर का अगर टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा था तो ही टीडीएस काटना है। अप टू रुपीज 10 करोड़ था, लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर कितना था, अप टू रुपीज 10 करोड़ था, तो कोई टीडीएस नहीं काटना। लेकिन अगर उस बायर का बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा था तो उसको 194 क्यों में टीडीएस काटना है। सेलर का टीडीएस काटना है किस रेट से, 0.1% ऑफ कंसिडरेशन। जितना भी बायर ने गुड्स परचेज किए हैं या जितने भी गुड्स सेलर ने सेल करे हैं उस कंसिडरेशन का 0.1%। कितनी रेट है, काफ़ी कम रेट है, गुड्स है, गुड्स का केस है इसलिए रेट भी काफ़ी कम है, 0.1%, क्योंकि गुड्स पे इतना मार्जिन नहीं होता तो रेट कितनी है, ओनली 0.1%। अब यहाँ एग्जम्पशन लिमिट 50 लाख। अगर बायर जो गुड्स परचेज कर रहा है वो सेलर से, जैसे मान लो राम लिमिटेड बायर है, वो ABC लिमिटेड से गुड्स परचेज कर रही है, 50 लाख तक के कर रही है, 50 लाख तक के कर रही है, तो कोई टीडीएस नहीं काटना। 50 लाख से ज़्यादा कर रही है तो मान लो 70 लाख के कर रही है, तो ओनली एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस काटना है, पूरे अमाउंट में नहीं काटना। ये दूसरा सेक्शन है 194N के बाद, ये दूसरा सेक्शन है जहाँ एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस काटता है, एक्सेस अमाउंट पे काटता है। तो मान लो राम लिमिटेड XYZ लिमिटेड से 70 लाख के गुड्स परचेज कर रही है, तो टीडीएस 70 पे नहीं कटेगा, 50 से ऊपर एक्सेस अमाउंट कितनी हुई, 20 लाख पे 0.1% लगेगा, 20 लाख पे 0.1% रेट लग जाएगी, तो ओनली एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। यहाँ पे भी ओनली एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। अब यहाँ आगे बता रखा है, अगर सेलर अपना पेन फर्निश नहीं करता बायर को, मतलब पे ही अपना पेन पेयर को फर्निश नहीं करता, तो टीडीएस की रेट कितनी होगी, 20% नहीं होगी, 5% होगी, 206W की 20 नहीं होगी, कितनी होगी, 5%, 0.1% और 5% हायर, 5% लेंगे, क्या रेट लेंगे, 5% 194O की तरह, क्योंकि यहाँ भी गुड्स थे, 194O में भी गुड्स थे, तो अगर पेन फर्निश भी नहीं करता तो 20 नहीं लगाएंगे, इतनी हाई रेट नहीं लगाएंगे, रहम करती है गवर्नमेंट ने, कितनी रेट लगाएंगे, 5%। आगे बता रखा है, देखो गुड्स के केस में भी GST लगता है, तो GST कर बिल में सेपरेटली दिखा रखा है, तो GST कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जो गुड्स की वैल्यू है उस वैल्यू पे टीडीएस कट जाएगा, अगर GST सेपरेटली दिखा रखा है तो। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था, चाहे सर्विस का केस हो चाहे गुड्स का केस हो, GST सेपरेटली दिखा रखा है, तो टीडीएस के लिए बात, TCS में नहीं है, TCS में GST इंक्लूडिंग सब पे टीडीएस कट जाता है, TCS कलेक्ट होता है, जो अपन TCS पढ़ेंगे ना TCS के केस में। TDS के केस में क्या है, अगर बिल में सेपरेटली दिखा रखा है GST, तो GST को इग्नोर कर देंगे, बाकी अमाउंट पे अपन क्या कर लेंगे, TDS काट देंगे। 194 क्यों में एक चीज़ और है, मान लो बायर कुछ अमाउंट कुछ परचेज रिटर्न कर देता है, मतलब एक तरीके से परचेज रिटर्न कर देता है 5 लाख की, तो उसको हटा देंगे अपन। जैसे मान लो बायर ने 70 लाख के गुड्स परचेज किए, राम लिमिटेड ने XYZ से 70 लाख के गुड्स परचेज किए, 5 लाख का परचेज रिटर्न था, तो नेट अमाउंट कितने परचेज किए उसने, 65 लाख के परचेज किए, 65 लाख, तो TDS कितने में कटेगा, इन एक्सेस ऑफ 50 कितना हुआ, 15 लाख पे कटेगा, परचेज रिटर्न को अपन लेस कर देंगे, परचेज रिटर्न हटा के TDS काट देगा बायर, परचेज रिटर्न हटा के TDS काट देगा 194Q में। ये था 194Q, लिखना चाहते हो पॉइंट, आप लिखना चाहते हो इसमें लिख सकते हो, परचेज रिटर्न हटा के TDS काटते हैं अपन इसमें 194Q में, इंपॉर्टेंट सेक्शन था 194Q। अब आ जाओ 194R और S, ये न्यू सेक्शन 194R क्या है, देखो 194R और S इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 194R बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, देखो अपने एक देखा था PGBP हेड में सेक्शन 28 में, वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आपके PGBP हेड की इनकम बन जाती है। अगर आपको सप्लायर से कोई भी गिफ्ट मिलता है, कोई भी बेनिफिट मिलता है, कोई भी परक्विजिट मिलता है, वो आपका PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाता है। जैसे मान लो सप्लायर ने आपको बोला कि अगर आप सप्लायर से पूरे साल में 5 करोड़ का माल खरीदोगे, तो सप्लायर आपको एक कार गिफ्ट में देगा, या एक मोबाइल गिफ्ट में देगा, या आपको एक घड़ी गिफ्ट में देगा, होता है ना ऐसा। तो सप्लायर से किसी बिजनेसमैन को सप्लायर से क्या मिला, कोई भी बेनिफिट या कोई भी परक्विजिट गिफ्ट में मिला। और जो बेनिफिट और परक्विजिट है, ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ये मनी में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि काइंड में ही होगा, कभी कभी मनी भी दे देता है सप्लायर। सप्लायर बोलता है कि अगर आप 5 करोड़ के मेरे से गुड्स खरीद लोगे, मैं आपको 5 लाख का परक्विजिट दूंगा, 5 लाख की वैल्यू दूंगा, या 5 लाख का बेनिफिट दूंगा, कुछ भी दूंगा, या 5 लाख का चेक काट के दे दूंगा आपको, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, ऐसा भी हो सकता है। तो सप्लायर से आपको कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट मिला बिजनेस और प्रोफेशन की रिगार्डिंग, बिजनेस साइड की आपकी इनकम मिल जाता है, तो सप्लायर यहाँ TDS काटेगा। लेकिन किसको छोड़ के, मोहनलाल को छोड़ के। अगर सप्लायर जो है मोहनलाल, मतलब बेनिफिट और परक्विजिट कौन दे रहा है, मोहनलाल दे रहा है, तो मोहनलाल को TDS नहीं काटना। मोहनलाल मतलब वही इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ था, प्रोफेशन के केस में 2 से 50 लाख थी, उसको छोड़ के कोई भी सप्लायर अगर बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा है, TDS काटेगा 10% की रेट से, 10% की रेट से TDS काटेगा। लेकिन जो बेनिफिट और परक्विजिट उस सप्लायर ने दिए, अगर वो पूरे साल में 20,000 तक के हैं, 20,000 तक के एग्रीगेट, तो कोई TDS नहीं काटेगा, 20,000 से ज़्यादा हो गया तो फिर पूरे अमाउंट पे TDS कट जाएगा। अब इसमें भी एक पॉइंट है, देखो बेनिफिट परक्विजिट काइंड में भी हो सकते हैं, कैश में भी हो सकते हैं, काइंड मतलब कार वगैरह के फॉर्म में या मोबाइल वगैरह के फॉर्म में, काइंड में भी हो सकते हैं या मनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सप्लायर ने मान लो कार दी आपको, बेनिफिट और परक्विजिट में क्या दी, कार दी आपको 10 लाख की वैल्यू की कार दी। अब 10 लाख की कार दी तो 10% उसका टुकड़ा काट के तो ऐसा नहीं करेगा कि वो 10% काटेगा और गवर्नमेंट को दे देगा कार का टुकड़ा, ऐसा तो करेगा नहीं। तो सेम टू सेम 194B की तरह कि अगर विनिंग काइंड में होती है, क्या करते हैं, पेयर को इंश्योर करना पड़ता है, वैसे यहाँ भी पेयर को इंश्योर करना पड़ेगा, सप्लायर को ये इंश्योर करना पड़ेगा वो परक्विजिट देने से पहले कि उस बेनिफिट पे जितना टैक्स बनता है, जितना TDS बनता है, वो रिसीवर ने या पेई ने खुद से जमा करवा दिया, ये इंश्योर करना पड़ेगा, और उसके बाद वो बेनिफिट देना है।
ये इंश्योर करना पड़ेगा यहाँ पे भी 194 आर में। तो 194 आर में सप्लायर टीडीएस काटेगा, अगर वो बेनिफिट और परक्यूसिट देता है 10% की रेट से टीडीएस काटेगा, 20,000 की लिमिट है। लेकिन अगर बेनिफिट परक्यूसिट काइंड में है तो जो सप्लायर है उसको इंश्योर करना पड़ेगा काइंड में बेनिफिट देने से पहले कि उस काइंड वाले बेनिफिट पे, उस काइंड वाले बेनिफिट पे जितना भी टीडीएस बनता है उतना पे ही ने खुद से जमा करवा दिया और उसके बाद उसको बेनिफिट और परक्यूसिट देना है। ये था 194 आर। 194 एस, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्चुअल डिजिटल असेट अपने देखा था 195 BBH में टैक्सेबल होता है। बिटकॉइन वगैरह अगर आप सेल करते हो, बिटकॉइन वगैरह हो गया या NFT नॉन फंजिबल टोकन वगैरह सेल करते हो, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सेल करते हो, तो 115 BBH में स्पेशल रेट लग जाती है 30% की, वहाँ टैक्सेबल हो जाता है। सेल अमाउंट लेते हैं माइनस कॉस्ट करते हैं और इनकम निकाल के 30% की रेट लगा देते हैं ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट जो अपने पढ़ा था। तो वर्चुअल डिजिटल असेट कोई भी बायर परचेज कर रहा है तो बायर टीडीएस काटेगा सेलर का, बायर टीडीएस काटेगा सेलर का 1% ऑफ कंसिडरेशन। किसका टीडीएस काटेगा? जो इनकम अमाउंट है, इनकम का नहीं काटेगा, कंसिडरेशन का, जो सेल अमाउंट थी सेल अमाउंट का, सेल अमाउंट का 1% टीडीएस काटेगा। ऐसा नहीं कि सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट का नहीं काटेगा, 1% ऑफ कंसिडरेशन टीडीएस काटना है बायर को। अब इसमें लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट, अगर खरीदने वाला जो है, जो वर्चुअल डिजिटल असेट खरीद रहा है, जो पेयर है या बायर है, वो मोहनलाल है। मोहनलाल मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल HUF है जिसका लास्ट ईयर का बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 करोड़ था और प्रोफेशन के केस में ग्रोसेस अप टू ₹50 लाख थी, या बिजनेस ही नहीं था या जॉब करता था या नल्ला था, ऐसा कोई बायर है। अगर ऐसा कोई बायर वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज कर रहा है 50,000 तक के कर रहा है, 50,000 तक के कर रहा है, कोई TDS नहीं काटना, 50,000 से ज़्यादा के कर रहा है तो TDS काटना है। इसके अलावा दूसरा केस बता रहा है, अगर कोई और बायर है, कोई और पर्सन बायर है, मान लो सोहन है बायर, राम लिमिटेड बायर है, कोई और पर्सन बायर है, वो 10,000 तक के करते हैं परचेज, कोई TDS नहीं काटना, 10,000 से ज़्यादा के करते हैं तो पूरे अमाउंट पे 1% की रेट से, 1% की रेट से, 1% ऑफ कंसिडरेशन, 1% ऑफ कंसिडरेशन TDS काटना है 194S में। ये था 194S। अब आ जाओ 195। अगर आप कोई भी अमाउंट पे करते हो किसी भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो इंडिया में टैक्सेबल है, जो इंडिया में टैक्सेबल है, तो आपको TDS काटना पड़ जाएगा। देखो अमाउंट पे के एंड से टैक्सेबल है तो ही TDS कटता है, टैक्सेबल मतलब इंडिया में टैक्सेबल है तो ही TDS कटता है। अब देखो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में कुछ सेक्शन तो अपने ऑलरेडी पढ़ लिए, 192 में सैलरी में टीडीएस कट जाता है उनका, 194B और WB में कैजुअल इनकम का टीडीएस कट जाता है, 194E में स्पोर्ट्समैन का टीडीएस कट जाता है। इसके अलावा 194LBLCLD, LBLCLD में कुछ स्पेसिफिक पेमेंट बता रखे हैं, कुछ स्पेशल टैक्स रेट वाले पेमेंट बता रखे हैं, वहाँ टीडीएस कट जाता है। इसके अलावा कोई और सम पे करते हो जो बाकी सेक्शन में कवर नहीं है और इंडिया में टैक्सेबल भी है, जैसे मान लो राम लिमिटेड रॉयल्टी का पेमेंट कर रही है नॉन रेजिडेंट को, या मान लो राम लिमिटेड प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रही है नॉन रेजिडेंट को, ऊपर कहीं कवर ही नहीं है। ऊपर तो क्या क्या कवर है, 192 सैलरी नॉन रेजिडेंट की, कैजुअल इनकम नॉन रेजिडेंट की, स्पोर्ट्समैन की इनकम 194E वाली, इसके अलावा वो LBLCLD वाला इंटरेस्ट, LBLCLD वाला स्पेशल इंटरेस्ट, उसके अलावा कुछ भी कवर नहीं है, तो बाकी सारे कहां कवर जाएंगे 195 में। तो कोई भी पर्सन पेमेंट कर रहा है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी पर्सन पेमेंट कर रहा है यहाँ पे, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, किसको पेमेंट कर रहा है, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को जो इंडिया में टैक्सेबल है। मान लो एक नॉन रेजिडेंट है सैम, मिस्टर सैम पेमेंट कर रहा है मिस्टर रिक्की, मिस्टर रिक्की भी नॉन रेजिडेंट है, लेकिन मिस्टर रिक्की का इन जो अमाउंट है जो मिस्टर रिक्की को मिल रहा है सैम से, वो इंडिया में टैक्सेबल है, तो सैम को TDS काटना पड़ जाएगा। तो कोई भी पर्सन है चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट, जो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहा है तो TDS काटना पड़ जाएगा। रेट्स इन फोर्स है। अभी रेट्स इन फोर्स क्या होती है, इसका मतलब वैसे तो क्या होता है, जितना उस सामने वाले का टैक्स बन रहा है पूरा का पूरा काट लो, जितना भी उस सामने वाले का इंडिया में टैक्स बन रहा है पूरा का पूरा काट लो। लेकिन लिखते क्या है सेक्शन में 195 में रेट्स इन फोर्स, वो देखो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, पे ही कौन है जिसको इनकम रिसीव हो रही है, कौन है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो ये होती है रेट्स इन फोर्स 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस। 30% लेते हैं, स्लैब नहीं लेते, 30% लेते हैं, ये मानते हैं गवर्नमेंट वाले कि उसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होगी, तो 10 लाख से ज़्यादा पे स्लैब क्या लगता है, 30% लगता है, 30% की रेट लगती है स्लैब में, तो 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस। और कोई पर्सन है, और कोई पर्सन मतलब फॉर, चलो फॉरेन कंपनी तो क्या लेते हैं 40% प्लस सरचार्ज एंड सेस, क्योंकि फॉरेन कंपनी रेट क्या लगती है 40%। फर्म है, नॉन रेजिडेंट फॉर्म है, ऐसा होता नहीं नॉन रेजिडेंट फॉर्म वगैरह होती नहीं, लेकिन फिर भी है मान लो, तो सेम वही 30% प्लस चार्जेंसेस। तो अगर फॉरेन कंपनी है तो रेट्स इन फोर्स क्या होगी 195 के अकॉर्डिंग, 40% प्लस चार्जेंसेस, सरचार्ज लगता है सरचार्ज भी, सेस तो लगाना ही है। और अगर कोई और पर्सन है जैसे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, फर्म है, यही होंगे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल वगैरह फर्म वगैरह, तो इन पे क्या रेट होगी 30% प्लस चार्जेंसेस, 30% प्लस चार्जेंसेस, ये होती है रेट्स इन फोर्स। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, अमाउंट टैक्सेबल है, TDS काटना पड़ जाता है आपको। TDS कब करता है अमाउंट, अगर इंडिया में टैक्सेबल है तो ही TDS करता है। अब इसमें एक केस द्वारा रखा है, अगर मान लो आप कोई ओवरसीज एजेंट को पेमेंट कर रहे हो, कोई नॉन रेजिडेंट एजेंट है, इंडिया के बाहर आपके लिए सर्विस दे रहा है, इंडिया के बाहर आपके लिए क्लाइंट लेके आ रहा है, ओवरसीज एजेंट है, बाहर ही काम करता है, US में काम करता है, और मान लो US में आपके लिए सर्विस दे रहा है,
तो उसकी अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। उसको जो आप कमीशन पे कर रहे हो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा तो आपको टीडीएस भी नहीं काटना, तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा, केस लॉ का पॉइंट था। तो अगर आप किसी ओवरसीज एजेंट को कमीशन का पेमेंट कर रहे हो जो इंडिया के बाहर ही आपके लिए काम कर रहा है, इंडिया के बाहर ही आपको सर्विस दे रहा है, तो उसकी अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, अगर कोई फर्म है किसी नॉन रेजिडेंट पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, टीडीएस काटना पड़ जाएगा 195। अगर रेजिडेंट पार्टनर को करती है तो 194A में टीडीएस नहीं काटना पड़ता, लेकिन नॉन रेजिडेंट पार्टनर को करती है फर्म तो 195 में टीडीएस काटना पड़ जाएगा। लेकिन मान लो फर्म किसी पार्टनर को, किसी भी पार्टनर को, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, उसको प्रॉफिट शेयर का पेमेंट कर रही है, शेयर इन प्रॉफिट, तो बताओ टीडीएस काटना है या फर्म को? नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? जो शेयर इन प्रॉफिट होता है फर्म से जो मिलता है पार्टनर्स को, वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(2)(a) में। 10(2)(a) में शेयर इनकम जो होती है फर्म से जो मिलती है शेयर इनकम, वो एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि उस पर फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है, तो एग्जेम्प्ट होती है, तो उस पर टीडीएस नहीं काटना, चाहे वो फर्म रेजिडेंट को करे चाहे नॉन रेजिडेंट को करे। आगे बता रखा है, कोई भी पर्सन अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कोई भी अमाउंट पे करता है, चाहे वो टैक्सेबल है चाहे नहीं है, कोई भी अमाउंट पे करता है चाहे वो टैक्सेबल है चाहे नहीं है, उस अमाउंट के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट वालों को, उस पर्सन को जो पे कर रहा है, उस पेयर को क्या करनी पड़ेगी? डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी कि कितनी अमाउंट पे करी, कौन से नॉन रेजिडेंट को करी, किस नेचर का पेमेंट था, इंडियन करेंसी में करी या फॉरेन करेंसी में करी, टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है, एप्लीकेबल है तो काटा या नहीं काटा, काटा तो कितना काटा, ये पूरी डिटेल फर्निश करनी पड़ती है। अगर सम टैक्सेबल है, इंडिया में टैक्सेबल है तो टीडीएस भी काटना पड़ता है, और टैक्सेबल नहीं है टीडीएस तो काटना ही, सम टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना पड़ता है, लेकिन सम टैक्सेबल नहीं है तो डिटेल तो फर्निश करनी ही पड़ेगी, डिटेल तो फर्निश करनी ही पड़ेगी। तो कोई भी पर्सन अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करता है, चाहे वो इंडिया में टैक्सेबल हो चाहे नहीं हो, डिटेल फर्निश करनी पड़ती है डिपार्टमेंट वालों को सम की रिगार्डिंग, उस सम की रिगार्डिंग। आगे बता रखा है, अगर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एक होता है DTAA, उसमें जो रेट दे रखी है उससे ज्यादा रेट से टीडीएस कट गया, तो एक्सेस अमाउंट जो उसका टीडीएस कटा उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है, वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का कर सकती है, उस एक्सेस अमाउंट का, एक्सेस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकती है। ये था सेक्शन 195, और ये अपने टीडीएस के सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। काम के सेक्शन कौन से ज़्यादा काम के हैं, देखो सारे आपको पढ़ने हैं, ऐसा मत सोचना कि चलो ये छोड़ देते हैं, किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कुछ सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना 192 सैलरी काम का सेक्शन था, उसका क्वेश्चन काफ़ी आता है। 194A इंटरेस्ट वाला जो था ना, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वो भी काम का था। इसके अलावा 194C कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो भी काम का था। इसके अलावा 194J प्रोफेशनल फीस वाला, वो भी काम का था। इसके अलावा 194IA जो था ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, परचेज वाला, वो भी काम का था। 194IB रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी काम का था। इसके अलावा 194IB के अलावा ये आपके जो सेक्शन थे M से लेकर के सारे ही काम के थे, MNOPQRS और 195, ये सारे काम के थे। इन सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस होते हैं, मान लो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 मार्क्स के, तो इन्हीं सेक्शन से ज़्यादा आने के चांस होते हैं। बाकी आपको सारे पढ़ने, ऐसा मत सोचना कि चलो ये छोड़ देते, ऐसा नहीं करना। ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको तो आपको बार बार रिवाइज करना है। अब अपन आ जाते हैं अदर पॉइंट पे, अदर पॉइंट फालतू पॉइंट है जो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मान लो जो पे ही है, जिसको इनकम रिसीव हो रही है, गरीब आदमी है बेचारा, उसके काफ़ी कम इनकम है या काफ़ी सारे लॉस है, उसको अपना टीडीएस नहीं कटवाना, तो वो AO से रिक्वेस्ट करके सर्टिफिकेट ले सकता है। क्या सर्टिफिकेट ले सकता है? या तो नो डिडक्शन का या लोअर डिडक्शन का, और वो सर्टिफिकेट लेके उस सर्टिफिकेट को पेयर को दे सकता है, अगर AO ने उसको नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट दे दिया और उसने पेयर को पकड़ा दिया, तो पेयर अब उसका टीडीएस काटेगा नहीं, एप्लीकेबल फिर भी नहीं काटेगा। दूसरा, अगर उसने लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले लिया और पेयर को पकड़ा दिया, तो जो सर्टिफिकेट में रेट लिखी हुई है उस रेट से पेयर से क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। अगर पे ही गरीब आदमी है तो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा बता रखा है, अगर पे की इनकम मान लो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आ रही है, पे को लगता है उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आ रही है, तो पे क्या कर सकता है, कुछ सेक्शन के केस में सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है, उसको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं है। कुछ सेक्शन के केस में वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है फॉर्म नंबर 15G और 15H में। अगर पे सीनियर सिटीजन है तो 15H लगेगा, बाकी पे पे लगेगा 15G, कि उसका टीडीएस मत काटे। पेयर को क्या दे सकता है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है 15G 15H में, कि उसका टीडीएस ना काटा जाए। कौन कौन से सेक्शन के लिए अप्लाई है, 192A EPF वाला, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला, 194A इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट वाला, 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, 194I रेंट वाला, और 194K UTI म्यूचुअल फंड की इनकम वाला। इन सेक्शन के लिए पे बिना सर्टिफिकेट लिए खाली सेल्फ डिक्लेरेशन दे देता है पेयर को, तो पेयर उसका टीडीएस नहीं काटेगा। आगे बता रखा है 206AA, पे को अपना पैन पेयर को फर्निश करना पड़ेगा, मतलब जिसका टीडीएस कटता है उसको पैन, जो टीडीएस काटने वाला है उसको फर्निश करना पड़ेगा। अगर पे ही अपना पैन पेयर को फर्निश नहीं करता तो टीडीएस की रेट क्या होगी, रेट गिवन इन सेक्शन और 20% विच होनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट कुछ एक्सेप्शन थे। 192A, अगर पे ही अपना पैन पेयर को फर्निश नहीं करता, टीडीएस की रेट होती है NMR। उसके बाद एक्सेप्शन था 194IB,
पे ही अपना पेन पेयर को फिनिशिंग करता, रेट होती है 20%, लेकिन मैक्सिमम टीडीएस कितना कट सकता है, लास्ट मंथ एंड जितना, लास्ट मंथ एंड जितना पढ़ा था ना अपन ने। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन था 194 LC में अगर पे ही अपना पेन पेयर को फिनिश नहीं करता, एप्लीकेबल ही नहीं होता ये रेट, वो जो 5% है ना, 5% ही रहती है उसमें। इसके अलावा एक एक्सेप्शन और था इसका 194 O और एक 194 Q। 194 O और Q में अगर पे ही अपना पेन पेयर को फिनिश नहीं करता तो टीडीएस की रेट कितनी हो जाती है, 5% नहीं होती, 5% हो जाती। ये कुछ एक्सेप्शन थे जो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिए थे। अगला एक सेक्शन है 206 AB, ये निकम्मे लोगों के लिए। अगर पे ही कौन है, निकम्मा, जिसको जिसको इनकम रिसीव हुई है कौन है, निकम्मा। अगर पे ही निकम्मा है, निकम्मा मतलब उसने अपनी लास्ट ईयर की आरओआई फाइल नहीं करी, उसने अपनी लास्ट ईयर की आरओआई फाइल नहीं करी और आरओआई फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया। पे ही क्या है, निकम्मा है, लास्ट ईयर की आरओआई फाइल नहीं करी और आरओआई फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया। और उस लास्ट ईयर में उसका जो एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस था, उस पे ही का जो एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस था वो कितना था, 50,000 या उससे ज्यादा था, 50,000 या उससे ज्यादा था, तो टीडीएस की रेट क्या हो जाएगी ऐसे पे ही की, ट्वाइस ऑफ रेट की वन सेक्शन में जो रेट दे रखे उसका डबल कर दो। जैसे प्रोफेशनल फीस पे दे रखे 10% का डबल कर दो 20 और 5 पे चेवरी जाए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे रेट दे रखे मान लो 1% का डबल करो 2 और 5 पे चेवरी जाए 5 हो जाए। तो कोई पे ही है, निकम्मा है, लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी और रिटर्न फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया, और उस पे का जो TDS TCS था, TDS TCS था उस लास्ट ईयर का 50,000 या उससे ज्यादा का था, 50,000 या उससे ज्यादा का था, तो ऐसे पे पे टीडीएस के रेट से कटेगा, ट्वाइस ऑफ रेट गिवन और 5% विच एवरेज हायर से कटेगा। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना 206 AB कुछ केस में अप्लाई नहीं होता, 192 वाले केस में अप्लाई नहीं होता, 192 A में नहीं होता, 194 B में नहीं होता, 194 BB में नहीं होता, 194 IA में नहीं होता, 194 IB में नहीं होता, 194 M में नहीं होता और 194 N में नहीं होता, इनके लिए अप्लाई नहीं होता, फालतू सेक्शन कुछ काम करनी है। अब आगे बता रखा पे ज़्यादा ही निकम्मा है, उसने ना तो पेन फिनिश किया और ना ही लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करी, ना तो पेन फिनिश किया और ना ही लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करी, मतलब पे ही पे 206 AA भी लग रहा है, 206 AB भी लग रहा है, ऐसे केस में क्या होगा। इन दोनों सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हायर रेट आएगी, उस हायर रेट से, फिर टीडीएस कटेगा, आगे बता रखा है टीडीएस काट लिया पेयर ने तो उसको खुद के पास नहीं रखना, गवर्नमेंट को जमा करवाना। कब तक जमा करवाना है, अप्रैल से फेब मंथ का टीडीएस है तो अगले महीने की 7 तारीख तक, जैसे अप्रैल का 7 मई तक, फरवरी का 7 मार्च तक, जून का 7 जुलाई तक, इस तरह से जमा करवाना है। लेकिन मार्च मंथ का टीडीएस है तो 30 अप्रैल तक, मार्च मंथ का टीडीएस मार्च के महीने के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, क्योंकि मार्च क्लोजिंग मंथ होता है तो काफ़ी सारे कंप्लाइंस करने पड़ते हैं, तो मार्च मंथ का टीडीएस आप 30 अप्रैल तक जमा करवा सकते हो। लेकिन तीन सेक्शन 194 IA IBM, IA कौन सा था, 194 IA परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 194 IB रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और 194 M कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस मोहनलाल वाला, 194 IA IBM। इन तीन सेक्शन में किसी भी मंथ का टीडीएस जो है वो आपको अगले महीने की 30 तारीख तक जमा करवाना है, अप्रैल का 30 मई, मई का 30 जून, मार्च का 30 अप्रैल, अगले महीने की 30 तारीख तक जमा करवाना है। आगे बता रखा है पेयर को एक टीडीएस रिटर्न या टीडीएस स्टेटमेंट भी फर्निश करना पड़ता है, या तो चाहे तो आप उसको टीडीएस रिटर्न बोल दो चाहे टीडीएस स्टेटमेंट बोल दो, एक ही बात होती है, 24 Q 26 Q में फर्निश होता है, पेयर को फर्निश करना पड़ता है, तभी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि पेयर ने किन किन लोगों का टीडीएस काटा है, और गवर्नमेंट उनको क्रेडिट देगी और वो क्रेडिट उस पे के 26 AS में दिखेगा, और वो पे क्या करेगा जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसका क्या ले लेगा, वो क्रेडिट ले लेगा, उसका रिफंड ले लेगा, एक तरीके से उसको क्रेडिट कर लेगा, अपने टोटल टैक्स में से लेस कर लेगा। अपने देखा था टोटल टैक्स पेबल माइनस टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, वो माइनस कर लेगा और उसके बाद उसका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल या नेट टैक्स रिफंडेबल। तो गवर्नमेंट को ऐसे पता कैसे चलेगा कि पेयर ने किन किन लोगों का टीडीएस काटा है, तो उसके लिए पेयर को टीडीएस काटने वाले को टीडीएस रिटर्न फर्निश करनी पड़ती है, बताना पड़ता है किन किन लोगों का टीडीएस काटा, उनका पैन नंबर लिखना पड़ता है, किस नेचर का पेमेंट था, कितना अमाउंट था, कितना टीडीएस काटा, ये सब लिख के जमा करवाना होता है। ये होता है टीडीएस रिटर्न, टीडीएस स्टेटमेंट क्वार्टरली जाता है, क्वार्टरली कैसे, जून क्वार्टर का 31 जुलाई तक, सेप्टेम्बर क्वार्टर का 31 अक्टूबर तक, दिसंबर क्वार्टर का 31 जनवरी तक, मार्च क्वार्टर का 31 मई तक, मार्च के क्वार्टर के लिए एक महीना एक्स्ट्रा मिल गया, बाकी का क्या है जिस महीने का, मतलब जो क्वार्टर है, जैसे क्वार्टर एंड हुआ उससे नेक्स्ट मंथ का 31, उससे नेक्स्ट मंथ के 31 तक आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है टीडीएस की, या टीडीएस का स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ता है, लेकिन मार्च के लिए एक महीना एक्स्ट्रा दे दिया, मार्च का 30 अप्रैल नहीं होगा, मार्च का होगा 31 मई। आगे बता रखा है अगर एसएससी टीडीएस काटना भूल जाता है या तो, या टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता, एसएससी बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट बन गया कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, पेनल्टी लगेगी आपकी। आगे बता रखा है लेकिन एसएससी टीडीएस काटना भूल गया, एसएससी टीडीएस काट के खुद के पास रख लेता है तो वो बन जाएगा एसएससी डिफॉल्ट, लेकिन मान लो एसएससी टीडीएस काटने भूल गया, लेकिन जो पे ही था ना भला आदमी था, पे ने क्या किया, जिस अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा था एसएससी ने वो उसने अपनी इनकम में दिखा दिया उसको, इसके बाद उस इनकम पे जितना टैक्स बनता है वो भी जमा करवा दिया और अपनी आरओआई फाइल कर दी। पे ही भला आदमी था, जो टीडीएस पेयर ने नहीं काटा था उस इनकम को अपनी रिटर्न में दिखा दिया, उस पर जितना टैक्स बनता है वो जमा करवा दिया और अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो ऐसे केस में एसएससी डिफॉल्ट नहीं बनेगा, पेयर एसएससी डिफॉल्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो पेयर टीडीएस काट के खुद के पास रख लेता है
गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता तो बन जाएगा सेशन डिफॉल्ट। तो फिर पेई इतना भला भी नहीं है कि उसका टीडीएस कट चुका और खुद से और जमा करवा रहा है, ऐसा भला भी नहीं है पेई भी। तो पेई क्या कर देता है, खुद से अपना टैक्स जमा करवा देता है। एसएससी ने मान लो टीडीएस काटा नहीं, लेकिन जितना टीडीएस एसएससी ने काटा उतना पेई ने खुद से जमा करवा दिया, तो एसएससी एसएससी डिफॉल्ट नहीं बनेगा। आगे बता रखा है 201(1)(a), अगर आप टीडीएस लेट काटते हो या तो या लेट जमा करवाते हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस रेट से देना पड़ेगा वो बता रखा है। अगर आप लेट काटते हो टीडीएस तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, सेम यहाँ भी क्या होगा, पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, जैसे बाईबैक के केस में होता है, एग्जिट टैक्स में होता है, सेम टू सेम वैसे ही पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ होगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1% की रेट है यहाँ पे भी। जितना टीडीएस आपने नहीं काटा, टीडीएस अमाउंट लगेगा जितना आपने नहीं काटा। कब से लगेगा, जिस दिन टीडीएस कटना चाहिए था, जिस दिन टीडीएस कटना चाहिए था उस दिन से लेकर के जिस दिन आपने टीडीएस काटा, जिस दिन टीडीएस कटना चाहिए उस दिन से लेकर जिस दिन आपने टीडीएस काटा उस दिन तक लगेगा। लेकिन अगर आप टीडीएस लेट जमा करवाते हो तो ये बड़ा जुर्म है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा आपने अपने पास रखा है। इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाएगी, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जितना टीडीएस आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया उस पर लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और कब से लगेगा, आफ्टर ड्यू डेट नहीं लगेगा, जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन से लेकर के जिस दिन टीडीएस आपने जमा करवाया, जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन से लेकर के जिस दिन आपने टीडीएस जमा करवाया उस दिन तक लगेगा। क्लास में मैंने इसको एग्जांपल से आपको समझा दिया था। ये था टीडीएस, कंप्लीट कर लिया टीडीएस अपन ने। टीडीएस में ये अदर पॉइंट तो ज़्यादा काम के नहीं थे, काम की जो चीज़ें थी वो सेक्शन वाले थे, जो जिस अपन ने 192 से लेकर के 195 तक पढ़ा था ना, रेट, एग्जम्पशन लिमिट, एडिशनल पॉइंट, वो सब चीज़ें काम की थी, वो आपको अच्छे से करनी है। अब आ जाते हैं अपन TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS। TCS के प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 206C में दे रखे हैं। कभी कभार TCS का भी एक आध पॉइंट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में 2-3 नंबर का। तो TCS क्या है वो देख लेते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है TCS भी। सबसे पहले TCS का बेसिक देखते हैं, सबसे पहले TCS का अपन बेसिक देखेंगे। देखो TCS जो है सेलर कलेक्ट करता है बायर का, ये TDS का उल्टा होता है। TDS में क्या होता है, बायर काटता है सेलर का, या पेयर काटता है पेई का, पेयर काटता है पेई का, एक तरीके से बायर काटता है सेलर का, लेकिन TCS उल्टा होता है। जो सेलर होता है ना वो बायर का कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाता है, वो बायर का टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाता है। जैसे मान लो एक पर्सन है अमन, वो होंडा कार शोरूम में कार खरीदने गया, 20 लाख की उसने कार खरीद ली, तो सेलर 20 लाख तो कार की लेगा ही, 20 लाख पे 1% की रेट से TCS भी कलेक्ट कर देगा। 20 लाख कार के ले लेगा और 20,000 TCS के नाम पे ले लेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, बायर का टैक्स जमा करवा देगा सेलर। तो TCS क्या होता है, TDS का होता है, सेलर कलेक्ट करता है बायर का। अब TCS सेलर कब कलेक्ट करता है, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट और डेबिटिंग द अकाउंट बायर, रिसीट ऑफ अमाउंट और डेबिटिंग द अकाउंट बायर, विच एवर जल्दी, रिसीट और डेबिट, रिसीट और डेबिट, विच एवर जल्दी। TDS में क्या होता था, पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर जल्दी, या क्या होता है, रिसीट और डेबिट, विच एवर इज अर्लियर। आगे बता रखा है, अगर जो सेलर है वो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ था और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट अप टू ₹50 लाख थी, मतलब सेलर कौन है, मोहनलाल है, तो ऐसे सेलर को किसी भी बंदे का TCS कलेक्ट नहीं करना, ऐसे सेलर को किसी भी बंदे का TCS कलेक्ट नहीं करना। तो अगर सेलर मोहनलाल है तो उस सेलर को किसी भी बंदे का, किसी भी बायर का TCS कलेक्ट नहीं करना। आगे बता रखा है, अगर बायर कौन है, बायर गवर्नमेंट है, एम्बेसी से, कॉन्सुलेट है, हाई कमीशन है, बायर बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट है, एम्बेसी से, कॉन्सुलेट है, हाई कमीशन है, ऐसे बायर का किसी भी केस में TCS कलेक्ट नहीं होगा। कोई भी सेलर, किसी भी सेलर की औकात नहीं है कि वो बायर अगर गवर्नमेंट है, एम्बेसी से, कॉन्सुलेट है, हाई कमीशन है, इनका TCS कलेक्ट कर ले। तो अगर बायर गवर्नमेंट है, एम्बेसी से, कॉन्सुलेट, हाई कमीशन है, ऐसे बायर का कोई भी TCS कलेक्ट नहीं होगा। ये TCS की बेसिक हो गई। अब TCS की रेट देखते हैं, TCS की रेट को देखो, मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ABCDE। ये 5 पार्ट में TCS की रेट देखेंगे अपन। सबसे पहले ए पार्ट, स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स बता रखे हैं जिन पे TCS की आपको रेट दे रखी है। कौन कौन से स्पेसिफाइड गुड्स हैं, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू पे 1% की रेट से TCS कलेक्ट होगा। इसके बाद स्क्रैप पे 1% की रेट से TCS कलेक्ट होगा। इसके बाद मिनरल्स में कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, कोल मतलब कोयला और कच्चा लोहा वगैरह, आयरन और मतलब कच्चा लोहा वगैरह, तो कोयला कच्चा लोहा पे 1% की रेट से TCS कलेक्ट होगा। इसके अलावा टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5% की रेट से TCS कलेक्ट होगा। इसके बाद तेंदुले मतलब बीड़ी पत्तों पे 5% की रेट से TCS कलेक्ट होगा। दारू पे 1%, स्क्रैप पे 1%, मिनरल्स पे 1%, टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% और तेंदू लीव्स पे 5% की रेट से TCS कलेक्ट होगा। अब इसमें बता रखा है दो केस में स्पेसिफाइड गुड्स जो बताए ना, इन पे TCS लगेगा ही नहीं। दो केस में कौन कौन सा, अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स परचेज कर रहा है पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है तो TCS लगेगा ही नहीं। जैसे मान लो एक मोहन है, मोहन दारू की दुकान पे जाके 500 रुपये की एक बोतल दारू की खरीद के लाता है, तो 500 रुपये पे 5% मतलब 1% TCS भी लगाएंगे क्या, 505 रुपये चार्ज करेगा क्या दारू की दुकान वाला, नहीं करेगा। अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है तो नहीं लगेगा। लेकिन मान लो दूसरा एग्जाम्पल, किंग फिशर क्या कर रही है, अपने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10 लाख की दारू बेच रही है, तो TCS लग जाएगा। हाँ, TCS लग जाएगा। तो एक तरीके से
अगर स्पेसिफाइड गुड्स की होलसेल सेल होती है, होलसेल सेल होती है तो उस पर टीसीएस लगता है। लेकिन अगर जो रिटेलर्स वगैरह है उसकी रिटेल सेल करते हैं, लोगों को रिटेल सेल करते हैं, तो रिटेल सेल पे टीसीएस नहीं लगता। तो स्पेसिफाइड गुड्स की होलसेल सेल पे टीसीएस लगता है, रिटेल सेल पे नहीं लगता। तो अगर स्पेसिफाइड गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई परचेज करता है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करता है, कोई टीसीएस नहीं लगेगा। दूसरा बता रखा है, अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स परचेज कर रहा है, क्यों परचेज कर रहा है, उस स्पेसिफाइड गुड्स से वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा कुछ, उस स्पेसिफाइड गुड्स से वो अपने किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम मिलेगा, वो स्पेसिफाइड गुड्स को वो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम मिलेगा, तो उस बंदे का टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो किंग फिशर है, किंग फिशर दारू बेच रही है, किसको बेच रही है, दवा कंपनी फाइजर, फाइजर दवा कंपनी, यूएस की दवा कंपनी है फाइजर। मान लो अब जो फाइजर है वो क्या करती है, अपने कुछ कफ सिरप में दारू यूज़ करती है, कुछ कफ सिरप में बनाने के लिए, कुछ मेडिसिन बनाने के लिए दारू यूज़ करती है। तो उसने किंग फिशर से दारू खरीदी, 10 लाख की दारू खरीदी। बताओ किंग फिशर वाले उसका टीसीएस कलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? फाइजर दारू क्यों खरीद रही है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रही, या बेचने के लिए नहीं खरीद रही, किसके लिए खरीद रही है, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम मिलेगी, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में काम मिलेगी, तो उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो दो केस में स्पेसिफाइड गुड्स का टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। एक तो अगर कोई बंदा स्पेसिफाइड गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदता है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदता है तो नहीं होगा। दूसरा अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स अपने किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम मिलेगा, कोई बंदा स्पेसिफाइड गुड्स को अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम मिलेगा, तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो टीसीएस का कलेक्ट होता है स्पेसिफाइड गुड्स पर अगर इनकी होलसेल सेल हो रही है, तो टीसीएस कलेक्ट होता है। और जो बंदा खरीद रहा है इनको, वो आगे इनको सेल करेगा, एक तरीके से फर्दर सेल करेगा, तो टीसीएस कलेक्ट होता है। ये थे स्पेसिफाइड गुड्स वाले केस। अब आ जाओ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल अगर कोई परचेज करता है तो सेलर उसका टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। मोटर व्हीकल का कंसिडरेशन तो चार्ज करेगा ही, साथ में 1% की रेट से टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे 1% जो लोगे किसका करोगे, 1% 1% होगा यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस। देखो मोटर व्हीकल के केस में एक होती है ऑन रोड प्राइस और एक होती है एक्स शोरूम प्राइस, ये आपको पता होगा। एक होती है एक्स शोरूम प्राइस और एक होती है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस में क्या होता है, मोटर व्हीकल का जो कंसिडरेशन है वो तो होता ही है, साथ में आरटीओ के चार्ज, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चार्ज, या इंश्योरेंस के चार्ज, और भी काफ़ी सारे चार्ज लगते हैं, आरटीओ चार्ज, रोड टैक्स लगता है, इंश्योरेंस चार्ज लगते हैं, ये सब और इंक्लूड होते हैं ऑन रोड प्राइस। जैसे एक्स शोरूम प्राइस मान लो किसी कार की 10 लाख, तो इसकी ऑन रोड प्राइस होगी मान लो 11,50,000, ऐसे होती है। तो ऑन रोड प्राइस ज़्यादा होती है क्योंकि ऑन रोड प्राइस में जो एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं कार के कंसलेशन के अलावा, और जो चार्ज लगते हैं जैसे आरटीओ चार्ज हो गए, इंश्योरेंस चार्ज हो गए, रोड टैक्स वगैरह हो गया, वो सब इंक्लूड होता है। तो आपको पे क्या करनी पड़ती है सेलर को, ऑन रोड प्राइस पे करनी पड़ती है सेलर को। सेलर को मान लो 10 लाख की कार खरीद रहे हो आप, तो सेलर को कितना पे करना पड़ता है, आपको 11.50 लाख करना पड़ता है, 11.50। सेलर क्या करता है, 10 लाख कार का तो अपने पास रख लेता है कंसलेशन, एक्स शोरूम प्राइस, बाकी आरटीओ चार्ज आरटीओ में जमा करवा देता है, इंश्योरेंस चार्ज इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवा देता है, रोड टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, वो सेलर का नहीं होता, वो सेलर कहीं और जमा करवा देता है। तो जो टीसीएस कलेक्ट होता है मोटर व्हीकल पे किससे होता है, एक्स शोरूम प्राइस होता है, किससे होता है, एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस में नहीं होता, किससे होता है, एक्स शोरूम प्राइस पे। टीसीएस किससे लगता है, एक्स शोरूम प्राइस पे, आरटीओ चार्ज और जो रोड टैक्स वगैरह है इन पे टीसीएस नहीं लगता। तो एक्स शोरूम प्राइस पे 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। अब मोटर व्हीकल के केस में दो केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होता, कौन कौन सा, अगर कंसलेशन पर व्हीकल कितना है ₹10 लाख, कंसलेशन पर व्हीकल कितना है ₹10 लाख, कंसलेशन पर व्हीकल कितना है ₹10 लाख, तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। मान लो मोहन ने एक कार खरीदी 12 लाख की, टीसीएस लगेगा क्या, हाँ लगेगा। 20 लाख की खरीदी, हाँ लग जाएगा। 8 लाख की खरीदी, नहीं लगेगा। मान लो मोहन ने दो कार खरीदी, कार वन तो थी मान लो 8 लाख की, कार टू थी 7 लाख की, अब भी नहीं लगेगा, एग्रीगेट नहीं करेंगे, कंसेशन पर व्हीकल देखेंगे, कैसे देखेंगे, कंसेशन पर व्हीकल नहीं लगेगा। मान लो एक कार थी कार वन 12 लाख की और कार टू थी 7 लाख की, अब कार वन पे तो टीसीएस लग जाएगा, कार टू पे नहीं लगेगा। तो कंसलेशन पर व्हीकल अप टू ₹10 लाख है तो मोटर व्हीकल पे टीसीएस नहीं लगाना, 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर पूरे अमाउंट पे, जो कार 10 लाख से ज़्यादा वाली है उस कार पे पूरा टीसीएस लग जाएगा। अब दूसरा केस, इसमें अगर मोटर व्हीकल कोई सेल कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है, किसको, अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर व्हीकल सेल कर रहा है, जैसे मान लो मारुति इंडिया है, मारुति इंडिया क्या कर रही है, अपने डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को कार सेल कर रही है, अपने डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को या अपने शोरूम्स को कार सेल कर रही है, तो टीसीएस नहीं लगता। मतलब मोटर व्हीकल के केस में पॉइंट टेका उल्टा है, उल्टा कैसे है, मोटर व्हीकल के केस में होलसेल सेल पे टीसीएस नहीं लगता, लेकिन जब रिटेल सेल करेंगे, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जब लोगों को रिटेल सेल करेंगे, मोहन को सोहन को इनको रिटेल सेल करेंगे, तो टीसीएस लग जाएगा। तो ये पॉइंट ए का उल्टा है। पॉइंट ए में क्या था, अगर स्पेसिफाइड गुड्स की होलसेल सेल होती है तो टीसीएस लगता है, लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब सेल की जाती है तो नहीं लगता, यहाँ उल्टा है। यहाँ अगर इनकी होलसेल सेल हो रही है
तो TCS नहीं लगेगा, लेकिन जब डिटेल सेल होगी डिटेल सेल तो TCS लग जाएगा। मोटर व्हीकल में उल्टा है, मोटर व्हीकल में उल्टा है, तो मोटर व्हीकल में TCS लगेगा 1% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। दो केस में मोटर व्हीकल में TCS नहीं लगेगा, पहला अगर कंसिडरेशन पर व्हीकल अप टू ₹10 लाख है तो नहीं लगेगा, दूसरा कोई मोटर व्हीकल सेल कर रहा है कौन, मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है किसको, अपने डीलर्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो पॉइंट बी में TCS नहीं लगेगा। आगे आ जाओ, लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट टोल प्लाजा माइंस ऑफ क्वेरी। कोई बंदा क्या कर रहा है, पार्किंग लॉट टोल प्लाजा माइंस ऑफ क्वेरी लीज पे दे रहा है, तो उसको लीज रेंट तो कलेक्ट करना ही है, साथ में जो टेनेंट है उससे आपको 2% TCS भी कलेक्ट करना है। जैसे मान लो जयपुर में एक मॉल है WTP मॉल, WTP मॉल वालों का काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है, उन्होंने पार्किंग एरिया को शाम को रेंट पे दे दिया या लीज पे दे दिया, तो शाम मान लो 10 लाख का लीज रेंट पे कर रहा है, तो 10 लाख तो लीज रेंट कलेक्ट करना ही है WTP मॉल वालों को, साथ में 2% की रेट से, 2% की रेट से TCS भी कलेक्ट करना है। लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट टोल प्लाजा माइंस ऑफ क्वेरी, ये हो गया। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डी और ई। TCS में जो क्वेश्चन आता है जनरली कभी कभी मोटर व्हीकल कहा जाता है, कभी कभार पॉइंट डी आई ई कहा जाता है। पॉइंट डी क्या है, ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज ट्यूर पैकेज, ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज ट्यूर पैकेज। ओवरसीज रेमिटेंस सबसे पहले इसमें देखो, पॉइंट डी में दो चीज़ें कवर है, ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज ट्यूर पैकेज दोनों अलग अलग चीज़ है। ओवरसीज रेमिटेंस क्या है वो समझो पहले आप, जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर अग्रवाल है जो इंडिया में रहता है और इसकी फैमिली रहती है मान लो यूएस में, इसकी फैमिली रहती है यूएस में, बीवी बच्चे रहते हैं इसके यूएस में, माता पिता सब यूएस में रहते हैं। अब इसकी फैमिली को घर खर्च चलाने के लिए, एजुकेशन वगैरह के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब मिस्टर अग्रवाल इसकी फैमिली को पैसे भेजना चाहता है मान लो 10 लाख रुपये, तो मिस्टर अग्रवाल डायरेक्ट अपनी फैमिली को पैसे नहीं भेज सकता, या पार्सल में पैक कर दिया और भेज दिया, ऐसा नहीं कर सकता। हवाला वगैरह करवा सकते हैं वो अलग बात है, वो दो नंबर के काम कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से भेजना है इसको, एक नंबर पर भेजना है तो कैसे भेजेगा इसको, एक बिचौलियों के थ्रू भेजने पड़ते हैं। बिचौलिया कौन होता है, ऑथोराइज्ड डीलर। ये जनरली कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये कौन होते हैं, बैंक्स, बैंक के थ्रू पैसा भेजना पड़ेगा। मिस्टर अग्रवाल पहले पैसा देगा बैंक को, बैंक में रेमिट करवाएगा बैंक में, मान लो मिस्टर अग्रवाल ने 10 लाख बैंक को दे दिया और ये बैंक वाले 10 लाख इसकी फैमिली को भेज देंगे, तो ऑथोराइज डीलर के थ्रू भेजना पड़ता है। तो मिस्टर अग्रवाल क्या कर रहा है, ओवरसीज रेमिटेंस कर रहा है, अपनी फैमिली को ओवरसीज इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है। मिस्टर अग्रवाल इंडिया का है, इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है, इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है, तो अगर 7 लाख तक भेजता है, 7 लाख तक पूरे साल में 7 लाख तक भेजता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई TCS नहीं लगेगा। लेकिन 7 लाख से ज़्यादा भेजता है, 7 लाख से ज़्यादा भेजता है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है, इस सेक्शन में ध्यान देना किस पे, ओनली एक्सेस अमाउंट पे 5% की रेट से बैंक वाले या ऑथराइज डीलर वाले उसका TCS कलेक्ट कर लेंगे। क्या बोला मैंने, मिस्टर अग्रवाल इंडिया के बाहर फैमिली को पैसा भेजता है, 7 लाख तक भेजता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 लाख से ज़्यादा भेजता है पूरे साल में, 7 लाख की एग्रीगेट लिमिट है, 7 लाख तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 लाख से ज़्यादा बेहतर, तो एक्सेस अमाउंट में, जैसे TDS में थे ना दो सेक्शन एक्सेस वाले, 194O और 194Q, यहाँ भी वही है, एक्सेस अमाउंट पे TCS लगेगा, एक्सेस अमाउंट पे TCS लगेगा। तो 10 लाख भेजा यहाँ पे, तो बैंक वाले उसका TCS कलेक्ट करेंगे, बताओ कितने में करेंगे, 3 लाख पे करेंगे, 3 लाख पे करेंगे, 3 लाख का 5%, ये TCS कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 3 लाख का 5% हो जाएगा TCS। अब आगे बता रखा है, मिस्टर अग्रवाल गरीब आदमी है, वैसे उसकी फैमिली यूएस में रहती है लेकिन वो गरीब आदमी है। गरीब आदमी कैसे, उसने एजुकेशन के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और उस लोन वाली अमाउंट को इंडिया के बाहर भेजा। मिस्टर अग्रवाल ने क्या किया, एजुकेशन के लिए लोन लिया, लोन भी किससे लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मिस्टर अग्रवाल ने एजुकेशन के लिए लोन लिया इंडिया के अंदर, मिस्टर अग्रवाल ने एजुकेशन के लिए लोन लिया, अपने बीवी बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उस लोन वाली अमाउंट को इंडिया के बाहर भेज रहे। तो ये 10 लाख क्या है, लोन है जो इसने एजुकेशन के लिए लिया है इंडिया के अंदर और इसको वो इंडिया के बाहर भेज रहा है। तो ऐसे केस में TCS की रेट क्या होगी, 0.5%। अगर ये वाला केस है तो क्या होगी रेट, तो बैंक उसका TCS जो कलेक्ट करेंगे ना, 7 लाख तो करेंगे नहीं, 7 लाख से जो ऊपर एक्सेस अमाउंट है उस पर क्या रेट लगाएंगे, 5% नहीं लगाएंगे, ओनली 0.5%। अगर मिस्टर अग्रवाल गरीब आदमी है और वो लोन लेके उस लोन वाली अमाउंट को इंडिया के बाहर भेज रहा है, उसने खुद ने पैसे नहीं कमाए, उसने लोन लिया है और लोन वाली अमाउंट को इंडिया के बाहर भेज रहा है, तो TCS की रेट कितनी लगेगी, ओनली 0.5%। ये तो था ओवरसीज रेमिटेंस। अब एक चीज़ और कवर है यहाँ पे, ओवरसीज ट्यूर पैकेज। मान लो मिस्टर अग्रवाल क्या करता है, एक टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है FNZ टूर्स, ये कंपनी है, इससे ओवरसीज टूर पैकेज लेता है, मालदीव्स घूमने का पैकेज लेता है, मान लो 3 लाख का लेता है टूर पैकेज। तो जो FNZ टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है, FNZ टूर एंड ट्रेवल की जो कंपनी है, ये TCS कलेक्ट करेगी किसका, अग्रवाल का, कितना, 5%। और यहाँ कोई एग्जिमिशन लिमिट नहीं है, अगर 1 लाख का भी टूर पैकेज लेता है 1 लाख का 5%, 3 लाख का लेता है 3 लाख का 5% क्या कर लेगी FNZ टूर कंपनी, TCS कलेक्ट करेगी, टूर का पैसा तो कलेक्ट करेगी और साथ में 5% की रेट से TCS भी कलेक्ट करेगी। इससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग विदेश से पैसे उड़ा रहे हैं, ये पता चल जाएगा गवर्नमेंट को।
तो पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि मिस्टर अग्रवाल ने विदेश में 3 लाख रुपये उड़ाए हैं, कि गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा, 5% की रेट से TCS आ जाएगा। FNZ कंपनी TCS की रिटर्न भरेगी, बताएगी हाँ मैंने अग्रवाल का TCS क्लब किया है, वो 3 लाख का उसने ट्यूर पैकेज लिया था। तो गवर्नमेंट के पास ये सब इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो 5% की रेट से FNZ ट्यूर कंपनी क्या करेगी, अग्रवाल का TCS कलेक्ट करेगी। अब इसमें एक नोट दे रखा है, अगर मान लो कोई बाहर है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो इंडिया घूमने आ रहा है, इंडिया घूमने आ रहा है तो इंडिया उसके लिए क्या हो गया, मान लो एक बाहर है सैम जो US का है, इंडिया क्या होगा उसके लिए, ओवरसीज होगा, इंडिया उसके लिए ओवरसीज होगा एक तरीके से। तो वो सैम है मान लो, अग्रवाल नहीं है यहाँ पे, बंदा कौन है, मिस्टर सैम है जो US का बंदा है, और FNZ टूर कंपनी इंडिया की कंपनी है, और इंडिया से मिस्टर सैम क्या कर रहा है, इंडिया की इस कंपनी से टूर पैकेज ले रहा है, इंडिया का टूर पैकेज ले रहा है मिस्टर सैम के लिए तो ओवरसीज हो गया एक तरीके से, मिस्टर सैम के लिए तो ये टूर पैकेज क्या हो गया, ओवरसीज हो गया। तो ये 3 लाख का पैकेज ले रहा है, तो इस पर कोई TCS नहीं लगेगा, इस वाले पे कोई TCS नहीं लगेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो इंडिया घूमने आ रहा है, तो जो टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है, कितना भी टूर पैकेज लिया हो, कितने का भी लिया हो, 10 लाख का, 50 लाख का, कितने का भी लिया हो, कोई TCS कलेक्ट नहीं होगा, ये था पॉइंट नंबर डी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर ई में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर ई, सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख सेक्शन 206C(1H) 206C है वैसे सेक्शन तो, लेकिन सब सेक्शन है 1H। तो अगर मान लो कोई भी सेलर 50 लाख से ज़्यादा के गुड सेल करता है, 50 लाख से ज़्यादा के गुड सेल करता है तो सेल वैल्यू तो कलेक्ट करेगा ही, साथ में 0.1% की रेट से, 0.1% की रेट से वो TCS भी कलेक्ट करेगा। और किसका करेगा, 50 लाख से जो एक्सेस उसने सेल करी है, मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने 70 लाख की सेल करी है राम लिमिटेड को, 70 लाख की सेल करी है, तो 50 लाख से एक्स्ट्रा सेल कितनी करी है, 50 लाख से एक्सेस 20 करी है, तो 20 लाख पे 0.1% की रेट से TCS भी कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी एक्सेस वाली लिमिट है, 50 लाख तक कोई TCS नहीं, 50 लाख से एक्स्ट्रा अगर सेल है तो जो एक्सेस अमाउंट पे 0.1% की रेट से सेलर TCS कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे दो केस में TCS कलेक्ट नहीं होगा, अगर एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं सेलर, मान लो किसी नॉन रेजिडेंट को एक्सपोर्ट सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट सेल पे TCS कलेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो गुड्स पॉइंट ए में कवर है, जो गुड्स पॉइंट ए में कौन कौन से स्पेसिफाइड गुड्स हैं, दारू, स्क्रैप, मिनरल्स, टिम्बर, तेंदुलीव, इन गुड्स पे पॉइंट ए में ही TCS लगेगा, पॉइंट ई में नहीं लगेगा, ये गुड्स पॉइंट ए में ही कवर होंगे, कभी भी पॉइंट ई में नहीं आएंगे। पहला तो एक्सपोर्ट सेल पे TCS कलेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो गुड्स पॉइंट ए में कवर है उन पे TCS पॉइंट ए में लगेगा। अब आप बोलोगे मोटर व्हीकल, देखो मोटर व्हीकल पे अगर TCS पॉइंट बी में लग जाता है, पॉइंट बी में कवर हो जाती है तो पॉइंट बी में लगाएंगे, पहले पॉइंट बी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन मान लो पॉइंट बी में कवर नहीं हो पाती मोटर व्हीकल, कैसे नहीं होती पाती, मान लो मारुति इंडिया ने 20 लाख ईच की 10 कार, 20 लाख ईच की 10 कार अपने डीलर को सेल करी, 2 करोड़ की कार सेल करी, टोटल 2 करोड़ की, तो पॉइंट बी में कवर नहीं हो पाई। क्यों, अपने देखा था सेल ऑफ कार भाई, सेल ऑफ मोटर व्हीकल भाई, मैन्युफैक्चरर टू डीलर कवर नहीं होता। तो अगर ऐसा है और लिमिट और सेल जो है सेल वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो वो पॉइंट ही में आ जाएगी। क्या बोला, मोटर व्हीकल पहले तो देखेंगे पॉइंट भी लग रहा है क्या, पॉइंट भी लग रहा है तो ठीक है, पॉइंट भी नहीं लग रहा और सेल वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, और सेल वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो पॉइंट ही में लगा देंगे, तो फिर पॉइंट ही में TCS लगा देंगे। अब पॉइंट ही में एक चीज़ और बता रखी है, पॉइंट ही तभी लगेगा अगर उस सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था, उस सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, 10 करोड़ से ज़्यादा था, तो ही पॉइंट ही लगेगा। अब देखो ये सेक्शन मिलता जुलता है एक सेक्शन से, TDS वाला एक सेक्शन था अपना 194Q से मिलता जुलता है। अब ये क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट, अगर 194Q में TDS कट जाता है या 194Q एप्लीकेबल हो जाता है तो 194 क्या बोलते हैं पॉइंट नंबर ई मतलब 206C(1H) में TCS लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी है राम लिमिटेड, ये तो है बायर, और एक है अपनी ABC लिमिटेड, ये है सेलर। ABC लिमिटेड का लास्ट ईयर टर्नओवर है 15 करोड़ का, और जो राम लिमिटेड है बायर है इसका लास्ट ईयर टर्नओवर है 12 करोड़ का, दोनों का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज़्यादा है। राम लिमिटेड ने गुड्स परचेज करे और ABC ने गुड्स सेल करे, गुड्स कितने के करे, 70 लाख के, मान लो 70 लाख के करे। अब बताओ क्या होगा, पहले अपन क्या करेंगे, 194Q प्रायरिटी किसको देंगे, TDS को प्रायरिटी देंगे, TCS को प्रायरिटी नहीं देंगे, फर्स्ट प्रायरिटी देंगे TDS को, क्योंकि अपने पहले क्या पढ़ा है, TDS पढ़ा है, तो प्रायरिटी भी अपन पहले TDS को देंगे। राम लिमिटेड को बताओ TDS काटना पड़ेगा क्या 194Q में, हाँ काटना पड़ेगा, क्योंकि वो 70 लाख के कुछ परचेज कर रहा है, 50 लाख से ज़्यादा के कर रहा है, तो 20 लाख पे क्या हो जाएगा, TDS लग जाएगा अंडर सेक्शन 194Q। कितना लग जाएगा, 20 लाख से लग जाएगा, 50 लाख से ऊपर लगता है ना वहाँ पे भी, किस रेट से लगेगा, 0.1% की रेट से लग जाएगा, काम खत्म।
राम लिमिटेड ने टीडीएस काट लिया। अब देखो जो सेलर है ये भी 70 लाख की सेल कर रहा है और इसका टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, पॉइंटी में आ रहा है, ये तो पॉइंटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। बताओ इसको टीडीएस क्लब करना है क्या? नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैंने लिखवाया आपको, अगर टीडीएस लग जाता है 194Q में, 194Q में टीडीएस लग जाता है तो टीडीएस नहीं लगाना आपको। टीडीएस भूल जाओ, टीडीएस भूल जाओ, लगते हुए भूल जाओ, टीडीएस नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन मान लो ऐसा था, इस बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 8 करोड़ ही था, 8 करोड़ ही था लास्ट ईयर का टर्नओवर। बताओ राम लिमिटेड को टीडीएस काटना है क्या 194Q में? टीडीएस काटना है क्या 194Q में? 194Q में टीडीएस काटना है क्या? नहीं काटना। कब काटना पड़ता है 194Q में? अगर उस बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था तो, या तो 8 करोड़ ही है तो टीडीएस लगेगा नहीं। अब सेलर को चेक करेंगे, देखो सेलर लास्ट ईयर का टर्नओवर 15 करोड़ है, 70 लाख की सेल कर रहा है, अब क्या लग जाएगा? अब इस सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा, अब सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा। अगर टीडीएस नहीं लग रहा 194Q में तो ही टीसीएस कलेक्ट करना है, तो ही टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन मान लो इस सेलर का टर्नओवर भी लास्ट ईयर का 7 करोड़ ही था, बायर का भी 10 करोड़ से कम और सेलर का भी कम है, तो ना टीसीएस लगेगा और ना ही टीडीएस लगेगा, ना टीसीएस ना टीडीएस, ना टीडीएस लगेगा ना ही टीसीएस लगेगा, ये केस था। तो 194Q को पहले प्रायोरिटी देंगे, अगर 194Q में टीडीएस लग जाता है तो इसको पॉइंट ई को भूल जाओ, पॉइंट ई को भूल जाओ, कोई टीसीएस नहीं लगाना, फिर कोई टीसीएस नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि टीडीएस भी काटेगा बाहर और टीसीएस सेलर कलेक्ट करेगा, दोनों काम नहीं होंगे, एक ही काम होगा, एक ही काम होगा। अब एक चीज़ और है, 194Q में अगर क्या बोलते हैं पेई सेलर अपना पेन बायर को फर्निश नहीं करता तो टीडीएस की रेट क्या हो जाती है 194Q में? नो पेन के केस, नो पेन के केस में टीडीएस की रेट क्या हो जाती है? 5% फाइव होती है, 20 नहीं होती 5। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट नंबर ई है ना, मतलब 206C1H मतलब पॉइंट ई, पॉइंट ई में अगर जो बायर है अपना पेन सेलर को फर्निश नहीं करता, यहाँ उल्टा होगा ना, बायर अपना पेन सेलर को फर्निश नहीं करता तो सेलर जो टीसीएस कलेक्ट करेगा ना किस रेट से करेगा? 1% की रेट से, 0.1 नहीं होगी, 1 होगी, जो मैंने नीचे लिखा कि अदर पॉइंट देखो यहाँ आएगी 1% फोर पॉइंट ही, तो 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा, 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा अगर बायर सेलर को अपना पेन फर्निश नहीं करता तो। सेलर किस रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा ऐसे बायर का? 1% की रेट से, नो पेन के केस में, ये भी मैंने लिंक कर दिया। अब एक चीज़ और है, देखो टीडीएस के केस में क्या था, 194Q या कोई भी सेक्शन हो टीडीएस के केस में, अपन जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटते, टीडीएस जीएसटी कंपोनेंट पे नहीं काटते, लेकिन टीसीएस के केस में यहाँ ऐसा नहीं है। पॉइंट ई में सेलर ने जो सेल करी है, मान लो 80 लाख की सेल करी है, 80 लाख की, 10 लाख का जीएसटी, मान लो 90 लाख की वैल्यू है टोटल, 90 लाख की वैल्यू है, 10 लाख जीएसटी सेपरेट दिखा रखा है, ये सेल अमाउंट है। तो जो टीसीएस लगेगा ना जीएसटी को इंक्लूड करके चेक करेंगे, तो 90 लाख है, 90 में से 50 की तो आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन लिमिट 50 लाख की, बता कितना 40 लाख पे लगेगा टीसीएस, 40 लाख पे क्या लगेगा? टीसीएस लगेगा। लेकिन टीडीएस का केस होता तो टीडीएस में क्या होता, टीडीएस में लेते 80 लाख वाली वैल्यू, 80 में से मिल जाती आपका 50 की एग्जेम्पशन, बता कितना 30 लाख पे लगता टीडीएस, टीडीएस जीएसटी कंपोनेंट में नहीं लगता। लेकिन टीसीएस के केस में ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग जीएसटी, टीसीएस को क्या कर देखते हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी करते हैं, ये बात और ध्यान रखना। मैंने कहीं नहीं लिखा ऐसा, टीसीएस में मैंने कहीं लिखा है क्या कि अगर जीएसटी सेपरेटली दिखा रखा तो जीएसटी को हटा दो? ऐसा कभी कहीं लिखा है? कहीं पे भी लिखा है क्या? मैंने कहीं नहीं लिखा ना। तो वो जीएसटी वाली जो लाइन थी ना टीडीएस के लिए थी, स्पेशल टीडीएस में पढ़ाई थी मैंने आपको, यहाँ नहीं है। तो जीएसटी को यहाँ नहीं हटाना, यहाँ इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी अमाउंट पे भी क्या लगता है यहाँ पे? टीसीएस लगता है, टीसीएस लगता है। ये थे पांचों पॉइंट टीसीएस के जो अपने देख लिए। अदर पॉइंट देख लो, पॉइंट बी और ई, पॉइंट बी कौन सा? मोटर व्हीकल वाला, और पॉइंट ई सेल ऑफ गुड्स वाला। इन दोनों केस में जो टीसीएस कलेक्ट होगा कब होगा? रिसीट ऑफ अमाउंट के टाइम पे, रिसीट और डेबिट विच वाली जल्दी नहीं करेंगे, जब सेलर अमाउंट रिसीव कर रहा है, जब सेलर अमाउंट रिसीव कर रहा है तब वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। आगे बता रखा है अगर कलेक्टर अपना पेन कलेक्टर को फर्निश नहीं करता, मतलब बायर अपना पेन सेलर को फर्निश नहीं करता तो सेलर किस रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा? ट्वाइस ऑफ रेट गिवन, सेक्शन में जो रेट दे रखी है उसको डबल कर दो और 5% विच वाली जाए, जैसे दारू पे 1% दे रखी है 2 और 5 विच वाली जाए 5%, जैसे तेंदुली पे 5% है तो 5 पर डबल करो 10 और 5, 10 की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन पॉइंटी के लिए, पॉइंटी मतलब सेल ऑफ गुड्स वाले के लिए, सेल ऑफ गुड्स वाले के लिए अगर बायर अपना पेन सेलर को फर्निश नहीं करता तो रेट क्या होगी? 1%। ये मैंने आपको पहले भी बता दी, फिर भी क्या होगी रेट? 1% होगी। 0.1 की जगह क्या हो जाएगी? 1, 5 नहीं होगी, 0.1, 1 की जगह होगी 1। ये कहाँ बता रखा है? सेक्शन 206CC, आगे बता रखा है बायर जो है निकम्मा पर्सन है, 206CCA लग जाएगा। सीसीए क्या बोलता है? कलेक्टर अगर निकम्मा पर्सन है, कलेक्टर ने अपनी लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी और रिटर्न फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया, और उस कलेक्टर का लास्ट ईयर का टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज़्यादा का था,
तो TCS की रेट क्या होगी, ट्वाइस ऑफ रेट और 5% विच ओरिजिन, सेम टू सेम TDS वाला सेक्शन था ना 206AB, उसका कॉपी है 206AC है। यहाँ कलेक्टर को फर्निश करना है, कलेक्टर को नहीं करता तो ट्वाइस ऑफ रेट गिवन और 5% विच ओरिज हायर, कलेक्टर को पेन फर्निश नहीं करना। ये वाला पॉइंट क्या है, कलेक्टर का कि कलेक्टर निकम्मा पर्सन है लास्ट ईयर की, उसे ROI फाइल नहीं करी और ROI फाइल करने का टाइम भी एक्सपायर हो गया, ट्वाइस ऑफ रेट गिवन और 5%, पेन फर्निश नहीं करता तो रेट ट्वाइस ऑफ रेट गिवन और 5% विच ओरिज हायर। आगे आ जाओ, TCS का पेमेंट सेलर को करना है, खुद के पास नहीं रखना, कब तक करना है गवर्नमेंट को, अगले महीने की 7 तारीख तक। यहाँ मार्च के लिए भी क्या है 7 अप्रैल, मार्च के लिए 30 अप्रैल नहीं है, अगले महीने की 7 तारीख तक पेमेंट करना। आगे बता रखा है सेलर को TCS रिटर्न, TCS स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि उसने किन किन बायर का TCS कलेक्ट किया है, कितना किया है, ताकि वो बायर के गवर्नमेंट क्या करते हैं उन बायर को क्रेडिट दे सके और उन बायर के वो 26 AS में शो हो जाए। तो TCS स्टेटमेंट, TCS रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा, जैसे TDS का जाता है ना सेम टू सेम TCS का भी जाएगा। TCS का कौन फाइल करेगा, सेलर फाइल करेगा। TDS का कौन फाइल करता है, पेयर फाइल करता है, क्योंकि पेयर काटता है। और TCS कलेक्ट कौन करता है, सेलर, तो सेलर फाइल करेगा। कब तक, क्वार्टरली जाएगा, जून का 15 जुलाई तक, सेप्टेंबर का 15 तक, अक्टूबर तक, दिसंबर का 15 मार्च तक और मार्च का 15 जुलाई तक। मार्च के लिए यहाँ पे एक महीना एक्स्ट्रा इन्होंने दे दिया, लेकिन जैसे TDS में डेट थी 31st, यहाँ है 15th, यहाँ है 15th रेट, 15th है डेट। आगे है TDS TCS स्टेटमेंट अगर आप डिले करते हो फाइल करने में तो 234E की आपको फीस लग जाएगी, 234E की आपको फीस लग जाएगी अगर आप TDS या TCS का स्टेटमेंट डिले फाइल करते हो तो। अभी फीस कितनी है, 200 पर डे आफ्टर ड्यू डेट टिल एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग, जैसे ड्यू डेट एंड हुई उसके बाद से स्टार्ट होगी और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग तक लगेगी। जैसे जून क्वार्टर का TDS रिटर्न आपको 31 जुलाई तक फर्निश करना पड़ता है, आपने मान लो 20 अगस्त को फर्निश किया तो 31 जुलाई ड्यू डेट है, 1 अगस्त से फीस लगेगी, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक 200 पर डे की फीस लगेगी। अब इसमें एक नोट दे रखा है, जो ये फीस है ना उस क्वार्टर की, जो आपका TDS रिटर्न है उस क्वार्टर की, जब TDS या TCS जो भी रिटर्न है उसमें जितना आपका TDS या TCS का अमाउंट आ रहा है, जितना आपका TDS का अमाउंट आ रहा है या जितना TCS का अमाउंट आ रहा है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो जून क्वार्टर का जो TDS रिटर्न है उसमें अमाउंट आ रहा है TDS का 3000 का और ये फीस बन रही है 4000, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3000 हो सकती है, बन रही है 4000, 200 पर डे के अकॉर्डिंग बन रही है 4000, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो रही है, कितनी हो सकती है ये फीस, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जिस क्वार्टर की जो रिटर्न है उस रिटर्न में जितना TDS का अमाउंट आ रहा है या TCS का अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम उतनी हो सकती। आगे बता रखा है ये जो फीस है ना तो ये पेनल्टी मानी जाती, ना ही ये इंटरेस्ट माना जाता, ना ही ये इनकम टैक्स माना जाता, ये नॉर्मल फीस होती है। इसका PGBP हेड में सेक्शन 37 में आपको डिडक्शन मिल जाता है, ये मैंने आपको पहले PGBP हेड में पढ़ाया था, तो PGBP हेड में आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, इस फीस को पेनल्टी वगैरह नहीं माना जाता। ये थी 234E की फीस, ये था आपका TCS जो कंप्लीट हो गया। अब अगला पॉइंट, TDS TCS के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जितने भी क्वेश्चन है मैंने सभी की स्क्रूटनी करके ये बनाया है। TDS TCS के देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो लिखता है एग्जामिन डिस्कस या कैलकुलेट। एग्जामिन डिस्कस में भी क्या लिखता है, वो एग्जामिन डिस्कस TDS लाइबिलिटी, एग्जामिन डिस्कस TDS इंप्लीकेशन, एग्जामिन डिस्कस TDS प्रोविजन, एग्जामिन डिस्कस TDS एप्लीकेबिलिटी, एग्जामिन डिस्कस TDS ऑब्लिगेशन, एग्जामिन डिस्कस वेदर TDS अट्रैक्ट और नोट, ये लिखता है। इन सबका एक ही मतलब है, इन सब में आपको TDS को कैलकुलेट करके नहीं दिखाना होता है, करके दिखाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिखाने की कोई नीड नहीं होती, इंस्टीट्यूट भी नहीं करता कैलकुलेट, बस आपको प्रोविजन लिखना होता है और कंक्लूजन देना होता है कि TDS कटेगा या नहीं कटेगा, बस इतना बताना होता है। अब यहाँ पे सीधा नहीं बताना होता कि TDS कटेगा नहीं कटेगा, आपको पहले प्रोविजन लिखना पड़ता है विद सेक्शन नंबर। देखो अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो अच्छी बात है, TDS के अगर आप सेक्शन नंबर याद कर सकते हो तो अच्छी बात होगी, गिचपिच भी नहीं होगी और सेक्शन वाइज आपको लिमिट और एग्जम्पशन लिमिट याद हो जाएगी, लिमिट एक तो रेट याद हो जाएगी और एग्जम्पशन लिमिट याद हो जाएगी। और अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो आपको लिखना पड़ता है एज पर प्रोविजंस, और याद कर लोगे तो एज पर सेक्शन 194C, एज पर सेक्शन 194J, ऐसे लिखना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले रेट तो हमेशा लिखनी है, एक तो एक लिमिट, और एक अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है एडिशनल पॉइंट में से कोई स्पेसिफिक पॉइंट पूछा है तो पॉइंट लिख देंगे, और उसके बाद डिस्कशन करके कंक्लूजन दे देंगे, पॉइंट्स में आंसर देंगे, पॉइंट्स में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर ऐसा करते हो तो। कैसे लिखना है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक बंदे ने 40,000 की प्रोफेशनल फीस पे करी, राम लिमिटेड ने 40,000 की प्रोफेशनल फीस पे करी, ये क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, एज पर सेक्शन 194J या एज पर प्रोविजंस, सेक्शन याद है तो एज पर सेक्शन 194J, नहीं है तो एज पर प्रोविजंस, TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 10% ऑन प्रोफेशनल फीस, ये हो गया रेट का काम। अब सेक्शन 194J का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि 194J पूरा उतार दो, पूरा नहीं उतारना, प्रोफेशनल फीस का था तो प्रोफेशनल फीस की डिटेल लिखनी है आपको, रेट भी सारी नहीं लिखनी कि टेक्निकल फीस की 2%, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स की 2%, ऐसा नहीं करना, पेमेंट टू कॉल सेंटर की 2%, जो क्वेश्चन पूछा उसी की रेट लिखनी है, तो TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 10%, ये रेट लिख दी। फिर लिमिट, हाउएवर नो TDS इज टू बी डिडक्टेड इफ प्रोफेशनल फीस फॉर ईयर इज 30,000 या इफ प्रोफेशनल फीस इज ₹30,000 इज अप टू ₹30,000, ये लिख दिया है, या ऐसा लिख सकते हो हाउएवर TDS इज टू बी डिडक्टेड ओनली इफ प्रोफेशनल फीस एक्सीड 30,000 इन ईयर, ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो, इस तरह से आपने दूसरा पॉइंट लिख दिया लिमिट वाला। ये हमेशा लिखनी पड़ेगी रेट लिमिट, तो हमेशा लिखनी पड़ेगी,
चाहे टी डी एस कटे चाहे ना कटे, ये लिखनी पड़ेगी। उसके बाद कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो लिख दो, नहीं है तो नहीं मत लिखो, कुछ भी नहीं है इस वाले में। 40,000 की प्रोफेशनल फीस दे करिए, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है तो कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन देना है, सिंस इन दिस केस प्रोफेशनल फीस इज 40,000 सो टी डी एस इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 10%। ये कंक्लूजन हो गया और ये आपका पूरा आंसर हो गया, पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट वाला मैं क्वेश्चन देता हूँ। मान लो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ने स्टॉक एक्सचेंज को ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेने के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज पे करें, एडिशनल पॉइंट लिया मैंने, 1,00,000 के ट्रांजेक्शन चार्ज पे करें। कहाँ था ये एडिशनल पॉइंट, कहाँ लिखवाया था मैंने, 194J में लिखवाया था। तो 194J की रेट लिखो कि एज पर सेक्शन 194J टी डी एस इज टू बी डिडक्टेड ऑन टेक्निकल फीस एट द रेट 2%। ट्रांजेक्शन चार्ज वाला जो पॉइंट था टेक्निकल फीस से रिलेटेड था तो लिख दिया लाइन। However, no TDS is to be deducted if technical fees is up to ₹30,000। ये लिमिट वाला लिख दिया मैंने, रेट लिख दिया, लिमिट लिख दिया। उसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट लिखेंगे, However, if payment made by stock exchange members to stock exchange for availing online trading facility is not treated as technical fees, इसे technical fees नहीं माना जाता। So, conclusion दे देंगे, So, in this case, even if payment is more than 30,000, payment है 1,00,000 का, even if payment is more than 30,000, no TDS is required to be deducted, no TDS is required to be deducted। ऐसा करोगे आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे के पूरे मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। TDS के केस में क्या होता है, अपन लिमिट वगैरह याद कर लेते हैं, रेट वगैरह याद कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं कर पाते और मार्क्स कट जाते हैं। और प्रेजेंटेशन आपको ये पैराग्राफ में नहीं करनी, पॉइंट्स में करनी है। एक पॉइंट हो गया रेट का, एक हो गया लिमिट का, एक हो गया स्पेसिफिक पॉइंट का, और एक हो गया कंक्लूजन का। और हर पॉइंट के बीच में एक एक लाइन का गैप देना, एक एक लाइन का आपका देना गैप देना हर पॉइंट के बीच। ऐसे करोगे गारंटी से मैं बोल रहा हूँ आपको एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ये है प्रेजेंटेशन, ये हो गया एग्जामिन और डिस्कस वाले क्वेश्चन, इसमें आपको TDS कैलकुलेट करके नहीं दिखाना। अब आते हैं अपन दूसरा, कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन TDS, कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन TDS लायबिलिटी, कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन अमाउंट पेएबल टू पे या सेलर। तीन चीज़ें पूछा है, कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन TDS या कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन TDS लायबिलिटी या कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन अमाउंट पेएबल टू पे या अमाउंट पेएबल टू सेलर, कि TDS काटने के बाद पे को कितना अमाउंट पे करना है तो TDS निकालना पड़ेगा, या TCS के साथ, TCS के साथ सेलर को कितना अमाउंट पे करना है, या सेलर कितना अमाउंट कलेक्ट करेगा TCS के साथ तो भी आपको TCS निकालना पड़ेगा। तो इन तीन केस में आपको TCS या TDS निकालना पड़ जाएगा। कैसे करना पड़ेगा, सीधा नहीं निकालना आपको, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रोविजन विद सेक्शन नंबर, सेम टू सेम वही, रेट लिमिट स्पेसिफिक पॉइंट। एक तो रेट वाला पॉइंट बन जाएगा, लिमिट वाला, जैसे अपन ने प्रोफेशनल फीस वाला एग्जांपल लिया, 40,000 की प्रोफेशनल फीस पे करी राम लिमिटेड ने, तो सेम वही लिखेंगे, एज पर सेक्शन 194J TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 10%। फिर लिमिट लिख देंगे वो 30,000 वाली लिमिट, फिर स्पेसिफिक पॉइंट कुछ है नहीं। फिर इस केस में क्या करेंगे, अगर कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन ये वर्ड है, कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन ये वर्ड है, तो अपन अगर TDS लग रहा है तो कैलकुलेट भी कर देंगे। एक पॉइंट और बनाएंगे, TDS लग रहा है तो 40,000 की प्रोफेशनल फीस है, 10% की रेट है TDS की, 4,000 का TDS कैलकुलेट भी कर देंगे, एक चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे बस, बाकी सेम वही होगा जो अपने एग्जाम में डिस्कस में किया। बस अगर TDS लग रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है तो कैलकुलेट भी कर देंगे, एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा तो कैलकुलेट करोगे का? मान लो प्रोफेशनल फीस 20,000 की होती तो कैलकुलेट करके दिखाते थे क्या? नहीं दिखाते। जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, एप्लीकेबल ही नहीं है तो बस कंक्लूजन दे देंगे, नो TDS इज टू बी डिडक्टेड। लेकिन एप्लीकेबल हो रहा है तो अपन को कैलकुलेट भी करके दिखाना है, एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा बस कैलकुलेट वाला, बस ये हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ये था कैलकुलेट कंप्यूटर डिटरमाइन वाला, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन करोगे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। आप कोई पूछ रहा है ये बताओ अमाउंट पेबल टू पे कितनी होगी, तो मान लो 40,000 की प्रोफेशनल फीस थी, 4,000 का TDS कटेगा, ये निकाल दिया आपने, 36,000 का अमाउंट पेबल आ जाएगा। पे को कितना देना है, पेयर को TDS काट के कितना देना है, 36,000। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो ये पूछता है तो आपको एक तो TDS निकालना पड़ता है 4,000 का, एक ये निकालना पड़ता है। कभी कभी ये पूछ लेता है, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, ये पूछता है तो उसमें भी कैलकुलेट करना पड़ जाता है, इफ एप्लीकेबल है तो कैलकुलेट करना पड़ जाता है। ये था आपका टाइप्स ऑफ TDS TCS क्वेश्चंस, मैंने बता दिया इस अकॉर्डिंग करना, आप एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। अगर 10 मार्क्स के TDS के क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, जितने भी आते हैं क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। TDS क्या होता है, कभी कभी 15 नंबर तक भी आ जाता है, 15 मार्क्स तक भी आ जाता है कभी कभी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 10 तो आप मान लो मिनिमम आता है, MCQ वगैरह भी पूछ लेते हैं इसमें से, सब चीज़ आती है इसमें से, 10 तो मिनिमम आता है और 15 मार्क्स तक भी चला जाता है। अब आ जाओ आप एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स और देख लेते हैं इस चैप्टर का एक और टॉपिक, एडवांस टैक्स ज़्यादा काम का नहीं है, 8-10 साल में एक बार पूछा जाता है एडवांस टैक्स, पढ़ लो एक बार, सिंपल सा है, क्या है एडवांस टैक्स। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, पेयर का TDS कटवा ली, पेयर से आपका TDS कटवा लिया। एक कंपनी है मान लो ए लिमिटेड के पेयर से उसका TDS कटवा लिया, ए लिमिटेड के सेलर से उसका TCS कलेक्ट करवा लिया, TDS कटवा लिया, TCS कलेक्ट करवा लिया। गवर्नमेंट को अभी भी चैन नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है
कि हमने जो TDS TCS कटवाया कलेक्ट करवाया है वो तो काफ़ी कम रेट से करवाया है, जबकि आपके ऊपर रेट तो 25-30% ये रेट लगती है, टैक्स रेट तो ज़्यादा होती है। तो आप क्या करो, आप ऐसा करो, आप प्रीवियस ईयर के अंदर अपनी इनकम को एस्टिमेट करो कि प्रीवियस ईयर में करंट ईयर में आप कितना इनकम कमाओगे, एस्टिमेट करो, एस्टिमेटेड इनकम पे एस्टिमेटेड टैक्स निकालो कि हाँ इतना आपका टैक्स बनता है वो निकालो, और जो टैक्स बनता है वो आप खुद से जमा करवा दो। प्रीवियस ईयर के अंदर आप एस्टिमेट करके अपनी एस्टिमेटेड इनकम पे प्रीवियस ईयर के अंदर खुद से जो टैक्स जमा करवाते हो वो होता है एडवांस टैक्स। तो एलिमिटेड को गवर्नमेंट ने बोला कि आप खुद से अपनी इनकम निकालो एस्टिमेट करके, उस पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालो, और जो एस्टिमेटेड टैक्स बनता है आप खुद से ही जमा करवा दो, प्रीवियस ईयर के अंदर जमा करवा दो, प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर जमा करवा दो, वो होता है एडवांस टैक्स। वैसे तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब जमा देना पड़ता है आपको, असेसमेंट ईयर में, लेकिन वो एक बात क्या है, छलावा है, आपका TDS काट लिया जाता है, TCS आपका कलेक्ट कर लिया जाता है, इसके अलावा आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, वो बात फालतू है, इस कारण फालतू है वो बात। अब एडवांस टैक्स में कैसे होता है, ए लिमिटेड क्या करेगी, सबसे पहले अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालेगी कि इतना इनकम वो कमाएगी, मान लो उसने एस्टिमेट किया 10 लाख कमाएगी, 10 लाख पे वो टैक्स निकाल देगी कि हाँ इतना टैक्स उसका बनेगा, इतना टैक्स बनेगा, उसने टैक्स निकाल दिया। इसके बाद वो एक चीज़ और एस्टिमेट करेगी कि उसका कितना TDS कटेगा, पेयर उसका कितना TDS काटेगा, कितना TCS उसका कलेक्ट होगा। अगर वो कोई रिलीफ क्लेम करती है, रिलीफ कौन सी, सेक्शन 1991 वाली, 1991 वाली कौन सी आती है, एक चैप्टर आएगा ना डबल टैक्स रिलीफ, वो क्लेम करेगी करंट ईयर में, वो भी निकालेगी। इसके अलावा अगर उसका कोई क्रेडिट वो करंट ईयर में सेट ऑफ करेगी, मैट क्रेडिट, AMD क्रेडिट, अदर SSC, मैट क्रेडिट कंपनी वाला, तो वो कोई सेट ऑफ करेगी, वो देखेगी, तो एक और एस्टिमेट करेगी कि उसका कितना TDS कटेगा, कितना TCS कलेक्ट होगा, वो लेस कर देगी, वो लेस कर देगी। ये आ जाएगा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, इतना एडवांस टैक्स वो खुद से जमा करवा देगी प्रीवियस ईयर के अंदर। अब प्रीवियस ईयर के अंदर वो जमा करवाएगी, कैसे जमा करवाएगी, 4 इंस्टॉलमेंट एक साथ जमा नहीं करवाना, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, कैसे जमा करवाना है, 15 जून तक अप टू 15% जो भी आया उसका अप टू 15%, 15 सितंबर तक अप टू 45%, 15 दिसंबर तक अप टू 75%, और 15 मार्च तक पूरा का पूरा 100%। और ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, टोटल मत कर देना, टोटल तो ये 235% हो गया, ये क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। 15 जून तक 15% जमा करवाना है, 15 सितंबर तक 45% जमा हो जाना चाहिए, 15 दिसंबर तक 75% जमा हो जाना चाहिए, और 15 मार्च तक पूरा 100% जमा हो जाना चाहिए। अब इसमें बता रखा है अगर एडवांस टैक्स जो आपके लाइबिलिटी आ रही है वो 10,000 से कम आ रही है, एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाना, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा। आगे बता रखा है कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसकी PGB भी हेड की इनकम नहीं है, कितने भी आ रही हो एडवांस टैक्स, PGB हेड की इनकम नहीं है, उसके मान लो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 10 लाख की, कुछ नहीं जमा करवाना, कौन है, बूढ़ा है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसको एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाना अगर उसकी PGBP की इनकम नहीं है तो। अब आगे बता रखा है अगर SSC 44AD 44ADA प्रेजेंटली टैक्स फॉलो करता है, वो 6-8% वाला या तो 50% वाला वो फॉलो करता है, तो उसको एडवांस टैक्स ओनली एक इंस्टॉलमेंट में जमा करवाना है 15 मार्च तक, पूरा का पूरा एक इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक उसको 100% जमा करवाना है, उसके ऊपर बस ये लगेगा 15 मार्च तक उसको 100% जमा करवाना है, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं करवाना उसको, ओनली 15 मार्च तक एक इंस्टॉलमेंट में जमा करवाना। आगे बता रखा है अगर आप प्रीवियस ईयर के अंदर 31 मार्च तक जो भी पेमेंट करोगे टैक्स का, जो भी पेमेंट करोगे उसको क्या मानेंगे, एडवांस टैक्स ही मानेंगे। प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आप 31 मार्च तक भी पेमेंट करते हो, मतलब 15 मार्च के बाद भी करते हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। हाँ, आप 31 मार्च के बाद पेमेंट करते हो, मान लो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल में पेमेंट करते हो असेसमेंट ईयर के, तो फिर वो बन जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ROI की ड्यू डेट को पेमेंट करते हो, ROI फाइल करते हो पेमेंट करते हो, क्या बनता है वो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो बन जाते हैं सब सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो प्रीवियस ईयर के अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो टैक्स पे करते हो वो बनता है एडवांस टैक्स, खुद से जो टैक्स पे कर देते हो वो होता है एडवांस टैक्स। पेयर तो आपका कोई और काट, TDS तो आपका पेयर काट लेता है, TCS सेलर कलेक्ट कर लेता है, वो तो अलग चीज़ होगी। एडवांस टैक्स क्या है, आप खुद से जमा कर देते हो खुद का टैक्स, आप खुद से खुद का टैक्स जमा कर देते हो, ये होता है एडवांस टैक्स। अब इसमें बता रखा है एडवांस टैक्स अगर आपने टाइम पे जमा नहीं किया या कम जमा किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह लगते हैं, 234A, B और C। देखो इनकम आप निकालते हो, एस्टिमेट करके निकालते हो, अब एस्टिमेट करके आप एडवांस टैक्स निकालते हो और एडवांस टैक्स जमा करवा देते हो। अब एस्टिमेट करने में गलती भी हो सकती है, आपने एस्टिमेट किया 10 लाख और इनकम आ गई आपकी 15 लाख एक्चुअल इनकम, और 10 लाख के अकॉर्डिंग आपने एडवांस टैक्स जमा करवाया था, जबकि जमा करवाना था आपको 15 लाख के अकॉर्डिंग, तो एडवांस टैक्स आपने कम जमा करवाया, आपके ऊपर लग जाएंगे इंटरेस्ट। उल्टा भी हो सकता है, आपने एस्टिमेट किया मान लो 20 लाख, इनकम आ गई आपकी 10 लाख, मान लो एस्टिमेट ज़्यादा कर दिया था, इनकम कम आ गई, ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा एडवांस टैक्स जमा करवा दिया, ज़्यादा एडवांस टैक्स जमा करवा दिया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे आपको रिफंड मिल जाएगा, बाद में रिफंड मिल जाएगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा जमा करवाया उसका रिफंड वगैरह मिल जाएगा। तो कम ज़्यादा जमा हो सकता है एडवांस टैक्स, क्योंकि अपन इनकम एस्टिमेट करके निकालते हैं, एकदम एक्यूरेट एस्टिमेट तो कभी हो भी नहीं सकता। तो ज़्यादा जमा हो गया तो रिफंड मिल जाएगा, कम जमा हुआ तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स तो जमा कराना ही पड़ेगा जितना कम जमा हुआ, बाकी इंटरेस्ट भी लगेगा आपके 234A, B और C का। 234A ये इंटरेस्ट कब लगता है, अगर आप ROI लेट फाइल करते हो तो लगता है। 234A का कब लगता है, अगर आप ROI लेट फाइल करते हो और अगर आपका टैक्स बकाया है, दो कंडीशन, एक तो आपका टैक्स बकाया है और आप ROI लेट फाइल करते हो, मतलब ड्यू डेट ऑफ ROI तक अगर आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते, आपका टैक्स बनता था 10 लाख का और आपने 8 लाख पे कर रखा है, 2 लाख बकाया है,
और ड्यू डेट आरओआई तक पेमेंट नहीं करते, और उसके बाद आप आरओआई लेट फाइल कर रहे हो, तो जितना टैक्स आपका बकाया है, जितना टैक्स आपका ड्यू है, उस पर लगता है। आरओआई फाइल करने की ड्यू डेट है मान लो 31 अक्टूबर, आप 10 दिसंबर को आरओआई फाइल कर रहे हो तो लग जाएगा, और आपका टैक्स बकाया होना चाहिए। मान लो आपने ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक टैक्स जमा करवा दिया पूरा, अब आप आरओआई लेट फाइल कर रहे हो तो लगेगा तो नहीं लगेगा? तो अमाउंट क्या लोगे जब आपने टैक्स जमा ही करवा दिया तो क्यों लगेगा तो नहीं लगेगा? अगर आपका टैक्स बकाया है, ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक आपने टैक्स जमा नहीं करवाया, तो ये इंटरेस्ट लगता है, और आप आरओआई भी लेट फाइल कर रहे हो। मान लो आपने आरओआई टाइम पे फाइल कर दी लेकिन आपका टैक्स बकाया है तो लगेगा क्या? तो भी नहीं लगेगा। तो 234A का इंटरेस्ट कब लगता है? दो कंडीशन, आप आरओआई लेट फाइल कर रहे हो और आपका टैक्स बकाया है। आरओआई लेट फाइल कर रहे हो और आपका टैक्स बकाया है, तो जितना टैक्स बकाया, जितना टैक्स ड्यू है, उस पर लगेगा 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से लगेगा। पीरियड क्या लोगे? ड्यू डेट के बाद से नेक्स्ट डेट से स्टार्ट कर देंगे। और कब तक लगेगा? टिल डेट ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई। ड्यू डेट थी मान लो 31 अक्टूबर, तो 1 नवंबर से लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपने आरओआई फाइल करी मान लो 10 दिसंबर, तो 1 नवंबर to 10 दिसंबर इंटरेस्ट लगेगा। कैसे? वही 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा 234A। इसके बाद 234B, इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपका आपने क्या किया? एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया। आपने इनकम एस्टिमेट की थी 10 लाख, 10 लाख के अकॉर्डिंग मान लो 3 लाख का टैक्स आ रहा था एडवांस टैक्स, 3 लाख जमा करवाया आपने, आपकी इनकम आ गई 15 लाख, 15 लाख के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स बनता है मान लो 4 लाख, तो 1 लाख का आपने एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया। तो जितना एडवांस टैक्स का आपका शॉर्ट पेमेंट किया या जितना टैक्स आपका बकाया है, उस पे लगेगा 234B। जितना टैक्स आपका बकाया है, किस रेट से? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से। कब से स्टार्ट हो जाएगा ये? फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। जैसे ही 1 अप्रैल आएगा, जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगेगा टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे उस दिन तक लगेगा, उस दिन तक लगेगा। इसके बाद आगे बता रखा है 234B में गवर्नमेंट ने आपको एक छूट दे दी, एक आपके ऊपर रहम कर दिया। अगर आप एडवांस टैक्स 90% तक पे कर देते हो, जितना आपका एक्चुअल में एडवांस टैक्स बनता था उसका 90% भी पे कर देते हो, मतलब 10% का आपको टॉलरेंस पेमेंट दे दिया, 90% भी पे कर देते हो, तो 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 90% से कम करते हो तो फिर तो लग जाएगा, 90% तक कर देते हो तो नहीं लगेगा। आगे इसमें एक बात और बता रखी है, देखो आपने टोटल इनकम एज पर आरओआई ली थी 234A और 234B में, आपने टैक्स बकाया निकालने के लिए, टैक्स ड्यू निकालने के लिए टोटल टैक्स निकाला था। टोटल टैक्स एज पर आरओआई जो आपकी टोटल इनकम आ रही थी उसे निकाल दिया था, और जितना टैक्स जमा करवा दिया वो लेस कर दिया था, और टैक्स बकाया आ गया था आपका 4 लाख का टैक्स बन रहा था एज पर आरओआई वाली इनकम पे, और 3 लाख आपने मान लो जमा करवा दिया, 1 लाख का आपका ड्यू आ गया था, उस अकॉर्डिंग 234A और B का इंटरेस्ट निकाल दिया था। लेकिन मान लो आपकी टोटल इनकम आगे जाके चेंज हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है? या तो 143(1) की प्रोसेसिंग में, अपन देखेंगे एक चैप्टर आएगा अपना असेसमेंट प्रोसीजर, उसमें अपन देखेंगे कि एक प्रोसेसिंग होती है 143(1), जहां कुछ एरिथमेटिकल एरर्स वगैरह ठीक कर दिए जाते हैं रिटर्न में, या तो वहां चेंज हो जाती है। वहां इनकम आपकी मान लो आपने की एज पर आरओआई इनकम थी 15 लाख, यहां हो गई आपकी इनकम 16 लाख मान लो, या तो यहां चेंज हो गई, या मान लो आपका केस असेसमेंट में AO के पास चला गया, 143(3) मान लो असेसमेंट में चला गया AO के पास, और AO ने आपकी इनकम 20 लाख कर दी, AO ने इनकम आपकी बढ़ा दी चेकिंग में, तो आपकी इनकम चेंज हो गई। तो 234A और B का जो इंटरेस्ट लगाओगे, उसके लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सी इनकम लोगे? आरओआई वाली इनकम लोगे, 143(1) वाली लोगे, या 143(3) वाली लोगे? तो ये बोलता है आप कौन सी लेनी है। अगर 143(1) वाला केस है तो 16 लाख लेनी है, और असेसमेंट वाला केस है तो 20 लाख लेनी है। जो भी केस उस अकॉर्डिंग ये वाली इनकम लेंगे, चेंज इनकम लेंगे। जो भी इनकम आपकी बढ़ गई या कम हो गई, कम भी हो सकती है इसमें, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगी, कम भी हो सकती है, बढ़ गई या कम हो गई जो भी हुई उस अकॉर्डिंग इनकम लेंगे। मान लो 143(1) में आपकी इनकम 15 लाख, आपने रिटर्न भरी थी, वो इनकम 12 लाख हो गई, तो 12 लाख पे इंटरेस्ट लेंगे 234A और B का निकालने के लिए। ये था दूसरा पॉइंट कि अगर टोटल इनकम में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो जो आप टैक्स निकालोगे, जो चेंज इनकम हुई है उस चेंज वाली इनकम में निकालोगे 234A और 234B का इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब आ जाओ 234C। अगर आपने एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ता है, उसमें आपने डेफर कर दिया इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट को डेफर कर दिया, तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th इंस्टॉलमेंट का। कैसे देना पड़ जाएगा? 1st इंस्टॉलमेंट तक आपको जमा करवाना था 15%, आपने कम जमा करवाया मान लो। 2nd तक जमा करवाना था आपको 45, आपने 45 से कम जमा करवाया। 3rd में आपको करवाना था 75 तक, और 4th तक आपको 100% जमा करवाना था, आपने इससे कम जमा करवाया तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। 1st इंस्टॉलमेंट में कितना? 3%, 2nd में भी 3, 3rd में भी 3, और 4th में 1, ये फिक्स है 3, 3, 3, 1। ये भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ है। देखो यहाँ पे 3 मंथ होंगे, चेक कर लेना, यहाँ भी 3 मंथ होंगे, यहाँ भी 3 मंथ होंगे, और यहाँ 1 मंथ होगा प्रीवियस ईयर के अंदर, यहाँ भी 1 मंथ होगा प्रीवियस ईयर के खत्म तक। तो इस अकॉर्डिंग 3, 3, 3, 1 ये फिक्स रेट है, ये याद रख लेना, 3, 3, 3, 1 की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अब इसमें भी कुछ नोट दे रखा है, वो नोट और देख लेते हैं क्या नोट दे रखे हैं। 1st और 2nd इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट ने यहाँ भी आपको रहम कर दिया। रहम क्या कर दिया? गवर्नमेंट बोलती है देखो 1st और 2nd इंस्टॉलमेंट में एस्टिमेट करने में दिक्कत आ सकती है, तो गवर्नमेंट बोली अगर आपने 1st इंस्टॉलमेंट में 12% भी पे कर दिया, 15 की जगह आपने खाली 12% भी पे कर दिया, तो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा फर्स्ट वाले का। और 2nd इंस्टॉलमेंट अगर आपने 45 की जगह 36% भी पे कर दिया, कितना?
36% भी पे कर दिया तो कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का। फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में रह मिलेगी, थर्ड और फोर्थ का तो लगेगा, थर्ड और फोर्थ का लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का नहीं लगेगा अगर आप 12 और 36 पे कर देते हो तो। आगे बता रखा है अगर SSC 44AD फॉलो करता है तो 234C का जो इंटरेस्ट है वो ओनली एक इंस्टॉलमेंट का लगेगा, क्योंकि 44AD में ओनली एक इंस्टॉलमेंट में SSC को एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है 15 मार्च तक पूरा का पूरा 100%। तो ओनली ये वाली जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 1% वाली जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है खाली इसी का इंटरेस्ट लगेगा अगर SSC क्या फॉलो करता है 44AD या 44ADA फॉलो करता है तो। आगे बता रहा है 234C का इंटरेस्ट कुछ इनकम पे नहीं लगेगा, कुछ इनकम को एस्टिमेट ठीक से नहीं किया जा सकता, इन इनकम पे कभी भी 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कौन कौन सी? कैपिटल गेन की इनकम, कैजुअल इनकम, फर्स्ट टाइम अगर PGBP की इनकम हो रही है आपको या तो, या टीम डिविडेंड इनकम है, कौन सी? 222ABCD वाली, ई वाली नहीं बोल रहा मैं, एक ई वाली भी होती है एडवांस और लोन बाई क्लोजली हेड कंपनी, उसको छोड़ के कौन कौन सी इनकम? कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, फर्स्ट टाइम PGBP हेड की इनकम और डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कौन सी? 222ABCD वाली, डीम डिविडेंड वाली, वो भी कौन सी? ABCD वाली, ये फालतू होती है वैसे भी। इन चार इनकम को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, इन इनकम पे 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आगे बता रहा है 234F की फीस, अगर आप ROI लेट फाइल करते हो, आपको ROI फाइल करना कंपलसरी था, आपको ROI फाइल करना कंपलसरी था और उसके बाद भी आप ROI लेट फाइल करते हो, आपको 5,000 रुपये की फीस और देनी पड़ जाएगी। ROI फाइल करना कंपलसरी था और आप ROI लेट फाइल करते हो, मान लो किसी बंदे की इनकम कम थी उसको ROI फाइल करना कंपलसरी था ही नहीं, तो उस पर लगेगी क्या फीस? उस पर नहीं लगेगी, अगर वो लेट फाइल करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ROI फाइल करना कंपलसरी था और आप ROI लेट फाइल करते हो, आपको 5,000 रुपये की फीस देनी पड़ जाएगी। आगे बता रखा है अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख तक है तो फीस कितनी होगी? 1,000 होगी, फिर फीस 5,000 नहीं होगी। अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख आ रही है और वो ROI लेट फाइल करता है, 5 लाख आ रही है और वो ROI क्या करता है? लेट फाइल करता है और उसको ROI फाइल करना कंपलसरी था, तो फीस कितनी होगी? 1,000 रुपीज़ की फीस लग जाएगी, 234F की फीस लग जाएगी। अब आप आगे आ जाओ अदर मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था, एग्जिट टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ता है 14 डेज में, नहीं करते तो क्या होगा पता चलेगा आपको। ऐसे आपको बाईबैक का टैक्स होता है 14 डेज में पेमेंट करना पड़ता है, वो अलग टाइप के टैक्स होते हैं। इसके अलावा TDS काट के आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, इसके अलावा आपको अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है तो एडवांस टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाते तो आपको रिटर्न फाइल करते टाइम सेल्फ असेसमेंट करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर मान लो आपका केस स्क्रूटनी में चला गया और AO ने आपकी इनकम बढ़ा दी तो आपका एक्स्ट्रा टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो मान लो आपका एग्जिट टैक्स वगैरह बन रहा है आप पे नहीं कर रहे, आपका बाईबैक का टैक्स बन रहा है वो आप 14 डेज में पे नहीं करते, या TDS काट के खुद के पास रख लेते हो, या आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते, या आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं करते, या आपका केस स्क्रूटनी में चला गया AO ने इनकम बढ़ा दी और एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है वो आप पे नहीं करते, तो ऐसे केस में AO क्या करता है? आपको डिमांड नोटिस भेजता है 156 का। वो टैक्स कैसे मांगता है आपको? एक बार डिमांड नोटिस भेजता है 156 का और डिमांड नोटिस में बताता है कि आपका इतना टैक्स बकाया है और ये टैक्स आप 30 डेज के अंदर पे कर दो, 30 डेज के अंदर पे कर दो, 30 डेज के अंदर पे करते तो ठीक है, नहीं करते तो वो आपको बना देगा असेसी इन डिफॉल्ट, वो बना देगा असेसी इन डिफॉल्ट। आपने देखा था बाईबैक में आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाते हो, एग्जिट टैक्स बन जाते हो, सब जगह बन जाते हो, तो इसके बाद बनते हो आप। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बनते हो? एक बार AO क्या करता है, जो भी टैक्स बकाया है अगर आप पे नहीं कर रहे तो एक बार वो आपको डिमांड नोटिस भेजता है, डिमांड नोटिस 156 का, और 30 डेज में बोलता है कि इस नोटिस के 30 डेज में पे कर दो, 30 डेज में पे कर दो, 30 डेज में नहीं करते तो वो बना देगा आपको असेसी इन डिफॉल्ट, और असेसी इन डिफॉल्ट बना देगा तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, जितना आपका टैक्स बकाया है उतनी अमाउंट की आपको पेनल्टी हो चुकेगी। मान लो आपका 5 लाख का टैक्स बकाया है, आपको 5 लाख पेनल्टी और देनी पड़ जाएगी, 221 की पेनल्टी लग जाएगी आपको, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उतने अमाउंट की पेनल्टी और देनी पड़ेगी। मान लो आपको 2 करोड़ का टैक्स बकाया है, 2 करोड़ टैक्स तो देना ही पड़ेगा, 2 करोड़ की पेनल्टी और देनी पड़ जाएगी। ये होता है डिमांड नोटिस, तो AO इस तरह से रिकवरी करेगा। लेकिन मान लो आप बिल्कुल नालायक हो, या वो पर्सन क्या है बिल्कुल नालायक है, SSC क्या है बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल निकम्मा है, उसने टैक्स जमा नहीं करवाया, AO ने उसको डिमांड नोटिस भी भेज दिया, 30 डेज में भी टैक्स जमा नहीं करवाया, AO ने उसके ऊपर पेनल्टी भी ठोक दी, जितना टैक्स बकाया था उतनी पेनल्टी भी ठोक दी, उसके बाद ना तो वो टैक्स जमा करवा रहा ना पेनल्टी जमा करवा रहा, कुछ नहीं कर रहा वो। अब आएगा TRO, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। अब आएगा रिकवरी करने, कौन? टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स रिकवरी ऑफिसर कौन होता है? ये डिपार्टमेंट का बंदा होता है, एक होते हैं एग्जाम SSC वगैरह के एग्जाम होते हैं उसका पास करके बनता है, ये थोड़ा हट्टा कट्टा होता है, ये SSC के पास जाके उसको ठोकता नहीं है, कभी आप सोचो कि उसको ठोकेगा, उसको ठोकता नहीं है, ये SSC के पास जाता है, SSC की जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल सभी प्रॉपर्टी को अटैच करता है और सेल करने लग जाता है और टैक्स की रिकवरी करता है। तो मान लो एक SSC है निकम्मा नालायक SSC सोहन लाल, इसको AO ने डिमांड नोटिस भेज दिया, ये फिर भी टैक्स जमा नहीं करवा रहा, पेनल्टी ठोक दी फिर भी टैक्स जमा नहीं करवा रहा, TRO जाएगा इसके पास, इसकी सारी प्रॉपर्टी चाहे लैंड है चाहे बिल्डिंग है चाहे शेयर्स है सिक्योरिटी सबको अटैच करेगा। मान लो सोहन लाल के कोई डेटर है, ये टैक्स TRO क्या करेगा? डेटर को बोल देगा कि सोहन लाल चोर है, ये हमारा पैसा खा के बैठा है, इसको पैसे मत देना। सोहन लाल के डेटर को क्या बोलेगा? इसको पैसे मत देना, वो पैसे हमको देना, ऐसा और बोल देगा। तो डेटर वगैरह सबको अटैच कर देगा और सबको क्या करने लग जाएगा? सेल करने लग जाएगा और टैक्स की रिकवरी करेगा, टैक्स और पेनल्टी की रिकवरी करेगा।
अब मान लो सोहनलाल ने अपनी कोई प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए सोहनलाल ने क्या किया, दिमाग लगाया और अपनी प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम कर दी, अपने माइनर चाइल्ड के नाम कर दी, अपनी सन्स वाइफ के नाम कर दी, अपने सन्स माइनर चाइल्ड के नाम कर दी, बिना कंसिडरेशन के, इन एडुकेट कंसिडरेशन के उनको ट्रांसफर कर दी। सोहनलाल ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के या इन एडुकेट कंसिडरेशन के स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, सन्स वाइफ को, सन्स माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी। तो टीआरओ इन प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकता है, जो इसने ट्रांसफर करी है, इनको, किनको, स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, सन्स वाइफ को, सन्स माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करी है, इसको भी टीआरओ क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, अटैच कर सकता है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है, वो माइनर चाइल्ड जो है ना आगे जाके मान लो मेजर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, देखो 18 साल का हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या बोला आपको, अगर सोहनलाल अपनी प्रॉपर्टी स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, सन्स वाइफ को या सन्स माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है तो उसको अटैच कर सकता है टीआरओ। मान लो सोहनलाल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी मेजर को, मेजर चाइल्ड को, मेजर चाइल्ड को, तो इसको अटैच कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। लेकिन मान लो सोहनलाल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी माइनर चाइल्ड को, सोहनलाल ने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करी थी, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करी थी, तो टीआरओ इसको तो अटैच कर सकता है। लेकिन मान लो ये माइनर चाइल्ड आगे जाके मेजर हो जाता है, ट्रांसफर करने के बाद ये मेजर हो जाता है बाद में, तो भी ये एसएससी की प्रॉपर्टी माना जाएगा, तो भी ये सोहनलाल की प्रॉपर्टी माना जाएगा और सोहनलाल इसको अटैच कर सकता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अगर टीआरओ जो रिकवरी कर रहा है ना, टीआरओ जो टैक्स की रिकवरी कर रहा है वो उस ईयर की है जिस ईयर में वो माइनर था, तो अटैच कर सकता है इस प्रॉपर्टी को, तो इस प्रॉपर्टी को माइनर चाइल्ड को जो ट्रांसफर हुई थी वो अटैच कर सकता है। लेकिन टीआरओ जिस ईयर की टैक्स की रिकवरी कर रहा है उस ईयर में मान लो ये माइनर चाइल्ड मेजर हो गया, ये माइनर चाइल्ड क्या हो गया, मेजर हो गया, तो उसको अटैच नहीं कर सकता। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया और इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, वो देख लो एक बार, एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। सोहनलाल है, इसने क्या किया था, एक प्रॉपर्टी थी 2014 में ट्रांसफर कर दी थी बिना कंसिडरेशन के अपने माइनर चाइल्ड रमेश को जो 15 साल का था। अब रमेश देखो आगे जाके 2017 में क्या हो गया, मेजर हो गया, 18 साल का हो गया। अब देखो टीआरओ इस रमेश को जो ट्रांसफर करी थी, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करी थी, इस प्रॉपर्टी को तो अटैच कर सकता है। लेकिन मान लो टीआरओ जो रिकवरी कर रहा है करंट ईयर में कर रहा है, करंट ईयर जो अपना चल रहा है करंट ईयर में रिकवरी कर रहा है, करंट ईयर में तो मेजर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरओ जो रिकवरी कर रहा है मान लो 2015 की कर रहा है, 2015 के टैक्स की कर रहा है टीआरओ, करंट ईयर में रिकवरी कर रहा है, कौन सा टैक्स की कर रहा है, 2015 का टैक्स बकाया था सोहनलाल का, 2015 का उसके टैक्स की रिकवरी कर रहा है। अब देखो 2015 में रमेश क्या था, माइनर ही था, 2017 में हुआ था मेजर, तो ये 15 में माइनर था। तो अगर जिस ईयर के टैक्स की टीआरओ रिकवरी कर रहा है उस ईयर में वो माइनर ही था, तो टीआरओ उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है जो माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर होती है। लेकिन मान लो टीआरओ जो रिकवरी कर रहा है वो 2019 की कर रहा है, 2019 के टैक्स की कर रहा है। आप देखो 2017 में रमेश मेजर हो गया था, तो 19 में भी क्या था, मेजर था। तो टीआरओ अगर उस ईयर के टैक्स की रिकवरी कर रहा है जिस ईयर में वो मेजर था, जिस ईयर में वो चाइल्ड मेजर हो गया था, तो फिर उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता, फिर प्रॉपर्टी को टीआरओ अटैच नहीं कर सकता। ये था खतरनाक केस, खतरनाक पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। इसका एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन भी है, एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है इस पॉइंट का। वैसे काफ़ी कम आता है, 15-20 साल में पूछ लेते हैं गलती से, तो ये मैं भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, रिफंड्स आधा और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो आज तक नहीं आया आगे भी आने के कोई चांस नहीं है। रिफंड्स क्या है, एसएससी ने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, एसएससी का टैक्स बनता था 50,000 का, लेकिन एसएससी ने एडवांस टैक्स के नाम पे एसएससी का टीडीएस जो कटा या एसएससी का टीसीएस जो कलेक्ट हुआ ज़्यादा हो गया, 60,000 हो गया। मान लो टैक्स बनता था 50,000 और हो गया 60,000, तो 10,000 का क्या मिल जाएगा, एसएससी को रिफंड मिल जाएगा, इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। और देखो इनकम टैक्स का रिफंड किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, मैंने आपको बताया था। हाँ, इनकम टैक्स के रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी अदर सोर्स की इनकम में मिल जाती है। अब एसएससी को रिफंड पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी देंगे, इनकम टैक्स वाले दयावान है काफ़ी, ये आपको इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन इंटरेस्ट काफ़ी कम रेट से देंगे, यहाँ पे 0.1% पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ की रेट से। देखो ये कितने चालाक लोग हैं, चालाक भी हैं, जब खुद लेते हैं इंटरेस्ट तो 1% रेट लगाते हैं, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ, और जब देते हैं कितना देते हैं आपको, 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ की रेट से आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे। तो इंटरेस्ट कौन से पीरियड से कब तक देंगे ये बता रखा है, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है। देखो अगर आपको रिफंड क्लेम करना है और रिफंड पर इंटरेस्ट क्लेम करना है तो आपको आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप आरओआई फाइल नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट वालों को पता कैसे चलेगा कि आपका रिफंड बन रहा है, तो आपको आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। तो आप आरओआई अगर ड्यू डेट तक फाइल कर देते हो तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा कब से मिलने लग जाएगा, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, जिस दिन आपको रिफंड मिला उस दिन तक मिलेगा। और कब से मिलने लग जाएगा, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, अगर आप आरओआई ड्यू डेट तक फाइल कर देते हो। लेकिन अगर आप आरओआई लेट फाइल करते हो, आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे केस में जिस दिन आपने आरओआई फाइल करी उस दिन से इंटरेस्ट मिलेगा, और कब तक मिलेगा, जिस दिन आपको रिफंड मिला उस दिन तक मिलेगा। तो ड्यू डेट तक अगर आप आरओआई फाइल कर देते हो तो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा, कब तक मिलेगा, टिल डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। लेकिन अगर आप आरओआई लेट फाइल करते हो तो जिस दिन आपने आरओआई फाइल करी उस दिन से लेकर के जिस दिन आपको रिफंड मिला उस दिन तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये था रिफंड और ये था ये चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट कर लिया।
इस चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह सब मैंने आपको क्लास में करवाई दिए थे। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से देख लेना इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या है, समझने का कम है, याद करने का ज़्यादा है। रेट सारी याद करनी है आपको, कुछ तरीका नहीं है कि रेट आप शॉर्टकट में याद कर पाओ, रेट याद करनी पड़ेगी। वैसे जनरली TDS की जो रेट है ना, ज़्यादातर सेक्शन में 10% है, कुछ सेक्शन में 2% 1% भी है, लेकिन ज़्यादातर सेक्शन में आपको मिलेगी 10%, कुछ सेक्शन में 5% भी है। ये रेट है TDS की, एक दो सेक्शन में 30% भी है। तो रेट और एग्जामिनेशन मिड यहाँ याद रखनी है। तो इस चैप्टर को जितना रिवाइज करोगे ना, उतना आपके लिए फायदा रहेगा, उतना याद रह पाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की इस चैप्टर में ज़्यादा नीड नहीं है। क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, इस रिवीजन वीडियो के अंदर बता दिया कि क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी देखते हो इस चैप्टर में तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें ये रेट और लिमिट आपको बार बार देखनी पड़ेगी। जितना आप इस चैप्टर के रिवीजन वीडियो सुनोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। बार बार सुनते रहो, TDS तो बार बार ही सुनते रहो, TCS भी कभी कभार पूछ लेते हैं, वो भी आप सुनते रहो। बाकी एडवांस टैक्स रिफंड वगैरह, रिकवरी वगैरह, ये भी एक बार सुन लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कभी कभार इनका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स तक भी चैप्टर आ चुका, तो 15 मार्क्स तक भी ये चैप्टर आ जाता है। अच्छे से कर लेना, बाकी कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।